हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है एएमडी रियल क्रिकेट चैंपियनशिप इन एसोसिएशन विद एफईएआई। मेरा नाम है लूसिफर, मेरे साथ यहां पे जुड़ चुके हैं गेंजो टेक वाईटी और हम यहां पे वापस आ चुके हैं जिसका सबको इंतजार था, द नेशनल प्लेऑफ्स। बिल्कुल, एंड नेशनल प्ले ऑफ के साथ गाइस राउंड ऑफ 32 यहां पर रहने वाला है। जैसे हमने स्टेट फाइनल्स विटनेस करे थे, कुछ बोल सकते हैं एक ब्रेक के पहले, काफी बड़ा ब्रेक जरूर था, लेकिन उसी ब्रेक के दौरान गाइस राउंड ऑफ 64 स्टार्ट हो चुका था जो ऑफलाइन हुआ था। बट अभी जो हमारी सारी स्ट्रीम्स होगी वो राउंड ऑफ 32 से आपको ग्रैंड फाइनल्स तक देखने को मिलती हुई नजर आएगी। तो मैं तो काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ ग्रैंड फाइनल्स का कि कब से वो स्टार्ट होंगे। बट राउंड ऑफ 32 भी है ना जो यहाँ पर सेम है, बहुत जबरदस्त होने वाला है। जी हाँ, पहली बार यहाँ पे देखिए, जिसे आपने बताया ऑफलाइन में जरूर 64 का राउंड जो है चला है, एंड टीम्स को, आई वुड से प्लेयर्स को यहाँ पे मौका मिला है अलग अलग स्टेट से खिलाड़ियों से खेलने का। बट यहाँ पे जो हमारे साथ दर्शक जुड़ेंगे उनको यहाँ पे मौका मिलेगा ये स्टेट वर्सेस स्टेट का मुकाबला देखने के लिए, जो हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ना, वो आज के दिन में देखने के लिए मौका मिलेगा। एंड मैं वही देखना चाहता हूँ, शुरुआत कौन कौन से स्टेट से होगा और वहां पे जाके कौन से खिलाड़ी उभर के आएंगे, एंड आखिर में जैसे आपने बताया ग्रैंड फाइनल जिसका हम सब इंतजार करेंगे। बट उससे पहले किसके लिए हर एक खिलाड़ी लड़ रहे हैं, दैट्स गोइंग टू बी द प्राइस पूल। जाते हैं प्राइस पूल की तरफ, पहले से भी हम बात कर रहे थे, द प्राइस पूल इज गोइंग टू बी अ मैसिव 20 लाख्स। बिल्कुल, एंड अगर जीत दर्ज करेंगे, विनर जो बनेगा इस एएमडी रियल क्रिकेट चैंपियनशिप का 10 लाख रुपए लेके जाने वाला है। सेकंड पोजीशन में रहने वाले खिलाड़ी को 5 लाख रुपए, तीसरे पायदान में जो खिलाड़ी रहेगा 2 लाख रुपए, चौथे में खिलाड़ी को रहने वाले को 1 लाख रुपए, पांचवें से आठवें रहने पर 30,000 रुपए, एंड 9 to 16 में जो रहेगा 10,000 उसको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन सैम एक चीज है यहाँ पर, अभी हम राउंड ऑफ 32 यहाँ पर विटनेस कर रहे हैं, मतलब यहाँ से जो विक्ट्री हासिल करेगा वही राउंड ऑफ 16 में जाएगा और एक तरीके से अपने जो सुनिश्चित कर देगा अपने। Exactly, देखिए आज के दिन में जिस भी प्लेयर को जीत दर्ज होगा वो आगे जाएंगे, उनको एक पार्ट ऑफ द प्राइज मिलेगा। एंड देखिए हम हर वक्त बात करते हैं ना, इतना देर खेलने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद कुछ ना कुछ मिलना चाहिए हर एक खिलाड़ी को। तो आज के दिन में जो भी खिलाड़ी यहाँ पे जीत जाएंगे उनको यहाँ पे 10,000 तो मिनिमम कंफर्म है, उससे ज्यादा और कितना बेहतर खेलते हैं खिलाड़ी उनके ऊपर रहता है। एंड अगर यहाँ पे बेहतरीन तरीके से खेले ग्रैंड फाइनल तक पहुंच जाएंगे 10 लाख मिल जाएगा, 50% ऑफ द प्राइस पूल एक लौते खिलाड़ी को मिलेगा। दिस इज नॉट टीम, एक प्लेयर को मिलेगा गेम, सो वही एक बड़ी बात होगा। जी हाँ, काफी सवाल भी मुझे आ रहे थे ईडीएम के माध्यम से कि हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं गाइस, मैं बस यही बोलना चाहूंगा उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा हमारे नेक्स्ट इवेंट का। चलिए उसमें और जरूर मैं जानकारी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ना जो हम यहाँ पर हम सारी जो सेगमेंट्स है वो कवर अप कर लेते हैं, तो चलते एक बार ब्रैकेट्स की तरफ। एंड क्योंकि एज सैम सेड कि अब पहले तो आपने यहाँ पर स्टेट वर्सेस, मतलब विद इन स्टेट के अंदर जितने भी बेहतरीन खिलाड़ी थे आपने उनके अगेंस्ट खेला, उनको हराया, फिर उनसे मात खाई, कोई बात नहीं। बट अभी यहाँ पर आप स्टेट वर्सेस स्टेट खेलेंगे, तो अगर हम बात करते हैं शुरुआत की जो आप अभी के लिए हम आपको शेड्यूल भी दिखाएंगे कौन कौन से आज मुकाबले होने वाले हैं। बट ये है गाइस हमारे नेशनल प्लेऑफ्स के ब्रैकेट्स, जहां पर अगर आप देखें शुरुआत देखेंगे तो उत्तर प्रदेश वर्सेस पंजाब यानी प्रभात सिंह वर्सेस सुखप्रीत, देन मध्य प्रदेश वर्सेस केरला होगा जहां पर आपको नाम आपको नजर आ रहे सेम, राजस्थान वर्सेस हिमाचल, छत्तीसगढ़ वर्सेस वेस्ट बंगाल। गाइस सो ऑन, ये सभी आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं, देख सकते हैं आप जिस टीम को, जिस खिलाड़ी को आप सपोर्ट करना है, क्या वो खिलाड़ी मौजूद है और वो कौन से स्टेट्स हैं। तो बिल्कुल मैं यही बोलूंगा कि अपने स्टेट को जरूर सपोर्ट कीजिएगा और सामने वाले स्टेट को भी अगर अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो सपोर्ट करना तो बनता है सैम, उन्हें भी। जी हाँ, सपोर्ट हर एक खिलाड़ी को कीजिए क्योंकि देखिए अंत में जाके अपने देश में यहाँ पे एक बेहतर खिलाड़ी बनना चाहते हैं, एंड वही हम देखना चाहते हैं। जी हाँ, स्टेट के स्टेट वर्सेस स्टेट यहाँ पे मुकाबला होगा, एंड वही पे हमें पता चलेगा पूरा देश में एक ऐसे लौते खिलाड़ी जो इतना शानदार खेल सकते हैं एंड जो नेशन का चैंपियन बन सकते हैं इस रियल क्रिकेट चैंपियनशिप में, तो उसी का इंतजार रहेगा। देखिए ब्रैकेट्स में आपको हर चीज पता चल रहा है, ग्रैंड फाइनल्स में 2 प्लेयर्स मिलेंगे, उनका मुकाबला होगा, एंड उसमें से एक चैंपियन जरूर निकलेगा, एंड उसी का इंतजार रहेगा। बट उससे पहले देखिए हर एक खिलाड़ी जो हमारे साथ आज के दिन में जुड़ने वाला है और मैच देखने वाले, एक सिंगल एलिमिनेशन का मौका रहेगा। तो जैसे हम बात कर रहे थे आज के दिन के जो खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, चलते हैं शेड्यूल की तरफ और शेड्यूल में आपको पता चलेगा कौन से मैचेस आज में देखने के लिए मौका मिलेगा, कौन कौन से स्टेट से आएंगे, कौन कौन से खिलाड़ी होंगे, एंड आज के दिन में 4 मैचेस देखने के लिए मौका मिलेगा गेम्स।
बिल्कुल गाइस, यहाँ पर बैक टू बैक 4 मैचेस आपको देखने मिलेंगे इस नेशनल प्लेऑफ राउंड ऑफ 32 के। तो शुरुआत हम यहाँ पर करेंगे मैच नंबर 1 की, उत्तर प्रदेश वर्सेस पंजाब, जहाँ पर उत्तर प्रदेश से को रिप्रेजेंट करेंगे प्रभात सिंह एंड पंजाब से सुखप्रीत सिंह। उसके बाद हमारा मैच नंबर 2 होगा मध्य प्रदेश वर्सेज केरला का, जहाँ पर मध्य प्रदेश से धर्मेंद्र, केरला से मिथुन, राजस्थान वर्सेज हिमाचल प्रदेश होगा, जहाँ से राजेश मेघवाल वर्सेस लक्षित रहने वाला है यहाँ पर। उसके बाद जो आखिरी मुकाबला रहेगा वो रहने वाला है छत्तीसगढ़ वर्सेस वेस्ट बंगाल, जहां पर मुकेश दोदवानी जहां पर भिड़ते नजर आएंगे 100 विकेट दे के अगेंस्ट पे। बहुत बेहतरीन मैचेस होने वाला है गेम्स आज के दिन में, चारों शानदार मैचेस। एंड जैसे हम बात कर रहे थे, एक सिंगल एलिमिनेशन का ये मुकाबला रहेगा। हर एक टीम को, हर एक खिलाड़ी को यहाँ पे पहले ही मैच में जैसे ही उनका मुकाबला होगा वहीं पे आई वुड से मेहनत करके बहुत ज्यादा रन अपने नाम करना पड़ेगा। अभी जाएंगे पहले मैच की तरफ, द वर्सेस बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। ये पहले मैच में देखने के लिए मौका मिलेगा, जैसे हम बात कर रहे थे सुखप्रीत सिंह वर्सेस प्रभात सिंह। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्टेट को जरूर रिप्रेजेंट कर रहा है, बट आगे बढ़ के अपने जो पूरा देश है यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उसका चैंपियन खेलाना चाहते हैं इस AMD रियल क्रिकेट चैंपियनशिप में। जो भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, आप अगर यहाँ पे अपने स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो भरपूर चैट का इस्तेमाल कीजिए, उनके लिए स्पैम कीजिए और जी हाँ सपोर्ट दिखाइए। एंड वही हम भी देखना चाहते हैं कि आज के दिन का शुरुआत कैसे होगा गेम, जो कौन यहाँ पे बैटिंग लेगा, कौन यहाँ पे गेंदबाजी पे उतरेंगे एंड टॉस कौन जीतेगा, ये बहुत सारा सवाल रहेगा गेम। देखिए देखिए, हमें यहाँ पर पता चला कौन कौन से खिलाड़ी हैं। अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट रहेगा टॉस स्क्रीन का, तो चलते हैं टॉस कौन जीता है और क्या टॉस के बाद यहाँ पर गेंदबाजी या फिर बल्लेबाजी चुनी जाती है। तो प्रभात सिंह यहाँ पर टॉस जीते हुए आपको नजर आएंगे और पहले ही बॉलिंग यहाँ पर डिसीजन लिया कि हम पहले बॉलिंग गेंदबाजी करेंगे। तो देखते हैं अब जब सुखप्रीत यहाँ पर बल्लेबाजी करेंगे तो किस प्रकार का उनका रवैया रहेगा, कि शुरुआती ओवर से वो आक्रामक रवैया अपनाते कि नहीं, वो तो अभी वक्त बताएगा। बट अभी के लिए गाइस आपके सामने टॉस स्क्रीन आ चुकी है, प्रभात सिंह द टॉस। जी हाँ, देखिए टॉस यहाँ पे जीत के बॉलिंग लिया है एंड मेजॉरिटी जो भी हमने देखा है आज तक स्ट्रीम पे मैचेस, उसमें हमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स देखने के लिए मौका मिला है कि जो भी बॉलिंग आई वुड से चुनता है उसको यहाँ पे जीतने का मौका आई वुड से ज्यादातर मिलता है। तो प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं अभी प्रभात सिंह के पास रहेगा, बट देखिए हमें पता है अगर सुखप्रीत यहाँ तक आया है इस राउंड ऑफ 32 तक एंड स्पेशली इन द नेशनल प्लेऑफ्स, इतना आसान नहीं था इनका जर्नी, तो इतना आसानी से भी वो जाने नहीं देंगे। आपने जैसे बताया यहाँ पे शुरुआत में ही अग्रेसिव खेलेंगे या थोड़ा यहाँ पे फरकेंगे प्रभात सिंह को, कैसे इनका बॉलिंग स्टाइल रहेगा, कैसे इनको काउंटर किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं अडैप्टिव गेम का भी इंतजार रहेगा गेम शो। जी हाँ, और अब जैसे आपने बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैं देख पा रहा हूँ चैट सेक्शन में सपोर्टर्स दोनों तरफ से आ रखे हैं। एंड गाइस एक बार मैं स्टैट्स की तरफ भी अगर मैं बात करता हूँ उनका, कि प्रीवियस स्टैट्स क्या रहे थे जिस प्रकार यहाँ पर उत्तर प्रदेश से प्रभात सिंह, तो मैं बताना पहले तो ये चाहूंगा सैम और हमारे व्यूअर्स को भी कि दोनों ही यहाँ पर अपने अपने स्टेट के चैंपियन रहे हैं, मतलब स्टेट चैंपियन रहे हैं। एंड बात रही यहाँ पर स्टैट्स की, तो मैं एक बार बताना जरूर चाहूंगा यहाँ पर, जैसे पंजाब की बात कर लेते हैं यहाँ पर सुखप्रीत की, तो सुखप्रीत वहां पर पहले जब उन्होंने यहाँ पर अपना मैच खेला था स्टेट फाइनल्स का, पहला नहीं मतलब स्टेट फाइनल्स का जब मैच खेला था, तो 7 रनों से जीतते हुए नजर आए थे, तो मतलब वहां के चैंपियन बने थे। और अगर हम बात कर लेते हैं यूपी की, तो प्रभात वहां पर विनर बने थे और उन्होंने 9 विकेटों से जीत हासिल करी थी। मतलब एक तरह से हम बात करें तो गेंदबाजी वाली टीम की कहीं ना कहीं जीत और एक तरफ वहां पर बल्लेबाजी की जीत हमें देखने को मिलती है। तो अब वही चीज है, अब यहाँ पर अब देखने वाली बात ये रही कि जो उन्होंने स्टेट फाइनल्स में जो जीत दर्ज करी थी वो क्या यहाँ पर भी जीत दर्ज कर सकते हैं, लेकिन एक तरीके से चैंपियन वर्सेस चैंपियन, एक तरीके से हम बात करें तो एग्जैक्टली चैंपियन वर्सेस चैंपियन, इसलिए हम बता रहे थे स्टेट फाइनल्स में जो भी यहाँ पे खेल के जाते हैं वो चैंपियंस ही बनते हैं। बट अभी चलते हैं गेम की तरफ, गेम यहाँ पे शुरू होने वाला है एंड पहली मैच आज के दिन का, लेट्स हेड ओवर टू द गेम एंड वी विल सी यहाँ पे प्रभात सिंह और सुखप्रीत कैसे खेलेंगे। नेशनल प्लेऑफ्स का पहला मुकाबला होने वाला है गेम, जो मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था एंड पहला बॉल यहाँ पे शुरू होने वाला है। जी हाँ, शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है, बल्लेबाज तैयार, गेंदबाज तैयार, अंपायर भी तैयार है और हमारे व्यूअर्स भी यहाँ पर तैयार है, लेकिन आते ही पहली डॉट गेंद नहीं यहाँ पर वाइड करार दी गई है। मतलब शुरुआत अच्छी नहीं हुई है, प्रेशर में रहेंगे यहाँ पर गेंदबाज, और मेरे ख्याल से मुझे लगा नहीं था बट शायद वो जो लाइन है उसके ऊपर से गेंद गई, तो इसी वजह से यहाँ पर अंपायर को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। बट इस बार भी वही सेम गेंदबाज यहाँ पर करते हुए, एंड लगा था कि शायद ये लीव करेंगे बट जी नहीं, 2 रन आसानी से यहाँ पर जुड़ जाएंगे।
जी हाँ, देखिए इमीडिएटली एक मौका मिला है एंड आई थिंक वाइड का भी एक बेहतरीन फ़ायदा उठाया है यहाँ पे सुप्रीत ने, एंड इसलिए हम जी बोलते हैं कि देखिए जैसे भी आपको एक मौका मिल जाता है उसी के ऊपर टूट पड़िए एंड वही करते हुए दिखाएं। 3 रन यहाँ पे इतना आसान नहीं रहता है, पहली बॉल में करके दिखाते हैं एंड उसके बाद एक और शॉट, बट यहाँ पे फील्डर बहुत क्लोज आ चुके थे उसको पकड़ने के लिए, स्टिल 2 रन तो मिल जाएगा। या और रन रेट की हम बात करें, 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से अभी चल रही है, 5 रन ऑलरेडी बना चुके हैं 2 गेंदों में, बट मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इस नेशनल प्लेऑफ्स का कि बाउंड्री कब मिलेगी, पहली मैच में बाउंड्री कब आती है, इंतज़ार करना पड़ सकता है शायद हमें सैम इस चीज़ के लिए, बट जी नहीं अब इंतज़ार नहीं, क्योंकि अब इंतज़ार की घड़ियाँ होती है खत्म, पहली बाउंड्री यहाँ पर हमें देखने को मिलती हुई। पहली बाउंड्री ऑलरेडी देखिए धमाकेदार शुरुआत नहीं हुआ, फिर भी उनके पास जो देखिए रन्स हर एक बॉल में आ रहा था, तो कहीं ना जी कहीं पूरा जो वेट और जो यहाँ पे बॉल का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहा है ना, तो मुझे लग रहा है सुखप्रीत पूरा तैयारी के साथ आया आगे बढ़ने के लिए, शॉट कनेक्ट करने के लिए मौका बट मिला नहीं। फर्स्ट बाउंस का वार्निंग जरूर गेंदबाज को मिलेगा, स्टिल एक पहली बॉल एक डॉट बॉल खोते हुए नजर आ रहे हैं। चले शुरुआत तो अभी के लिए बोल सकते हैं डिसेंट सी मुझे देखने को मिल पा रही है, कोई विकेट भी नहीं यहाँ पर अभी के लिए गवाई है, और विकेट को तो देखो मैं अगर बात करूँ तो 5 ओवर का गेम है तो विकेटों का इतना ज़्यादा दिक्कत भी नहीं रहता है, अभी भी अगर आप देखेंगे 13.5 की औसत से फिलहाल के लिए रन रेट हमें देखने को मिल पा रही है, कोशिश तो रहेगी इससे भी ज़्यादा का आंकड़ा यहाँ पर प्राप्त करें पहले ओवर में। अगर यहाँ पे 15 से ऊपर करेंगे तो और बेहतर रहेगा, 2 और गेंद एक डॉट में तब्दील होता हुआ नजर आएगा, बट नो बॉल का करार और एक फ्री हिट मिलेगा यहाँ पे। कहीं ना कहीं मैं सोच रहा था कि डॉट बॉल होगा तो जो 15 रन का उम्मीद था वो कहीं ना कहीं खो बैठेंगे, बट ये नो बॉल ना वो उम्मीद को जगाया हुआ है, देखेंगे इस नो बॉल में कमाल करेंगे या इसको भी खो बैठेंगे। सुप्रीत तैयार बट शॉट कनेक्ट करने के लिए मिस करते चांस। देखिए डेड पिच एक तरीके से मैं अगर बात करूँ तो कभी उछाल मिलेगी कभी, और ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि आपकी बॉल उतनी उछाल नहीं भरेगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर शॉट मारना पड़ेगा। पिछली गेंद में अगर हम बात करें तो वो शायद थोड़ा सा मिस जज कर बैठे वहाँ पर, और देखिए फिर से वही चीज़, इस बार उछाल आई, इस बार उनको नहीं पता था, बट पहले ओवर की तो समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है एंड पहले ओवर के बाद स्कोर रहेगा 10 बिना किसी नुकसान के। जो हम बात कर रहे थे ना गेम से जो अडेप्टेशन गेम प्ले होता है वो थोड़ा प्रभात की तरफ से बेहतरीन लग रहा है, आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पे सुप्रीत थोड़ा पीछे चल रहा है, 10 रन इज स्टिल गुड, बट जैसे हम बात कर रहे थे आपको और भी ज़्यादा रन बनाना पड़ेगा क्योंकि ये 5 ही ओवर का मैच है, अगर आप 50 भी नहीं बना सकते हो ना तो कहीं ना कहीं जो अभी गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी इनिंग्स में जब बल्लेबाजी पे उतरेंगे कमाल करके दिखा सकते हैं। दूसरी ओवर का पहला बॉल सीधा शॉट कनेक्ट करते हुए बाउंड्री की तरफ यहाँ पे निशाना एंड एक सिक्सर जाता हुआ नजर आएगा, बेहतरीन शुरुआत दूसरे ओवर में ही आप गेम से इतना शानदार, मतलब वो जो डीप फाइन लेग एंड स्क्वायर लेग के बीच जो बीच ये शॉट जाता नजर आया एंड कोई मौका भी नहीं, अगर मान ले कोई फील्डर होते भी तो उधर शकी बन के रह जाते, तो पहला सिक्स हमें इस इनिंग का देखने को मिलता नजर आया। मिशेल स्टार्क की गेंद में देखिए इतना ईजी नहीं रहता, बट यहाँ पर अगर देखेंगे स्टार्क ने क्या करा है, पिछले गेंद में छक्का खाया था तो इस गेंद में थोड़ा सा स्लो पेस उन्होंने गेंद फेंकी यहाँ पर, बदलाव प्रभात की तरफ से आ रहा है, सुप्रीत उसको परखने में थोड़ा देर जरूर कर रहा है बट देखेंगे इस बार भी एक डॉट बॉल में तब्दील, 3 बॉल इस ओवर के सिर्फ 6 रन, 3 और बॉल बाकी है, 14 बॉल का शुरुआत, थोड़ा यहाँ पे गुड टू शॉर्ट लेंथ बॉल डालने के लिए मौका ढूंढ रहे प्रभात, सुप्रीत क्या कनेक्ट कर पाएंगे। नो नो कनेक्शन कनेक्शन नहीं बैठ पाए आपस है ना, थोड़ा सा बोल सकते हैं आवश्यकता है और भी कनेक्शन, जितने ज़्यादा कनेक्शन रहेंगे बल्ले और गेंद में तभी यहाँ पर कुछ फ़ायदा मिल सकता है, और ये देखा जाए काफ़ी अच्छी वापसी गेंदबाज की तरफ से पहले गेंद में छक्का खाने के बाद हर गेंद की में एक डॉट डिलीवरी, बट इस बार 1 बाउंस करा दिए, एक ब्रह्मास्त्र रहता है कि आप एटलीस्ट इस बाउंसर के चलते ना मिस करा देते गेंद और बेशक वो बाउंस होती है, लेकिन हाँ आप थोड़ा सोच समझ क्योंकि एक और बाउंस होगी तो फिर नो बॉल करा दी जाएगी वो। देखिए आई थिंक ये आखिरी बॉल होने वाला है इस ओवर का, तो बेहतरीन कंट्रोल में यहाँ पे रख के खेले हैं, और देखिए वापस जैसे एक फर्स्ट बाउंस दिया यहाँ पे इतना ज़्यादा बाउंस होने के लिए मौका नहीं मिला उस बॉल को, तो सुखप्रीत का जजमेंट थोड़ा कहीं ना कहीं मिस हो गया एंड प्रभात देखिए
गेमजो यहाँ पे बहुत खुश रहेंगे। सिर्फ 6 रन इस ओवर में उन्होंने खोया है, पिछले ओवर में जरूर 10 रन दिया था, बट कहीं ना कहीं जो आंकड़ा जो बढ़ाने के लिए सुप्रीत मौका ढूंढ रहे ना, उसको कम करते हुए नजर आ रहे प्रभात हर एक ओवर में। दो ओवर में मात्र अभी अगर हम बात करें तो 16 रन यहाँ पर लगे हैं, 8 रन की औसत। मतलब पिछला ओवर काफ़ी शानदार गया, मतलब शुरुआत अच्छी नहीं गई थी यहाँ पर, हमने देखा था पहली गेंद में 6 रन, लेकिन उसके बाद जो वापसी की गई है वो काफ़ी शानदार है। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि अगर मान लीजिए शुरुआती 1-2 गेंदों में अगर आप बाउंड्रीज भी खा जाए आप वापसी नहीं कर सकते, आप करके दिखा सकते हैं वापसी। और फिलहाल के लिए मात्र 18 गेंदें शेष है तीसरे ओवर का आगाज, और यहाँ पर अभी गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या लगा दिए गए। देखिए कहीं ना कहीं एक शॉट लेते हुए, बट ये टॉप एज होते सीधा फील्डर के हाथ, सुप्रीत मुश्किल में आते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं शुरुआत बॉल में हम जब देख रहे थे ना सुप्रीत को, कंट्रोल में लग रहे थे, शॉट यहाँ पे बाउंड्री की तरफ निशाना जाता हुआ, बॉल गेंद जाता हुआ नजर आ रहा था, बट उसके बाद यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रभात जो अडेप्टेशन एंड इम्प्रोवाइजेशन दिखा रहे हैं ना, सुप्रीत इज अनेबल टू काउंटर। तो पहली विकेट यहाँ पे गिरदाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ पे बताने ही वाला था 3 और ओवर है, देखिए पहले 2 ओवर में कुछ कमाल नहीं कर पाए, तो एटलीस्ट इस आखिरी 3 ओवर में कुछ धमाल कीजिए। विकेट खो के दूसरा बॉल बाउंड्री की तरफ निशाना जरूर गया है, बट थोड़ा शॉर्ट रहेगा, बट कोई फील्डर नहीं है उसके डायरेक्शन में, एंड एक आसान 4 यहाँ पे जाता हुआ बाउंड्री की तरफ और एक बेहतरीन चौका। गलती पॉइंट के क्षेत्र में काफी कम बोल सकते हैं, काफी अच्छा कट वो हमें देखने को मिलता नजर आया। 4 रन यहाँ पर तब्दील किए जाएंगे, लेकिन मैं बताना जरूर चाहूंगा जब प्रभात सिंह पिछली बार जब स्टेट फाइनल्स वो खेले थे यहाँ पर अगेंस्ट अपने यहाँ पर, उन्होंने पहले मतलब जब गेंदबाजी करी थी उस टाइम में भी उन्होंने यहाँ पर टॉस जीत के गेंदबाजी यहाँ पर करी, तो 36 रन पे रोका था उन्होंने यहाँ पर अपने अपोनेंट को। तो अभी के लिए अगर हम बात करें वही कुछ उसी प्रकार की शुरुआत है, बट यहाँ पर फील्डर मिस जस्ट कर बैठे वहाँ पर, गलती मेरे ख्याल शायद उनको लगी गेंद उनके हाथों में आ जाएगी, बट जी नहीं, वन बाउंस। एंड चलिए कभी कभी ये चीज़ें हो जाती, बट बड़ी गलती ना हो जाए क्योंकि एक मेन खिलाड़ी का उन्होंने यहाँ पर विकेट गवा, मतलब विकेट गवा मतलब कमा सकते थे वो यहाँ पर, वो उनका देखिए ऐसे छोटी छोटी मौके पे अगर कैपिटलाइज नहीं कर पाओगे तो मुश्किल में जरूर हर एक खिलाड़ी आएंगे, तो देखेंगे इसके फायदा क्या सुप्रीत पूरी तरीके से उठा पा रहा है। एंड जी हाँ वैसे ही लग रहा है, बट यहाँ पे फील्डर तैनात थे एंड सीधा फील्डर के हाथ में, तो दूसरा विकेट कहीं ना कहीं सुप्रीत यहाँ पे सोच रहे थे कि देखिए वो जो पिछले बॉल में जो विकेट लेने का मौका था उसको गवा बैठे, तो इस बार में भी यहाँ पे बाउंड्री आने का मौका रहेगा, बट वो जो विकेट गया ना उसको लेने के लिए तैयार थे प्रभात, एंड वो छा था उनके पास, एंड उसके वजह से विकेट लेते हुए नजर आए। सौविक दे मुझे नजर आ रहे हैं चैट में, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग सौविक दे का आज मैच भी है, चौथा मैच, और हमें पता है देखिए जितने भी खिलाड़ी बचे हुए ना यहाँ पर सैम, उनको पता है कि उनको कहीं ना कहीं अगर वो जीत दर्ज करते हैं इस नेशनल प्लेऑफ्स में तो उनको इन्हीं अपोनेंट का सामना करना पड़ सकता है, तो स्ट्रेटजी बनाने जरूर आए होंगे यहाँ पर, और देख भी रहे कि किस प्रकार का माहौल है क्योंकि शुरुआत हो रखी है, प्रेशर में रहे खिलाड़ी क्योंकि यहाँ से अब आगे नहीं जाएंगे, अब आप यहाँ से हारे तो आपका सफर यहीं पर ही खत्म हो जाएगा इस AMD क्रिकेट चैंपियनशिप का। तो अभी देख रहे हैं यहाँ पर सौविक दे, और हमें पता है इनका मैच काफी जबरदस्त गया था जब स्टेट फाइनल्स इन्होंने खेला था। अरे खिलाड़ी का इतना ही जबरदस्त जाता है मैच, बट यहाँ पे देखे एक और बार कहीं ना कहीं सुप्रीत हर एक बॉल में रिस्क जरूर उठा रहे हैं, आई थिंक रिस्क उठाना ही पड़ेगा सुप्रीत को अभी, क्योंकि 3 ओवर खत्म होने को आ रहा है बट उनका रन अभी भी कहीं ना कहीं सिर्फ 24, 25, 26 में चलता हुआ नजर आ रहा है, एंड अगर 30 का जो आंकड़ा है उसको पार नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं मे बी देखे, क्योंकि यहाँ पे अभी भी बल्लेबाजी चल रहा है, सुखप्रीत का जब गेंदबाजी शुरू होगा ना तो अगर उनका भी यहाँ पे दमकम देखने के लिए मौका मिला ऐसे बेहतरीन तरीके से प्रभात जैसे अगर बॉलिंग करते हुए नजर आए, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे गेम शो कि इमीडिएटली जो होता है हमें देखने के लिए मौका मिलता है तो रिटेलिएशन और कंट्रोल लेने के लिए मौका मिलता है, बट थोड़ा यहाँ पे टेक्निकल ग्लिच की वजह से जरूर जो 26 रन मिला था उसके बाद यहाँ पे 28 होता हुआ नजर आया। तीसरे ओवर का पहला गेंद भी यहाँ पे जा चुका है एंड इमीडिएटली दूसरे गेंद के इस्तेमाल से सीधा कैच करते हुए एंड प्रभात कहीं ना कहीं इमीडिएटली कंट्रोल में ओवर को लेना चाहते हैं, हर एक ओवर को अगर थोड़ी रन खो रहे इमीडिएटली उसको एक विकेट में तब्दील करते हुए रन को रोक रहे हैं। कोशिश तो यही है देखा जाए तो, मेरे ख्याल से जो एम है ना अभी यही है कि इन 10 गेंद में
अगर वो 40 के अंदर उनको रोक लेते तो काफ़ी अच्छी शुरुआत होगी। 50 भी अगर देंगे तो चलिए अच्छी शुरुआत है, बट जितना कम से कम वो टारगेट रहेगा उतना उनके लिए यहाँ पर बेस्ट रहेगा। बट इस बार शॉट मारा गया है और कनेक्शन मुझे लगा काफ़ी बेहतर है पिछली गेंद से, जो यहाँ पर बाउंड्री तक नहीं पहुँचा पाए थे, कॉट हो गए थे, बट इस बार गेंद सीधा जाएगी बाउंड्री के बाहर। बेहतरीन शॉट यहाँ पे कनेक्ट करते हुए, एंड कहीं ना कहीं ये चाहिए था टू टर्न द मोमेंटम। 3 गेंद यहाँ पे जरूर जा चुके हैं, 2 रन उनको मिला था, यहाँ पे सिक्सर लेते हुए नजर आया, बट इसके बीच में एक विकेट भी खोया है। आखिरी 3 बॉल इस ओवर का, और इस 4th बॉल पे मैं सोच रहा था डॉट, बट एक वाइड का करार दिया जाएगा एंड उसके साथों साथ एक फर्स्ट बाउंस का वार्निंग। तो कहीं ना कहीं प्रभात जैसे हम बात कर रहे थे ना, हर एक वक्त बदल जो बॉलिंग में बदलाव लेके आ रहे हैं, विद रिस्क लेके आ रहे हैं। यहाँ पे एक नो बॉल भी देखने के लिए मौका मिला है, एंड आई थिंक हर 3 ओवर में एक बार तो फर्स्ट बाउंस का करार उनको मिल चुका है। जी, और एक और चीज़ है, अभी बोलर ना काफ़ी जल्दबाजी भी होगी यहाँ पर सैम ना, कि अगर मान लीजिए हमें लगता है कि चलिए 3 रन नहीं बना पाए, लेकिन अब ये भी चीज़ करके सुप्रीत भी करके दिखा सकते हैं। मान लीजिए अगर जब वो गेंदबाजी में आएंगे तो ज़रूर देखने वाली बात होगी। पिछली बार जब वो कर रहा था उन्होंने 7 रनों से, मतलब उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो अपना टारगेट उन्होंने जब दिया था अपोनेंट को जब गेंदबाजी में आए थे, तो वहाँ पर वो जीत दर्ज करके लाए थे। तो स्टेट वर्सेस, मतलब एक स्टेट चैंपियन वर्सेस स्टेट चैंपियन है यहाँ पर, लेकिन जो भी यहाँ पर हार का सामना करेगा वो हार होता हुआ नजर आ जाएगा इस नेशनल प्लेऑफ से। इतनी मेहनत जो की गई है उस पर बिल्कुल बोल सकते हैं पानी फिरता हुआ नजर आएगा। एंड सभी दर्शकों से यही बोलना चाहूँगा कि आप भी अपना जो ग्राइंड है ना, आप भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के इस 2022 में, मिड ऑफ 2022 में यहाँ पर आपको ऐसे ही अमेजिंग टूर्नामेंट देखने को मिलते नजर आएंगे रियल क्रिकेट के। जी हाँ, बट यहाँ पे देखिए एक अमेजिंग शॉट देखने के लिए मौका मिलता है सुप्रीत की तरफ से। एंड ऐसे देखिए, ऐसे जब जैसे आप बता रहे थे कि जो जैसे दर्शक भी यहाँ पे खेलते हुए नजर आएंगे, जैसे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव सिनारियो में उतरेंगे, ऐसे ही हमारा एक्सप्रेशन रहेगा जब वो शॉट्स लेते हुए नजर आएंगे। एंड जैसे आपने बताया, आपको भी चांस मिलेगा दर्शक जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपको सिर्फ यहाँ पे फॉलो करना है @SKSportsGaming को, सारे अपकमिंग टूर्नामेंट्स का अपडेट आपको मिला जाएगा। एंड दैट्स ऑल यू नीड टू हैव, ग्राइंड चालू रखिए एंड जब भी रजिस्ट्रेशन खुलेगा आप इमीडिएटली ज्वाइन कर लीजिए। बट यहाँ पे शुरू करते हुए नजर आएंगे 4th ओवर को, और पहली बॉल में आई थिंक सिर्फ 1 रन मिलेगा, या दूसरे पे यहाँ पे नहीं, दूसरे में एक रिस्क नहीं लेना चाहते थे, जा सकते थे, टाइम था उनके पास, बट कहीं ना कहीं एक में थोड़ा खुश रहने का मौका ढूंढ रहा है। तो क्योंकि रन रेट यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं 10 का तो आ चुका है, बट ये आखिरी ओवर होने वाला है इस इनिंग्स का। बिल्कुल, एंड्रो गेमर्स बोल रहे हैं यहाँ पर चैट में कि अगर इस आखिरी ओवर में अगर 20 से 25 रन अगर वो बनाते हैं, मिनिमम 20 रन उन्हें बोला है, यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव स्कोर रहेगा। तो जी हाँ, कोशिश तो यहाँ पर रहेगी उनकी यहाँ पर सुप्रीत के द्वारा कि अच्छे स्कोर यहाँ पर बना सके। एंड ये एक थर्ड मैन की दिशा में जो ये 6 रन उन्हें भेजा है, काफ़ी कमाल का, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा 50 के काफ़ी करीब। अब देखिए, जहाँ पर हमें लग रहा था कि 40 बनना यहाँ पर काफ़ी मुश्किल है, आंकड़ा उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर 50 को छू चुका है, 10 रन अब और ज़्यादा बन चुके हैं। अभी भी 4 गेंदें बाकी है, फ़ायदा उठाइए इस चीज़ का, क्योंकि अभी देखा जाए तो आप रबाडा की जो गेंदबाजी चल रही उसी का ही, उसी गति का ही आप फ़ायदा उठा सकते हैं यहाँ पर। लेकिन इस बार हमने गति का नाम लिया ज़रूर, 145.8 की रफ्तार से देखिए गेंद फेंकी गई थी, बट वो जो जहाँ पर वो टप्पा खाई ना, वहाँ से उछाल नहीं मिली गेंद, बिल्कुल एक लो थोड़ा सा बाउंस होके चली गई यहाँ पर। देखिए वो प्रभात है, हर एक वक्त हर अपने बॉलिंग पे बदलाव लेके आ रहा है। इमीडिएटली सुप्रीत इसको रीड करते हुए बेहतरीन एक और सिक्सर कनेक्ट करते हुए नजर आया है। कहीं ना कहीं चैट सेक्शन में जो यहाँ पे बता रहे हैं ना, उसको सुप्रीत सुन चुके हैं, एंड उसके ऊपर, उसके बलबूते के ऊपर ही जो यहाँ पे वो भी सपोर्ट दिखा रहा है ना, उसके ऊपर ही खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एक बेहतरीन सिक्सर, 2 सिक्सर यहाँ पे इस ओवर में निकाल चुके हैं, 2 और गेंद यहाँ पे बाकी है, एटलीस्ट 1 सिक्सर या चौका मिल जाएगा तो 60 का जो आंकड़ा है पार कर सकते हैं। बट एक डॉट बॉल आता हुआ आखिरी गेंद के ऊपर, सारे उम्मीद क्या यहाँ पे 1 60 पहुंचेंगे या उससे पहले निकल जाएंगे। देखिए, मुझे लग रहा है कि एक ब्रह्मास्त्र जो होता है ना यहाँ पर बाउंसर का, वो यहाँ पर कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे अभी तक कोई वन बाउंस नहीं कही है, तो इस बार बाउंसर डाली जाएगी। बट जी नहीं, बाउंस उतना ज़्यादा नहीं, एक अच्छी गुड लेंथ पे, और 2 रन तो आराम से ले लेंगे, और अगर मौका रहा तो 3 रन के लिए बक्स सकते, लेकिन डाइव लगा दी गई तो मौका नहीं बन पाया। एक अच्छा कम बैक मैं बोल सकता हूँ, उतना ज़्यादा स्कोर तो नहीं है जितना वो चाहते थे यहाँ पर शुरुआत में, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ज़्यादा भी इसमें ओवरथिंक नहीं करना चाहिए। 58 रन का टारगेट दिया है, जहाँ पर हमें लग रहा था कि 40
रन भी बनने काफी मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि विकेट भी एक निरंतर अंतराल में वो गवा रहे थे और रन नहीं बन रहे थे उनसे, लेकिन आखिरी के दो ओवर में तो बोल सकते धमाकेदार एक वापसी उन्होंने करी है। 59 रन का टारगेट यहाँ पर दिया जाएगा एंड देखते हैं यहाँ पर क्या ये 30 गेंदों में अचीव हो पाएगा कि नहीं। जी आखिरी ओवर में बेहतरीन तरीके से उन्होंने खेला था, बट यहाँ पे प्रभात का गेंदबाजी देखने के लिए मौका मिलेगा, उनके जो सॉरी बल्लेबाजी देखने के लिए मौका मिलेगा। गेंदबाजी में तो उन्होंने कमाल कर चुके, क्या यहाँ पे बल्लेबाजी में कमाल कर सकते हैं, इज गोना बी द मेजर क्वेश्चन। सुप्रीत ने कहीं ना कहीं आखिरी ओवर में जैसे आपने बताया बेहतरीन तरीके से खेला था एंड उसी को यहाँ पे रेप्लीकेट करने के लिए मौका देंगे प्रभात को, या प्रभात पूरा फायदा पहले ही अग्रेसिव जाते हुए नजर आएंगे एंड पहले कुछ ओवर में शुरू और खत्म करना चाहते, देखना पड़ेगा। शॉट लेंगे फील्डर की तरफ जाता हुआ, पहली बॉल में सिर्फ 2 रन लेते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, केपीडी बोल रहे हैं नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, तो गाइज अभी के लिए तो देखिए अभी तो नहीं, लेकिन हाँ मिड लाइक आप अगस्त के बाद या फिर जुलाई अगस्त, आप मैं तो यही बोलूँगा सबसे पहले कि आप स्काई स्पोर्ट्स गेमिंग को फॉलो करके रखें ताकि जब भी आपको इस चीज़ का अपडेट मिलेगा, बस हम इतना बता सकते हैं कि उसी दौरान ही रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आ सकते हैं, तो पहले से आप इनको फॉलो करके रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जी नेक्स्ट टूर्नामेंट आ रहा है और उसका जो प्राइस पूल रहेगा आप समझिए इस वाले इवेंट का प्राइस पूल है 20 लाख रुपये। नेक्स्ट जब इवेंट आएगा तो उसका प्राइस पूल आप समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा होना निश्चित है, और मेक श्योर आप ग्राइंडिंग करना तो स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि आप काफ़ी लोग यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सरप्राइज हो रहे हैं कि 20 लाख प्राइस पूल है, तो जी हाँ गाइस 20 लाख प्राइस पूल है इस एएमडी रियल क्रिकेट चैंपियनशिप का इन एसोसिएशन विद एफईआई, तो मौका इनके पास है। देखिए इन्होंने भी एक तरीके से जब शुरुआत करी होगी एक ऐसा फन गेम खेली होगी, जब इनका थोड़ा सा बोल सकते हैं ना गेम में एडवांस खेलना स्टार्ट कर दे इन्होंने, काफ़ी बोलते हैं स्पेशलाइजेशन होता है प्रोफेशनल बन जाते हैं, तो अब ये यहाँ तक पहुँचे हैं और इनके पास एक बढ़िया मौका है 10 लाख तक का भी जीतने का अगर ये विनर बनते हैं इस इवेंट का। तो एग्जैक्टली चैंपियन को 10 लाख मिलेगा एंड हर एक खिलाड़ी जो उम्मीद रख रहे हैं यहाँ पे चैट सेक्शन में उनको भी मौका मिलेगा। जैसे गेम्स ने बताया आपको सिर्फ ग्राइंड चालू रखना पड़ेगा और जैसे उन्होंने बताया इंस्टाग्राम पे @sportsgaming को फॉलो कीजिए एंड ये देखिए पहला टूर्नामेंट है ऑलरेडी 20 लाख का आ चुका है, तो अभी तो इससे ऊपर ही आने वाला है हर एक टूर्नामेंट, बट यहाँ पे ऊपर से शॉट कनेक्ट करते हुए जो पांचवा बॉल होता है बाउंड्री के तरफ, बट थोड़ा स्लो होने की वजह से बॉल का पेस बाउंड्री नहीं पहुंच पाया, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा खुश नहीं रहेंगे, बट यहाँ पे डाइव लगाते हुए 3 रन ले चुके, 1 रन कमी उनको महसूस जरूर होता रहेगा क्योंकि उतना पास पहुंच चुका था बॉल बाउंड्री के। बोल सकते हो कि आप जो आउटफील्ड है उतना ज़्यादा तेज़ नहीं है और गति उसमें उस टाइम शॉट में भी इतनी ज़्यादा गति से नहीं मारा था उन्होंने, तेज़ नहीं मारा था, बट यहाँ पर वन बाउंस फील्डर के पास जाएगा और 1 रन से ज़्यादा नहीं है क्योंकि अगर दूसरा भगते निश्चित ही यहाँ पर रन आउट हो सकते, तो पहला ओवर गाइस हो चुका है समाप्त। जिस प्रकार यहाँ पर शुरुआत हुई थी यहाँ पर सुखप्रीत की उसी प्रकार की शुरुआत यहाँ पर हुई है यहाँ पर प्रभात की भी। एक बार गाइज मैं बताना जरूर चाहूँगा पूछना जरूर चाहूँगा आप लोगों से जितने भी दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं कौन कौन गाइज यहाँ पर खेलते हैं आरसीसी, एक बार बताना जरूर, और किन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट करा था एक बार वो भी आप मुझे बताइए कि आप लोगों ने क्या इस एएमडी रियल क्रिकेट चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करा था और करा था तो कौन से स्टेट से, तो यहाँ पर यस आपने आपने इस इवेंट में पार्टिसिपेट करा था कि नहीं और कौन से स्टेट से, वो बताना जरूर, मैं भी देखना जरूर चाहूँगा। यहाँ पर कुछ नाम भी हम रीड कर लेंगे क्योंकि मज़ा आते हैं यहाँ पर हमारे दर्शकों के साथ बातचीत करने का भी और मैच का लुत्फ हम उठा ही रहे हैं यहाँ पर। एग्जैक्टली देखिए कहीं ना कहीं हम भी यहाँ पे दोनों चीज़ का बेहतरीन मज़ा उठा रहे हैं और वही देखने के लिए हम मौका भी ढूंढ रहे हैं कि जो हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं उसका ये मैच का पूरा लुत्फ उठाए, एंड नॉट ओनली दैट यहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस भी उनको भी गेन करना पड़ेगा क्योंकि इतना शानदार खिलाड़ी जो अपने स्टेज से उभर के आया है एंड अभी नेशन को रिप्रेजेंट करना चाहता है इस नेशनल फाइनल्स में, अपने अपने स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आ रहा है, बट यहाँ पे दूसरी बॉल में हमको देखने के लिए मौका मिला फर्स्ट बाउंस का वार्निंग जो प्रभात के साइड में यहाँ पे कहीं ना कहीं वो देखने के लिए मौका मिल रहा था हर एक ओवर में, इस बार यहाँ पे देखने के लिए मौका मिल रहा है एंड उसी का पूरा यहाँ पे इमीडिएट कैपिटलाइजेशन और बेहतरीन तरीके से विकेट गिराते हुए नजर आ रहा है सुखप्रीत। देखिए जैसे वो बदलाव लेके आ रहे थे ना प्रभात अपने गेंदबाजी में, सुखप्रीत वही करते हुए नजर आया, सोचे थे कि मे बी यहाँ पे एक स्लो शॉट आएगा बट उन्होंने वैसे ही फेंका एंड उसकी वजह से एक फील्डर को भी तैनात किया एंड सीधा फील्डर के हाथों में और वो भी क्लोज टू एक लाइव कैच था।
बिल्कुल, शुरुआत तक बोल सकते हैं डिसेंट ही है। अभी कोशिश की जा रही है कि बाउंड्री पे तब्दील किया जाए, और इस बार भी अगर देखेंगे आउटफील्ड मुझे लग रहा है काफी स्लो सी नजर आ रही है, क्योंकि फील्डर आसानी से पहुंच जा रहे हैं। एक दो रन से कोई ज्यादा दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। एंड ये जो वेरिएशन ला रहे हैं, जो गति में तब्दीली ला रहे हैं गेंदबाज, वो भी काफी अच्छे से वो करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी जैसे मैंने यहाँ पर पूछा तो जी हाँ, कुछ का जवाब यहाँ पर आ रहा है कि मैं तो खेलता हूँ बट पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो गाइज यहाँ पर नेक्स्ट टाइम जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। और आप कैसे कर सकते हैं, स्काई स्पोर्ट्स गेमिंग गाइस सर्च कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, और जो भी लोग यहाँ पर भी स्काई स्पोर्ट्स में देख रहे हैं चैनल विटनेस करें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और डिस्कॉर्ड भी जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको अपडेट मिल सके इसके रिगार्डिंग। और नेक्स्ट टाइम हम चाहते हैं कि आप भी यहाँ पर आए, और क्योंकि रहता है ना कि मुझे पता है क्षमता है इन सभी व्यूअर्स में भी कि ये भी खेल सकते हैं, बट गाइस ग्राइंड करेंगे जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी आप आगे की स्टेज में पहुंच सकते हैं। और इसी बीच यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, शानदार एक बाउंड्री, शानदार एक सिक्सर, बहुत ही कॉन्फिडेंस दिस एक बूस्ट करेगा। एक एटलीस्ट आपको ना बेस क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर सैम बल्लेबाज को। यहाँ तक अभी भी जो हम बात कर रहे थे वो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो किया नहीं है यहाँ पे प्रभात ने। कहीं ना कहीं जैसे बॉल आ रहा है उसी को काउंटर करते हुए नजर आया, कहीं ना कहीं जो पिच है ना उसको कमांड करना पड़ेगा प्रभात को, जो बॉलिंग आ रहा है ना उसको इमीडिएटली काउंटर करने के लिए यहाँ पे मौका ढूंढना पड़ेगा। बट सुप्रीत इसका पूरा फायदा उठा रहे, थोड़ा पीछे धकेल दिया गया उनको जरूर, एंड उसी का पूरा यहाँ पे आई वुड से कैपिटलाइजेशन भी सुप्रीत की तरफ से देखने के लिए मौका मिल रहा है। बट ये बहुत क्रूशल होने वाला है अभी, क्योंकि तीसरे ओवर का शुरुआत, क्योंकि पिछली बार भी जब सुखप्रीत का तीसरे ओवर शुरू हुआ था वहाँ पे बहुत ज़्यादा डगमाया था उन्होंने, तो देखेंगे यहाँ पे प्रभात क्या डगमगाएंगे या इमीडिएटली कैपिटलाइज करेंगे। बट एक रिस्की रन यहाँ पे लेते हुए रन आउट का मौका रख रहे थे, बट जैसे ही डाइव लगाएंगे जो स्क्रीज होता है उसको पार करते हुए सेफ हो जाएंगे जरूर। जी हाँ, अभी के लिए 11.65 का रिक्वायर्ड रन रेट हमें यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है। अभी भी देखा जाए तो ड्यूएबल है, कोई दिक्कत नहीं है कि आप हर गेंद, अगर आप हर ओवर में दो, अगर आप दो बाउंड्रीज पे अगर आप लगाते हैं चेजेबल है, आराम से कर सकते। लेकिन हाँ, जितने और ज़्यादा आप रन आप एकत्रित करेंगे उस ओवर में तो आपके लिए और भी जो आगे के ओवर है और भी सरल हो जाएंगे, आपको रन बनाने के लिए सरल हो जाएंगे। और यहाँ पर एक रिस्की डाइव लगाई गई है, रिस्की रन लिया गया है, लेकिन क्या यहाँ पर अंपायर जी नहीं बिल्कुल भी खुश नहीं है, उनको पता था कि यहाँ पर पहुँच गए क्रीज के अंदर। जी हाँ, देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्क दोनों उठा रहे थे, एंड वही होता है, देखिए प्रेशर के ऊपर आते हैं प्लेयर्स और प्रेशर में आना ही पड़ता है कहीं कभी ना कभी, क्योंकि देखिए उनको पता है ये सिंगल एलिमिनेशन, कोई यहाँ पे उनके पास मौका नहीं है, सेफ्टी नेट नहीं है, तो अगर इस मैच को हारेंगे तो यहाँ से सीधा बाहर। और जैसे आपने बताया, जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे शुरुआत में, प्राइज पूल के इतना पास आके अलविदा कहना पड़ेगा इस टूर्नामेंट से, तो वो दोनों नहीं चाहते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो होगा ही, एंड इस इन दोनों के बीच में एक प्लेयर निकलेगा, वो देखेंगे क्या वो सुखप्रीत होंगे या प्रभात। देखिए देखिए सैम, यहाँ पर सभी को पता है कि एक जीतता है तो एक हारता है, लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि हार के आप नहीं जा रहे, आप सीख के यहाँ पर आप जाएंगे, लेकिन कौन वो रहेगा वो तो अभी हमें जब हमारे सारे ओवर कंप्लीट यहाँ पर सारी गेंद हो जाएगी इस पांचों ओवर की तभी पता चल पाएगा। बट यहाँ पर एक शानदार विकेट हमें देखने को मिलते हुए नजर आई, प्रभात अभी फिलहाल के लिए प्रेशर में मुझे नजर आ रहे हैं, यहाँ पर कोशिश तो जरूर कर रहे हैं कि यहाँ पर चेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें जितने भी डॉट गेंदे आएगी ना यहाँ पर रिक्वायर्ड रन रेट में इजाफा होता नजर आएगा। अभी देखिए एक डॉट गेंद जो पिछला विकेट आया था सीधा 11 से 12.43 के, और एक और डॉट गेंद आई है तो आप समझ सकते हैं 13 के पार भी होते हो। देखिए एक और डॉट गेंद, मतलब जितनी भी डॉट गेंद आ रही है हर डॉट गेंद के बाद वो जो रन रेट है उसमें एक एक का इजाफा हमें देखने को मिल पा रहा है। जो यहाँ पे मुश्किल में आ रहा है, रन रेट बढ़ते हुए जा रहा है, एंड बट हर एक बॉल को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं शॉट कनेक्ट करते हुए नजर आ रहा है, थोड़ा यहाँ पे जो पहले सर्कल होते हैं उससे बाहर जाके बाउंड्री की तरफ निशाना है जरूर, बट फील्डर का प्लेसमेंट भी देखिए बेहतरीन तरीके यहाँ करके दिखा रहे हैं सुखप्रीत, एंड लेग साइड मारने के लिए मौका ढूंढ रहा है नहीं मिल रहा है, ऑफ साइड यहाँ पे मौका ढूंढ रहा है वहां पे भी फील्डर तैनात है, तो हर जगह पे कंट्रोल मौजूद नजर आ रहा है सुखप्रीत की तरफ से। आई थिंक ये उनके बॉलिंग के ऊपर डिपेंड होते हुए नजर आ रहे हैं, और उसकी वजह से सुखप्रीत तो बहुत खुश रहेंगे यहाँ पे गेम से। कोशिश है अभी भी, अगर देखा हम बात करें देखिए पहले तो यहाँ पर हम बात करें ये जो थी इससे पिछली गेंद वो एक डॉट करा, मतलब लगातार आप 2 से 3 गेंद अगर आप पिछली 4 या 5 गेंदों में अगर डॉट आप निकाल रहे हैं तो कितना सही है आपके लिए, प्रेशर और ज़्यादा आप यहाँ पर अपोनेंट को दे रहे हैं, एंड फिलहाल के लिए 2 रन लेने से तो आप रोक नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ 3 रन अगर आप भागेंगे तो फिर मुश्किलें पैदा यहाँ पर हो सकती थी। तो शुरुआत तो चलिए एक अच्छी है, लेकिन ये चीज़ अभी से ये तो मेरे ख्याल से नहीं पता था, बाउंसर भी डाल दिया उन्होंने साथ साथ इसी बीच।
देखिए उनको यहाँ पे पता है, सुखप्रीत को भी कहीं ना कहीं जो प्रेशर के ऊपर एक्सपीरियंस खिलाड़ी उभर के आते हैं ना, वो भी हो सकता है, तो वो भी थोड़ा सोच समझ के यहाँ पे गेंदबाजी करना चाहते हैं। बट यहाँ पे शॉट लेते हैं प्रभात, बट फील्डर आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे सीधा बॉल को पकड़ते हुए नजर आएंगे एंड बेहतरीन कनेक्शन इन टर्म्स ऑफ जो फील्डर ने किया, तो विकेट गिराते हुए नजर आएंगे। तीसरा विकेट यहाँ पे खो चुके हैं प्रभात। ओवर अभी भी चौथा ओवर खत्म होने को आ रहा है, तीन और बॉल बॉल रहेगा इस ओवर में। दो रन सिर्फ मिला है एंड इसके बाद एक डॉट और एक विकेट, तो रन रेट जो हम बात कर रहे थे वो बहुत ज्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं। गेम जो मुश्किल में आते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे प्रभात। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर मिशेल स्टार्क को लगाया गया है गेंदबाजी में, और देखिए आते ही यहाँ पर झटका, प्रेशर और डबल हो रहा है यहाँ पर। देखिए जाए तो जितनी गेंद यहाँ पर डॉट गेंद जाएगी, प्रेशर डबल ट्रिपल होता नजर आएगा। प्लस यहाँ पर देखिए विकेटों का भी उतना ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि चार अभी भी छह विकेट यहाँ पर शेष है। लेकिन एक बढ़िया मौका मुझे नजर आ रहा है शायद यहाँ पर कि एक हैट्रिक बनने का मौका यहाँ पर बन सकता है। बट अभी के लिए गाइस जितने भी दर्शक मैं देख पा रहा हूँ, 800 से भी ज्यादा यहाँ पर अभी लाइव वॉचिंग आ रही है, सभी का स्वागत है इस रियल क्रिकेट चैंपियनशिप में। एंड क्या लगता है ये देखिए, अभी कुछ देर पहले हमें यहाँ पर एक आउट देखने को मिला था, बैक टू बैक डॉट गेंद देखने मिली थी, लेकिन एक वापसी गाइस कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है क्रिकेट। एंड वही आपके सामने 19 रन बनाने हैं एंड गेंदे कितनी शेष है, 7 गेंदों में 19 रन। बट इस गेंद को वापस से अगर देखा जाए यहाँ पर किया गया है एक हुक शॉट, एक पुल शॉट वहां पर मारा गया था, लेकिन यहाँ पर ग्रेस हो गया है क्या यहाँ पर सर, हाँ में हिलेगा जी नहीं, ये नहीं पहुंच गए, मतलब वो आखिर में जो टाइम लगाई गई काफी शानदार। गैस क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि यहाँ पर प्रभात सिंह या फिर सुखप्रीत, क्योंकि एक ओवर में 17 रन की आवश्यकता है, बहुत ही शानदार बिल्कुल बोल सकते हैं, पर हम सुन वो सकते हैं व्यूअर्स, बेशक वो वैसे हमें ऑडियंस की आवाज आ रही है, लेकिन हमें व्यूअर्स की भी आवाज आ रही है कि यहाँ पर प्रभात सिंह और दूसरा सुखप्रीत दोनों के लिए यहाँ पर टीयरिंग हो रही है। एग्जैक्टली देखिए बेहतरीन तरीके से हमारे दर्शक भी यहाँ पे सपोर्ट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, और जो खिलाड़ी भी खेल रहे हैं ना, इतना क्लोज लेके आ चुके हैं मैच यहाँ पे। एक चौका जाता हुआ नजर आएगा, एक गैप में यहाँ पे शॉट लेते हुए नजर आया प्रभात, मच नीडेड आखिरी ओवर में। जैसे आपने बताया रन्स लेने के लिए मौका है बट बॉल्स भी बहुत उतना ही कम है, तो प्रेशर भी उतना ही ज्यादा रहेगा। अगर यहाँ पे 5 बॉल है, 4-4 रन्स लेते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है वो पार करके जीत हासिल कर सकते हैं यहाँ पे सुखप्रीत, बट प्रभात वो होने नहीं देना चाहते। दूसरी गेंद देखिए कोई चीज है यहाँ पे डॉट में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मेंटेन्ड है यहाँ पे सुखप्रीत से अभी भी। बट क्या ये तीसरा बॉल में यहाँ पे शॉट होगा या डॉट होगा, आपको क्या लगता है गेंद से? अभी तो चलिए मैं तो अभी कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि कभी देखिए कभी डॉट गेंद जा रही, कभी यहाँ पर उसमें बाउंड्री पे तब्दील हो, लेकिन इस बार कैच होते हुए नजर आएंगे। 3 गेंदें शेष है, कुछ भी अभी भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने 2 डॉट गेंद देखी थी, उसके बाद उन्होंने बाउंड्री मार दी, 6 रन मार दिया था। बट अभी के लिए देखिए मैं अगर बात करूँ ना, 60-40 का मुझे लग रहा है, 60% यहाँ पर चांसेस मुझे सुखप्रीत के नजर आ रहे हैं, 40% मुझे बल्लेबाजी की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर 3 गेंदों में आपको 2 बाउंड्रीज वो भी 2 सिक्सर चाहिए ही चाहिएगा। 3 गेंद में 3 चौके आएंगे तब वो एक टाई हो जाएगा, बट क्या यहाँ पर वो टाई होता है कि नहीं वो तो एक वक्त बताएगा फिलहाल के लिए। बट एक और कैच हो चुका है यहाँ पर, मतलब अब हार तो नहीं मिलेगी उनको, इतना तो सुनिश्चित है, बस हाँ अपने वो नो बॉल पे उन्हें थोड़ा सा लगाम लगाना पड़ेगा, और अगर 2 छक्के खाते हुए तब भी वो टाई होगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा वो यहाँ पर। और क्या ही शानदार एक वापसी करके दिखाई यहाँ पर सुखप्रीत ने, 58 रन्स उन्होंने बनाया था एंड उसको डिफेंड करना था, एंड वो इतना बड़ा स्कोर भी नहीं था गेम्स यहाँ पे, बट करते हुए नजर आए सुखप्रीत, एंड इसलिए हम बता रहे थे जितना उन्होंने आखिरी ओवर में मेहनत किया ना, अगर वही यहाँ पे गेंदबाजी में दिखाते तो कमाल कर सकते हैं, एंड वही करते हुए नजर आया। शॉट लेंगे जरूर वहाँ पे फील्डर है, बट मुझे लग रहा है वो पार हो जाना चाहिए, बट नहीं, फील्डर इमीडिएटली उसको रोकने में कामयाब, और सिर्फ 2 रन से खुश रहना पड़ेगा। आखिरी बॉल यहाँ पे देखिए, जिसे आपने बताया उम्मीद नहीं है यहाँ पे जीतने का, आखिरी बॉल में अगर आप सिक्सर भी लेते हो तो वो आप 54 तक मैक्सिमम पहुंच सकते हो, बट जो आपको विन होने के लिए टोटल रन चाहिए वो 59 होगा, तो 5 रन से पिछड़ जाएंगे कहीं ना कहीं, शॉट लेते हुए नजर आएंगे। एंड ये भी फी जो बाउंड्री है उसकी तरफ जाता हुआ जरूर दिखेगा, बट सिर्फ एक चौका में तब्दील होगा, 52 रन बनाने में कामयाब यहाँ पे प्रभात, और जीत यहाँ पे हासिल करते हुए नजर आएंगे सुखप्रीत, 6 रन से उन्होंने जीता है। क्या ही कमाल तरीके से यहाँ पे डिफेंड किया है गेम्स, इट वाज अनबिलीवेबल, बर करके दिखाया यहाँ पे सुखप्रीत ने।
पहला ही गेम है राउंड ऑफ 32 का, आप समझ सकते हैं। एंड हमारे दर्शक भी बिल्कुल तैयार है, मतलब इतना अमेजिंग मैच जो हमें पहले ही गेम देखने को मिला इस राउंड ऑफ 32 का, और आगे के मैचेस, ये एक टीजर बोल सकते हैं यहाँ पर कि कुछ भी हो सकता है। अगर हमने जब बल्लेबाजी देखी वहाँ पर, पहले आप टॉस हारे, टॉस हारते ना तो आपका माइंड सेट भी थोड़ा सा रहता है कि अगर काश मैं टॉस जीता तो शायद मेरे मैच मतलब मेरे हाथ में कंट्रोल रहता कि मैं पहले गेंदबाजी करूँ या फिर बल्लेबाजी। लेकिन देखिए टॉस हारे जरूर वो यहाँ पर बल्लेबाजी करने आए, 3 ओवर तक ऐसा लग रहा था कि 40 रन बनना भी काफी मुश्किल, क्योंकि विकेट भी गंवा रहे थे, रन भी नहीं बन पा रहे थे। लेकिन उसके बाद जो आखिरी 2 ओवर में उन्होंने जो रन जड़े हैं वो काफी शानदार, एक अच्छा टोटल बोल सकते हैं, एक डिफेंडिंग टोटल उन्होंने यहाँ पर सेट करा। मैं वो खुश नहीं थे तब भी, बट जी हाँ उनको ये लगा कि चलिए 55 का आंकड़ा तो उन्होंने एटलीस्ट वो क्रॉस करा है। 58 रन उन्होंने वहां पर जड़े 3 विकेट के नुकसान पे, 59 का वहां पर टारगेट दिया उन्होंने अपोनेंट को। और जब बल्लेबाजी करने यहाँ पर प्रभात आए, शुरुआत तो अच्छी हुई थी जैसे हम देख पा रहे थे, लेकिन वो नियमित रूप में विकेट गंवाना एंड कभी वो आप 3 से 4 गेंदे लगातार डॉट खेल जाना, वो थोड़ा सा दिक्कत दे गया। अदरवाइज मौका प्रभात के पास भी था, बट यही बोलूंगा नाइस ट्राई बोलूंगा उनके लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा यहाँ पर हमारे सुखप्रीत के लिए, पंजाब से कोई जो यहाँ पर अभी बिलोंग कर रहे हैं एंड राउंड ऑफ 16 में वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ जाएंगे हमें। जी हाँ, मिनिमम 10,000 तो यहाँ पे सुखप्रीत को मिलने ही वाला है। देखिए मिनिमम बता रहा है, उनको यहाँ पे और भी ज्यादा जीतने के लिए मौका रहता है। बट जैसे हम प्रोबेबिलिटी भी बात कर रहे थे ना शुरुआत में गेम्स, जैसे आपने बताया जब टॉस भी यहाँ पे जीते नहीं थे सुखप्रीत, फिर भी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए एंड उसके बाद भी जीत उनको मिला, तो कहीं ना कहीं वो जो हम बात कर रहे थे जो 70-30 90-10 जो हम स्टेट फाइनल्स में देखते हुए नजर आ रहे थे कि जो भी यहाँ पे गेंदबाजी चुन रहे थे वो हर वक्त जीते हुए नजर आया, वो कहीं ना कहीं शुरुआती मैच में उन्होंने बदल दिया। एंड हमें भी ये जता रहा है कि ये हर वक्त टॉस के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। टॉस के ऊपर जी हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है अगर आप जीत जाते हो, और आपको पता रहेगा कि जो हमें पसंद है वो हमको चुनने के लिए मौका मिला है। बट वो सुप्रीत विदाउट हैविंग दैट करते हुए दिखा चुके हैं हमको। बट अभी सोचिए गेम जो अगर विदाउट विनिंग द टॉस सुप्रीत इतने कमाल तरीके से कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे थे, जहां पे मैच जो आंकड़ा था ना दोनों साइड्स में अगर हम कंपेयर करेंगे ना, ग्राफ तो सिमिलर फैशन में चल रहा था दोनों का, सुप्रीत और प्रभात का फर्स्ट 3 ओवर्स, बट उसके बाद जो आखिरी 2 ओवर में यहाँ पे कंट्रोल दिखाना था सुप्रीत की तरफ से और प्रभात की तरफ से, सुप्रीत करते हुए नजर आ रहे, प्रभात तो वो कंट्रोल नहीं कर पाया अपने गेंदबाजी में और रन्स खोते हुए गए। बट अभी जाते हैं विनर स्क्रीन की तरफ, जहां पे हमें यहाँ पे पता है घोषित हमने जरूर किया सुखप्रीत यहाँ पे जीत चुका है इस मैच को, इस नेशनल प्लेऑफ्स के राउंड ऑफ 32 में। तो जैसे आप गेम्सो ने भी बताया वो आगे बढ़ेंगे राउंड ऑफ 16 में, तो वहां पे भी और भी ज्यादा शानदार खिलाड़ी इंतजार करेंगे सुखप्रीत का। बिल्कुल 6 रनों से काफी शानदार तरीके से जीत हासिल उन्हें करी है एंड देखिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने स्टेट को, तो बिल्कुल वो पंजाब की शान बनते हुए नजर आ सकते हैं अगर राउंड ऑफ 16 को भी अगर क्रॉस करके ग्रैंड फाइनल्स में अपना सफर तय करते, बट एक कदम उन्होंने आगे बढ़ा दिया है। एंड उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट जो कर रहे थे प्रभात सिंह, उनका सफर मैं बोल सकता हूँ यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। यही बोलेंगे नाइस टाइम की तरफ से, नेक्स्ट टाइम जरूर आप इसी प्रकार की कोशिश कीजिएगा। और देखिए स्टेट फाइनल्स का चैंपियन मतलब स्टेट फाइनल्स का चैंपियन बनना ना पर अपने, वो भी इतना ज्यादा इजी नहीं रहता यहाँ पर। जी हर एक जो यहाँ पे खेलने के लिए मौका मिला है खिलाड़ी को, वो उसके ऊपर हर एक गेम का इम्प्रूवमेंट दिखाते हुए नजर आ रहा है। नेशनल प्लेऑफ्स में प्रेशर और भी ज्यादा रहता है, बट यहाँ पे एक मैच तो खत्म हो चुका है, यहाँ पे दूसरे मैच की तरफ हम जाएंगे शेड्यूल की तरफ। जिसे हम देख चुके हैं पहला मैच आज का हो चुका है, सेकेंड मैच कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और दूसरा मैच यहाँ पे देखने के लिए मौका मिलेगा। जाएंगे शेड्यूल की तरफ जहां पे आपको देखने के लिए मौका मिलेगा मध्य प्रदेश वर्सेस केरला के बीच में मुकाबला ये होने वाला है एंड इसमें खेलने वाले धर्मेंद्र और मिथुन, बहुत क्लोज होने वाला है ये मैच। मुझे लग रहा है मिथुन भी यहाँ पे केरला की तरफ से अपने जो स्टेट फाइनल्स में खेले थे वहां पे जीता जरूर होगा एंड धर्मेंद्र को टक्कर देने के लिए आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा पास जा सकता है ये मैच। और मुझे लग रहा है गेम्सो जो हम यहाँ पे नेशनल प्लेऑफ्स में हर एक मैच को देखेंगे ना इतना ही करीब जाएगा, क्योंकि हर एक खिलाड़ी स्टेट फाइनल्स खेलते हुए आ चुके हैं और अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ जी हाँ, देखिए सबको है यहाँ पर अपने स्टेट का ना एक बोल सकते हैं ना कि नाम ऊंचा करना है, नाम रोशन करना है, तो इसी वजह से वो प्रेशर है रहेगा, क्योंकि वो एक कहीं ना कहीं चैंपियन है, कहीं ना कहीं अपने स्टेट के वो रनर अप है।
#1 #2 हम बोल सकते हैं उनकी तरफ से, वो फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस अपने स्टेट के लिए वो लाए थे यहाँ पर। तो गाइस जी हाँ, मैच नंबर टू कुछ ही देर में आपको शुरुआत होते नजर आ जाएगा। मैच नंबर थ्री की तरफ भी हम जरूर बढ़ेंगे जैसे ही मैच नंबर टू का समापन होता है, देन मैच नंबर फोर हमारा छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल के बीच में रहेगा। अब देखा जाए तो चलते एक बार वर्सेस स्क्रीन की तरफ, आपके सामने कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं उनका आपको चेहरा भी नजर आ जाएगा, कौन कौन से वो पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर। जी हाँ, देखिए अभी यहाँ पे केरला और मध्य प्रदेश की तरफ से जो भी यहाँ पे चैट में जुड़े हुए एंड ऑल्सो इन जनरल यहाँ पे जो भी रियल क्रिकेट चैंपियनशिप देखने के लिए आ चुके हैं, एएमडी रियल क्रिकेट चैंपियनशिप में सपोर्ट कीजिए इन दोनों खिलाड़ी को, क्योंकि दोनों यहाँ पे अपने अपने स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट आखिर में जाके पूरा देश का यहाँ पे इंडिया का चैंपियन बनते हुए नजर आएंगे इस चैंपियनशिप में। तो देखेंगे कौन होंगे जो आगे बढ़ेंगे, और जैसे हम बता रहे थे राउंड ऑफ 16 में कोई भी खिलाड़ी हो जो एंट्री लेते हैं उनको तो यहाँ पे सुनिश्चित एक 10,000 का जो एक अमाउंट है वो मिनिमम गारंटी हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं अलविदा जो हम दूसरे खिलाड़ी को कहने वाले हैं, इतना ज्यादा हम भी खुश नहीं रहेंगे क्योंकि इतना मेहनत करके वो भी आया है, बट कहीं ना कहीं जो उनको यहाँ पे एज अ गेन मिल रहा है ना, वो होगा एक्सपीरियंस का गेम, जो अलग अलग खिलाड़ियों से मुलाकात हुआ उनका, उनके साथ खेलने के लिए मौका मिला, एंड उसके बाद जो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस उनको मिला है ना, उससे भी खुश रहेंगे एंड बेहतरीन कमबैक करके दिखाएंगे, जैसे हम बात कर रहे थे अगले टूर्नामेंट जो आएगा इस रियल क्रिकेट चैंपियनशिप का। बिल्कुल, तो वर्सेस स्क्रीन तो चलिए आ चुकी है, बस इंतजार है यहाँ पर टॉस स्क्रीन आने का कि कौन से खिलाड़ी ने टॉस जीता है और टॉस जीत के यहाँ पर क्या गेंद गेंदबाजी लिया फिर बल्लेबाजी पर। चलते सीधा हम यहाँ पर टॉस की तरफ, और अगर हम बात करें जी हाँ, मुझे लगा पिछले गेम के को देखने के बाद ना खिलाड़ी शायद वहाँ पर मन चेंज कर देंगे कि वहाँ पर अपना टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करें, बट जी नहीं, यहाँ पर धर्मेंद्र पहले से ही मन बना चुके थे कि अगर टॉस जीतता है तो बॉलिंग ही करेंगे और कोशिश करेंगे कम से कम टारगेट उनको मिले यहाँ पर चेज करने को। जी देखिए, जब भी अभी भी देखिए जो हम प्रोबेबिलिटी के बात कर रहे थे वो अभी भी गेंदबाजी को ही फेवर करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मैचेस हमने देखा है एंड देखेंगे क्या यहाँ पे एक और बार मिदुन यहाँ पे कमाल करते हुए दिखाएंगे जैसे सुखप्रीत ने किया था, या धर्मेंद्र पूरा फायदा उठाएंगे, क्योंकि माइंडसेट और कॉन्फिडेंस दोनों एक मेजर फैक्टर होता है इस वर्सेस में जब आप खेलते हो। एक तो आप उस खिलाड़ी को अगर स्टेट फाइनल्स में आपने हर एक टीम को देखा था तो कहीं ना कहीं उनका प्ले स्टाइल पता होगा, अगर नहीं देखा है ये मे भी आपका पहला मुलाकात होगा तो मुश्किल में आ सकते हो आप, जब आपको ओपोनेंट का प्ले स्टाइल नहीं पता है, आपको उनका बॉलिंग टेक्निक्स नहीं पता है, और उनका जो हम बात करते हैं ना कि कैसे हर एक ओवर को मेंटेन करने के लिए वो बॉलर्स का बदलाव लेके आते हैं या जो बल्लेबाजी में बैट्समैन को उतर के लेके आते हैं, एंड उनका प्ले स्टाइल जो रहता है वो कुछ अलग ही हो सकता है, एंड अगर थोड़ा अनप्रिपेयर रहता है ना तो मुश्किल दोनों खिलाड़ी फेस कर सकते हैं। बट दोनों यहाँ पे चैंपियंस तो अपने स्टेज के तो बन चुके हैं ना, तो उसके वजह से थोड़ा वो रेडी रहेंगे इस फाइट के लिए, बट ये कॉन्फिडेंस और माइंडसेट बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। अगर पहले ही जैसे हम बात करते हैं पहले ही ओवर में पहले ही कुछ गेंदों में अगर यहाँ पे मिदुन कंट्रोल नहीं लेते हुए नजर आए, देखिए जरूरी नहीं है कि आपको एक बाउंड्री ही जी मारना है 4 और 6, आपको कहीं ना कहीं वो बॉल शॉट लेते हुए नजर आया, 2 रन हर एक बॉल में करते हुए नजर आया और 10 रन से ज्यादा बना लिए ना पहले ओवर में, दैट वुड बी रियली गुड स्टार्ट, एक डिसेंट स्टार्ट बनता हुआ नजर आएगा गेम से वो। जी हाँ, मैं एक बार स्टैट्स देख रहा हूँ यहाँ पर कि जो धर्मेंद्र मध्य प्रदेश जो खेले थे यहाँ पर उनका किस प्रकार का रहा था। अगर मैं बात करूँ तो शायद वो वाला मैच माइट भी स्ट्रीम नहीं हुआ होगा, धर्मेंद्र शायद अपने हो सकता है कि ऑफलाइन वो मैच खेला उन्होंने, बट जीत दर्ज करी थी। और मेरे साथ मेरे सामने ना भी मेरे ख्याल से जी हाँ, केरला का स्टैट्स है मेरे पास जहाँ पर मिथुन जीतते हुए नजर आए थे और उन्होंने 5 विकेटों से जीत दर्ज करी थी, अपने स्टेट के चैंपियन बनते केरला के चैंपियन। तो अब देखते हैं कि आकर कि यहाँ से वो राउंड 32 को क्लियर कर पाते कि नहीं। और जितने भी गाइज यहाँ पर दर्शक हैं गाइज, मैं बताना जरूर चाहूंगा कि जब इस इवेंट की शुरुआत हुई थी, जब इवेंट का अनाउंसमेंट हुआ था, 1 लाख से भी ज्यादा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हमें देखने को मिलती नजर आई थी, और वहां से ये टीम्स ने ये जो खिलाड़ी है उन्होंने सफर तय कराया, तो हौसला अफजाई तो बनता है यहाँ पर। बट अभी के लिए ज्यादा इंतजार नहीं क्योंकि मैच का आगाज हमारा यहाँ पर हो चुका है, और आते ही वन बाउंसर यहाँ पर, मतलब जो ब्रह्मास्त्र हम की बात करते हैं यहाँ पर जिसमें डॉट गेंद हो जाती है वो शुरुआत की गेम में, ये मुझे नहीं पता था अंदाजा। दोनों से अच्छे यहाँ पे प्रेशर देखने के लिए मौका मिल रहा है गेम से, मिदुन भी कहीं ना कहीं तैयार तो थे शॉट लेने के लिए बट फास्ट बाउंस का वो सोचे नहीं थे, एंटिसिपेट नहीं किए थे, बट धर्मेंद्र वो रिस्पॉन्ड करते हुए नजर आए, बट यहाँ पे टॉप एज होता हुआ नजर आएगा जिसकी वजह से मिदुन शुरुआत में ही डक आउट होते हुए नजर आएंगे। सोचा था कि कहीं ना कहीं जो फर्स्ट बाउंस हुआ था वार्निंग मिला था, उसके बाद एक स्लो यहाँ कहीं ना कहीं जो बॉल का पेस हो सकता है वो धर्मेंद्र बदल के लेके आएंगे, बट मिदुन
उसको बेहतरीन तरीके से रीड नहीं कर पाए, एक फ्री विकेट यहाँ पे दे चुके हैं। तो जो आगाज होता है, जो शुरुआत होता है ना यहाँ पे, हम जो बात कर रहे थे गेम्स, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिथुन के लिए अपने तरफ जो कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है वो होते हुए नहीं नजर आएगा। चलिए थोड़ा अगर हम बात करें तो अभी जो आप बात करें उस पर तो देखिए यहाँ पर मैं बढ़ सकता हूँ, बट ये विकेट गवा देना और 3 डॉट ये तो बिल्कुल आपकी अच्छी शुरुआत नहीं है। बट चलिए आपने एक वापसी की उम्मीद जगाई है इस चौके के साथ, कर सकते हैं वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होगा, कुछ बाउंड्रीज यहाँ पर अगर आप लगाते हैं। बट अभी के लिए अगर आप देखें गेंदबाजी में तब्दीली की गई है, एक फास्ट गेंदबाज को ही बुलाया गया जसप्रीत बुमराह को। बट इस बार अगर हम बात करें शॉट की, खिलाड़ी मौजूद है और ये देख रहा है साफ साफ वो दबाव हमें देखने को मिल पा रहा है। एंड क्यों उन्होंने यहाँ पर पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का डिसीजन लिया धर्मेंद्र ने, वो साफ साफ हमें नजर आ रहे हैं, मतलब काफी क्वाइट कॉन्फिडेंट थे इस चीज में। जी हाँ, धर्मेंद्र अपने बॉलिंग में यहाँ पे जो कंट्रोल है, जो डोमिनेशन है ना, वो दिखाते हुए नजर आ रहा है। एंड हम जब भी बात करते हैं कि कंट्रोल करना पड़ेगा, यहाँ पे तो कंट्रोल नहीं, डिस्ट्रॉय करते हुए नजर आ रहे हैं धर्मेंद्र। बट इमीडिएटली उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक शॉट कनेक्ट करते हुए नजर आएंगे सीधा बाउंड्री की तरफ और एक बेहतरीन सिक्सर। कहीं ना कहीं थोड़ा आई वुड से मिथुन स्लो खेल रहे थे, थोड़ा डरे हुए लग रहे थे पहले ओवर में, बट जिससे उनको समझ में आ गया कि कैसे यहाँ पे बॉल्स आता है, शॉट कनेक्ट करते हुए सीधा जो 10 का आंकड़ा उन्होंने पार नहीं किया था, यहाँ पे पार करते हुए नजर आएंगे दूसरी ओवर की दूसरी बॉल में। हो लेकिन ये एक हम बोलते हैं इनसाइड आउट शॉट, और बाउंड्री के क्षेत्र में कुछ ऐसी प्रकार के शॉट चाहिए। मतलब आप कोशिश कीजिए कि जिस प्रकार यहाँ पर बाउंड्री सेट की गई है, फील्डिंग सेट की गई है ना यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग आप शॉट यहाँ पर मारे, गैप में आप शॉट मारेंगे तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा इस प्रकार। एग्जैक्टली यहाँ पे बेहतरीन शॉट कनेक्ट करते हुए नजर आएंगे एंड और भी रन लेते हुए नजर आ रहे हैं। एंड मिथुन सीम्स इन कंट्रोल, बट एक डॉट बॉल में जरूर चौथे बॉल को खत्म करेंगे। और 2 बॉल रहेगा इस ओवर में, 5वां बॉल यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा मिथुन। टॉप एज तो यहाँ पे लिया है, बट टॉप एज हुआ है, क्या फील्डर है। जी हाँ, हर वक्त फील्डर रहते हैं, कभी भी यहाँ पे टॉप एज का जो भी शॉट्स होता है वो मिस नहीं करते। एक और विकेट, तो यहाँ पे इस ओवर में ये जो 2 विकेट खो चुके हैं यहाँ पे मिथुन ने। जी हाँ, काफ़ी यहाँ पर बोला जा रहा था, इस एक बार रिफ्रेश जरूर कर लीजिएगा, वापस से जो आपका एक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है। और सभी से रिक्वेस्ट भी यही रहेगी मेरी कि लाइक और शेयर ना करते रहिए, ताकि हमें पता चल सके आपको इतना अमेजिंग मैच जो आप यहाँ पर देख रहे हैं एमडीए क्रिकेट चैंपियनशिप का, उसमें हम पता चल पाएगा जी आपको यहाँ पर काफ़ी मज़े आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए जहाँ जो खिलाड़ी जो पार्टिसिपेंट है वो भी इंजॉय कर रहे हैं मैच को, हम भी एज ए कास्टर कास्टिंग करते हुए और आप लोगों के चैट के साथ वो बातचीत भी हम कर रहे हैं, ताकि आप तालमेल मतलब कम्युनिकेशन हम दोनों के बीच में, आप लोगों के बीच में हमारा बने रहे यहाँ पर। और फिलहाल के लिए वापस से आएंगे मैच के अंदर, जहाँ पर शुरुआत एक अच्छी है 8 रन प्रति ओवर की। अगर बात कीजिए बल्लेबाज तो खुश नहीं होगा, क्योंकि वो तो चाह रहा था कि अगर यहाँ से 12 या फिर 15 के बीच में, 12 से 15 के बीच में अगर प्रति ओवर के हिसाब से अगर मान लीजिए रन रेट अगर रहता उनका तो बेस्ट रहता। बट चलिए ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करेंगे और इन बचे हुए 3 ओवर में कोशिश करेंगे अच्छे खासे रन जड़ने का, करना ही पड़ेगा। देखिए पावर प्ले में इतना ज़्यादा नहीं कर पाए अभी, कहीं ना कहीं तीसरी ओवर की शुरुआत में पहली बॉल को भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, बट थोड़ा दूर जाता हुआ नजर आएगा। बट सिर्फ फर्स्ट बॉल का यहाँ पे वार्निंग, तो हर वक्त ऐसे हो रहा है ना गेम से। देखिए पहली ओवर जब शुरुआत हुआ था तभी भी एक फर्स्ट बाउंस का करार आया था, वार्निंग मिला था, फिर भी धर्मेंद्र उसके ऊपर ज़्यादा नहीं सोचा, वो कॉन्सेंट्रेट किया कि विकेट कैसे निकालना है, शॉट कैसे प्रिवेंट करना है। बट इस बार शॉट प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, जाएगा बाउंड्री की तरफ, एक बेहतरीन सिक्सर देखने के लिए मौका मिलेगा। खुश आई वुड से इतना ज्यादा होंगे नहीं, बट थोड़ा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है गेम्स को। बिल्कुल देखिए बाउंसर फेंकेंगे तो हुक भी मार सकते हैं यहाँ पर, वो कैन पुल कर सकते हैं, तो इसके लिए तो देखिए बल्लेबाज तैयार है। फिर से एक पुल यहाँ पर आता है, गेंद फील्डर यहाँ पर तैनात रहेगा, 2 रन भाग सकते हैं लेकिन जी नहीं, 1 ही रन के साथ मुझे लग रहा है शायद संतुष्ट उनको रहना पड़ेगा। जी हाँ, 1 ही रन उन्हें यहाँ पर जड़ा है। एंड अब स्ट्राइक में आ जाएंगे आपको पृथ्वी शॉ और पहली गेंद खेलेंगे अपनी यहाँ पर, देखना पड़ेगा। देखिए बहुत विकेट्स खो चुके हैं, एक डकआउट भी देखने के लिए मौका मिला है मिथुन की तरफ से। और धर्मेंद्र आई वुड से कहीं ना कहीं वो एक और बार रिपीट करने के लिए मौका ढूंढेंगे, तीसरे ओवर में 30 रन बनाने के लिए मौका नहीं देना चाहते, तैयार थे मिथुन। एक और बाउंड्री के पार शॉट, सिक्सर लेते हुए नजर आएंगे मिथुन। एंड कहीं ना कहीं देखिए पहली 2 ओवर में इतना जो कमाल नहीं कर पाया ना,
वो रीड करना चाहते थे धर्मेंद्र को, और उन्हें उनके बॉलिंग पता चलते यहाँ पे बैक टू बैक शॉट्स लेते हुए नजर आ रहे हैं मिथुन, और रुकने का नाम नहीं ले रहे। क्या यहाँ पे इस बॉल पे कुछ रोकेंगे या सिर्फ मिथुन का ही बल्ला चलेगा? देखा जाए तो मेरे ख्याल से अभी शायद बल्लेबाजी के ऊपर ना ज़्यादा बोल सकते हैं। मैं अभी के लिए अब उनका साथ दूंगा, क्योंकि पिछले दो अभी वो कुछ गेंदों में अभी उनके तरफ से बाउंड्रीज देखने को मिले, शायद रुकने का नाम, लेकिन ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यहाँ पर जो सेकेंड स्लिप लगाई गई थी काफ़ी शानदार, मैं बोल सकता हूँ गली या फिर सेकेंड स्लिप के बीच में जो कैच पकड़ी गई है काफ़ी शानदार, और ये बहुत ही मिली सेकेंड में हुआ जो भी हुआ, रिप्ले रहता तो काफ़ी बेस्ट रहता, बट बहुत ही जल्दी हुआ जो कैच ली गई यहाँ पर, प्रिडिक्ट भी नहीं किया था वहां पे, इतना शानदार प्लेसमेंट स्लिप में और विकेट गिरा था। आखिरी बॉल तीसरे ओवर का डॉट में तब्दील होता हुआ नजर आएगा, बेहतरीन आई वुड से ओवर, आई मीन से अगर बोलेंगे तो थोड़ा रन्स धर्मेंद्र ने जरूर खोया है, बट मिथुन के साइड में भी अगर देखेंगे जो तीन ओवर के बाद भी यहाँ पे 30 का जो आंकड़ा है उसको पार नहीं कर पाए, रन रेट अभी भी 10 के अंदर ही है, तो धर्मेंद्र वो भी खुश रहेंगे इस बात के ऊपर। लेकिन इस बार देखा जाए इतना, देखिए हर बार अगर आप एक ही शॉट आप मारते रहेंगे, गेंदबाजी देखिए गेंदबाज भी ना कहीं के ना कहीं भाप चुके हैं, उनको उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट वो जान चुके हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा स्लो पेस वो गेंद कर रहे हैं और उछाल नहीं दे रहे हैं यहाँ पर गेंद में, उस चीज़ का ध्यान, और इसी वजह से यहाँ पर वो पिछली गेंद डॉट हमें नजर आई। जी हाँ, यहाँ पे डॉट होता हुआ नजर आएगा, दूसरा बॉल भी यहाँ पे डॉट होता हुआ नजर आएगा, कहीं ना कहीं मुश्किल में आ रहा है थोड़ा मिथुन, बट ये ओवर के बाद आखिरी ओवर रहेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा रन यहाँ पे बना लेंगे, तो आखिरी ओवर में थोड़ा कमाल करने का मौका, बट इमीडिएटली एक डॉट और आता हुआ नजर आएगा। बट जी हाँ, दर्शक को भी यहाँ पे जो चल रहा है यहाँ पे चैंपियनशिप AMD रियल क्रिकेट चैंपियनशिप, उसको जुड़ने के लिए यहाँ पे जी हाँ वो हर एक खिलाड़ी मौका ढूंढ रहा होगा। ऑल यू हैव टू डू इज फॉलो अस एट द रेट स्काई स्पोर्ट्स गेमिंग, आपको अगले आने वाले टूर्नामेंट का रजिस्ट्रेशन पता चल जाएगा, बट अभी जो प्लेयर्स रजिस्टर कर चुके थे, खेल चुके थे, और जैसे गेम्स ने बताया 1,00,000 से ऊपर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन देखने के लिए मौका मिला था, एंड उसके बाद यहाँ पे 32 प्लेयर्स देखने के लिए मौका मिल रहा है गेम्स, और देखिए वहाँ से लेके सफ़र स्टेट से लेके यहाँ पे नेशनल्स तक खेलने के लिए मौका मिल रहा है हर एक खिलाड़ी को, बट मुश्किल में इस मैच में मिथुन आ चुके, 4 डॉट बॉल एंड इस ओवर में अभी भी सिर्फ 2 ही रन ले चुके हैं जी। और इस बार फिर से अगर बात की जाए शॉट जाएगा ये डीप फाइन लेग के क्षेत्र में, खिलाड़ी मौजूद है, देखिए थोड़ा बहुत 10-15 कदम उनको भागने पड़े वहाँ पर, बट पहुँच जाएंगे एंड कीपर के हाथों यहाँ पर आ जाएगी गेंद, और 2 रन से ज़्यादा यहाँ पर नहीं ले पाएंगे, बट अभी बोल सकता हूँ कि शुरुआत अच्छी हुई है, गेंदबाजी का डिसीजन अभी तक तो मुझे ख्याल से अच्छा ही जा रहा है। इस आखिरी ओवर में कितने रन यहाँ पर अब जड़ेंगे वो बताएगा गाइस, क्या लगता है एक बार आपको चैट सेशन में पूछ रहा हूँ कि क्या लगता है कितने रन यहाँ पर सफिशियंट रहेंगे कि एक कॉम्पिटिटिव स्कोर एक डिफेंडिंग स्कोर बना जाए? अभी तो अगर आप होंगे तो आप तो मना ही करेंगे कि ये 33 रन तो काफ़ी कम है, बट बताइए आपके अकॉर्डिंग वो इस आखिरी ओवर में कितने उनको बनाने चाहिए ताकि एक डिफेंडेबल वो स्कोर बनता हुआ नजर आए। देखिए अगर मुझसे पूछेंगे मैं यहाँ पे ज़रूर बोलना चाहूँगा कि एटलीस्ट 50 बना लेंगे तो कहीं ना कहीं डिफेंड करने के लिए मौका रहेगा, बट जैसे यहाँ पे धर्मेंद्र कंट्रोल करते हुए नजर आया मुझे लग रहा है मिथुन की तरफ से भी इतना ही शानदार गेंदबाजी देखने के लिए मौका मिलेगा, तो धर्मेंद्र सिमिलर मुश्किल में आते हुए नजर आएंगे जब वो बल्लेबाजी पे उतरेंगे, एंड इसके वजह से जितना ज़्यादा हो सकता है उसको कंट्रोल करने के लिए ट्राई ज़रूर कर रहा है, बट कहीं ना कहीं गैप में यहाँ पे ढूंढ लेंगे एक शॉट जहाँ पे कोई फील्डर नहीं था, बेहतरीन ऑफसाइड शॉट कनेक्ट करते हुए यहाँ पे 4 में तब्दील करते हुए नजर आएंगे, 37 के पास आ चुके हैं, 4 और बॉल रहेगा इस ओवर का और उनको एटलीस्ट 13 रन चाहिए अगर उनको यहाँ पे 50 जो हाफ सेंचुरी होते हैं उसको आई वुड से उनको पहुँचना है तो बनाना है। बिल्कुल, करण भी यहाँ पर बोल रहे हैं चैट में कि 50 रन का अगर आंकड़ा छू लेते हैं तो एक वो हो सकता है एटलीस्ट, वो एक मन में वो प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं रहेगा क्योंकि जब आपका टारगेट इतना ज़्यादा नहीं होता, आप इतने रन नहीं बना पाते ना तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आते हैं कि अगर काश 50 रन का टारगेट दिया होता, करीब उसके करीब भी अगर रहता 50 के तो बेस्ट रहता, बट अभी के लिए जो मैं देख पा रहा हूँ मात्र 3 ही गेंदें यहाँ पर बच रखी है, और फिलहाल के लिए इस एक वही शॉट और इस बार फील्डर तैनात था क्योंकि एक बार गलती हो जाती है, बार बार यहाँ पर गलती नहीं करते खिलाड़ी, प्रोफेशनल खिलाड़ी इसलिए कहा जाता है। नहीं एग्जैक्टली, फील्डिंग को अडेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरी 2 गेंद यहाँ पे 5वां बॉल जाता है,
शॉट जरूर कनेक्ट किया, बाउंड्री की तरफ जा रहा है, बट फील्डर तैनात, सीधा फील्डर के हाथों ये पहुंचता हुआ विकेट गिराते हुए नजर आ रहे हैं। जो हम बात कर रहे थे ना 50, जो हाफ सेंचुरी होता है उसका आंकड़ा जो है अभी तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, बट आखिरी बॉल होने वाला है, कहीं ना कहीं 40 के ऊपर बनाने के लिए मौका ढूंढना पड़ेगा, क्लोज टू 50 एटलीस्ट करने के लिए मौका ढूंढना पड़ेगा। एक एटलीस्ट शानदार सिक्सर यहाँ पे अगर लगाएंगे तो कहीं ना कहीं मिथुन भी थोड़ा खुश रहेंगे। बट जी हाँ, हाफ सेंचुरी यहाँ पे नहीं हुआ है तो लो स्कोरिंग टारगेट ये बन सकता है, जिसकी वजह से धर्मेंद्र इसका फायदा उठा सकता है। आखिरी बॉल यहाँ पे शॉट कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे बाउंड्री की तरफ जा जरूर रहा है, बट ये भी विकेट में तब्दील होता हुआ नजर आएंगे। एंड हर वक्त जब भी धर्मेंद्र एक विकेट निकाले उसके इमीडिएट बाद एक और विकेट हर एक ओवर में निकालने के लिए कामयाब हो चुके थे, एंड इस बार भी होते हुए नजर आएंगे। बट क्या बैटिंग पे ऐसे ही कमाल करेंगे धर्मेंद्र या मिथुन अपने जो गेंदबाजी का कमाल है दिखाएंगे, वो देखना पड़ेगा। शुरू हो गए यहाँ पे सेकेंड इनिंग्स, एंड शुरुआत करने वाले यहाँ पे धर्मेंद्र अपने बल्लेबाजी के साथ। देखिए आपने स्कोर बोला था यहाँ पर 50 लगभग, लेकिन 10 रन शॉर्ट है उससे, चीजेबल है, बट अभी हम नहीं बोल सकते कुछ ही कि यहाँ पर मिथुन भी अच्छी गेंदबाजी करके दिखा सकते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है कि शुरुआत में अगर ये विकेट चटकाएंगे और शुरुआत में अच्छी खासी गेंद यहाँ पर कराते हैं, क्योंकि अभी तक अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूँ तो एक पर्टिकुलर मैच देखा हमने मिला था हमें स्टेट फाइनल का, जहाँ पर शुरुआत ही गेंद मतलब पहला ही ओवर आपने मिड इन फेंका था, बट ये अगर इस प्रकार की अगर शुरुआत होगी तो फिर मेरे ख्याल से मिथुन के लिए तो मुश्किलें खड़ी होने वाली है। यहाँ पर मुश्किल तो जरूर होने वाला अगर ऐसे ही बाउंड्री मारते रहे धर्मेंद्र। शुरुआती बॉल में एक बेहतरीन फोर चौका मारते हुए नजर आए, दूसरी बॉल तैयार, रन अप लेते हुए शॉट लेने के लिए मौका ढूंढ रहे हैं और सीधा कीपर के बीचों बीच यहाँ पे बॉल जाता हुआ एक और बाउंड्री, क्या ही शानदार शॉट। आई मीन से यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कीपर थे उसको रिएक्ट करने के लिए भी मौका नहीं दिया था वहां पे धर्मेंद्र ने, एंड सीधा वहां पे चौका जाता हुआ नजर आया। देखिए मौका ही नहीं देना चाहते यहाँ पर, सिंपल थिंग इज दैट कि धर्मेंद्र यहाँ पर मौका ही नहीं देना चाहते, वो होप भी नहीं जगने देना चाहते कि आप यहाँ पर मैच जीत सकते हैं। दो गेंदों में दो चौके तो आ चुके हैं, तीसरी गेंद में अगर बात करें तो दो रन तो रोकने से आप नहीं रोक पाएंगे उनको, 10 रन बनते बने रहेंगे तीन गेंदों में ही 10 रन, मतलब जो मैं आप रिक्वायरमेंट रेट भी अगर आप देख पा रहे हैं काफ़ी कम हो जाएगी। और इस ओवर में अगर हम बात करें इस ओवर के अंत तक ना अगर इसी प्रकार के रन बनते गए तो ये जो रन रेट जो स्टार्टिंग में उनके द्वारा दिया गया था वो बहुत ही कम हो जाएगा और मेरे ख्याल से मुश्किल, क्योंकि 8 रन प्रति ओवर बनाने थे और देखिए 10 रन के ऑलरेडी आ चुके हैं पहली तीन गेंदों में। एग्जैक्टली 10 रन बना चुके हैं और भी ज्यादा बनाने के लिए मौका ढूंढ रहे थे, बट इस बार विकेट कीपर चुकेंगे नहीं, सीधा यहाँ पे बॉल को पकड़ेंगे। बट जो आप बता रहे थे जैसे हम वो सोचते हैं ना जो वाइल्ड कार्ड जैसे रहता है उनके पास एक जोकर के से सो इमीडिएटली उसको इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे, एक बाउंसर शॉट इस्तेमाल करते हुए वार्निंग में मिलेगा उसका, बट यहाँ पे एक और शॉट लेने के लिए मौका ढूंढ रहे थे बट उसको भी इमीडिएटली रोक दिया जाएगा। दो डॉट बॉल्स बैक टू बैक, आखिरी बॉल इस पहले ओवर, 10 रन तो एक ही बैट्समैन ने कर चुके जो अभी भी स्ट्राइकिंग एंड पे है। आखिरी बॉल पे क्या यहाँ पे रन अप लेंगे या शॉट कनेक्ट करेंगे, शॉट तो गया है इस पावर प्ले में बट फील्डर तो है तो दो रन मिलेगा। एंड पहली बार यहाँ पे जो स्ट्राइकिंग एंड पे थे मुलान वो पूरा ओवर खेलते हुए नजर आए 12 रन बनाने के बाद, कहीं ना कहीं अपने जो साथी है नॉन स्ट्राइकिंग एंड में उनको यहाँ पे मौका दिया दूसरे ओवर में जाके। शुरुआत काफ़ी बोलते हैं अच्छी हुई है यहाँ पर, 8 रन चाहिए थे आपने 12 रन मतलब 4 रन एक्स्ट्रा बनाए, और इस कुछ इसी प्रकार का अगर शुरुआत इस ओवर में देखने मिल जाए, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो गेंदबाजी में लगाए गए हैं जसप्रीत बुमराह, और जब भी आते हैं गेंदबाजी में तो कुछ ना कुछ तो कमाल करके जाते हैं। फिलहाल के लिए 2 रन यहाँ पर देखा, अगर मैं इस करंट सिचुएशन की बात करूँ तो सैम शायद जितनी डॉट गेंद जाएगी उतना ही बेनिफिशियल है, क्योंकि एक एक दो दो रन भी उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगे यहाँ पर। एक दो रन में भी मुश्किल हो सकता है, एंड आई थिंक बहुत जल्दी यहाँ पे स्कोर करके जीतना चाहते हैं। एंड एक और यहाँ पे शॉट बट इमीडिएटली डाइव कैच, एंड फाइनली जो विकेट लेना ही था मिथुन लेते हुए नजर आया, एंड मच नीडेड, क्योंकि देखिए रन्स तो इतना ज्यादा नहीं है आपके पास, अगर जीतना है आपको इस मैच को जितना ज्यादा हो सके विकेट्स लेते जाइए, एंड विकेट्स अगर लेते जाओगे तो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रेशर में आएंगे एंड उसकी वजह से और भी ज़्यादा विकेट्स खोने का मौका रहेगा। दूसरी ओवर का तीसरी बॉल होने वाला है, ये कनेक्ट जरूर करेंगे बट टॉप एज होता हुआ नजर आएगा, ये दूसरा विकेट होना चाहिए, एंड जी हाँ फील्डर तैनात कैच करते हुए नजर आएंगे, एंड खुश तो मिथुन यहाँ पे हो चुके हैं, जो कॉन्फिडेंस अपने बल्लेबाजी में थोड़ा गिर चुका था ना वो ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे गिर चुका।
दोनों ओपनर को गेम से बाहर भेज दिया, मतलब पवेलियन भेज दिया उन्होंने यहाँ पर, तो आप समझ सकते कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और अब तो मौका है यहाँ पर उनके पास हैट्रिक यहाँ पर लेने का, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि यहाँ पर हैट्रिक किस प्रकार अगर ली जाती तो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट उनका हो जाएगा। बट शॉट यहाँ पर मारा जरूर गया है, खिलाड़ी मौजूद लेकिन वन बाउंस फील्डर के हाथों में, एंड कोई कसर नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर धर्मेंद्र की। वो एक एक रन भी उनके लिए बेशकीमती है। एंड क्या ये ओवर, क्या ये गेम आखिरी गेम तक जाएगा, एक बड़ा सवाल होने वाला है। लेकिन अभी भी अगर आप बात करें रिक्वायरमेंट रेट 7.20 की, मतलब इजिली गेटेबल है, क्योंकि एक दो बाउंड्रीज अगर लगातार आ गई तो गेम यहीं पर खत्म हो जाएगा फिर। जी एंड वही करना चाहते हैं, देखिए हर वक्त बाउंड्री के तरफ ही निशाना कर रहे हैं, चूक जरूर है, फील्डर तैनात है जिसकी वजह से उनको वो मिल नहीं रहा है बाउंड्री, बट फिर भी 2 रन मिनिमम तो हर एक बॉल में बना रहे हैं। एंड खुश रहेंगे यहाँ पे धर्मेंद्र, जो 20 रन बनाने के लिए मौका ही नहीं दिया था धर्मेंद्र ने दूसरे ओवर में, उसके पास आ चुके हैं। आखिरी गेंद रहेगा इस ओवर का, इसको भी कनेक्ट करेंगे सीधा बाउंड्री की तरफ निशाना, बट फील्डर जरूर रहेंगे एंड इस बार भी 2 रन, तो 20 रन ले कर देंगे। एंड रन रेट देखिए 8 से शुरू हुआ था गेंद, जो 7 पे पहुंचा, 6 पे आ चुका है, एंड कहीं ना कहीं ये 5 से भी कम होने के लिए मौका ढूंढ रहा है। देखिए पिछला ओवर में भी अगर 7-8 रन बनते ना तो सही रहता है, लेकिन पहले ओवर में ही 12 रन बन चुके थे, लेकिन हाँ पिछले ओवर में एक वापसी की उम्मीद जगी है क्योंकि 2 विकेटें भी आई और 8 रन। जैसे मैं बात भी कर रहा था कि जब भी वहाँ पर लगाए जाते हैं ना, तैनात करे जाते हैं जसप्रीत बुमराह, तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा पहुँचता है यहाँ पर उस टीम पर्टिकुलर टीम को। बट यहाँ पर वाइपर बोल रहे हैं कि पृथ्वी शॉ डाइविंग वेरी 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 रियलिस्टिक। तो गाइज देखिए यहाँ पर नॉट दैट डाइव, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर आप देखेंगे अब गेंदबाजी का स्टाइल देखिए, आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि जी हाँ ये उन्हीं को ही बिल्कुल सेम ही है, ऑलमोस्ट लगता है कि मिचेल स्टार्क ही है। अब उनका एक्शन देखिए यहाँ पर, अब बल्लेबाज का देखिए यहाँ पर एक्शन खेलने का, सभी बिल्कुल गाइस रियलिस्टिक है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि रियल क्रिकेट ना एक अलग ही लेवल है, इसी वजह से ज़्यादा जो क्रिकेट जो गेम्स होते हैं ना उसमें सबसे ज़्यादा रियल क्रिकेट ही ऊपर चलता है सबसे ज़्यादा। जी हाँ यहाँ पे बेहतरीन तरीके से वैसे आपको देखने के लिए मौका मिलेगा, एंड इसी की वजह से जो यहाँ पे दर्शक भी है, जो खिलाड़ी भी है ना, उनको भी इसको खेलने के लिए मज़ा आता है। एंड उसी के ऊपर यहाँ पे धर्मेंद्र एक बाउंड्री कनेक्ट करते हुए नजर आएंगे दूसरी ही बॉल पे तीसरी ओवर का, एंड इमीडिएटली जो तीसरी बॉल होता है उसको सीधा बाउंड्री के पार भेजते हैं, एक बेहतरीन सिक्सर लेते हुए नजर आएंगे एंड 10 रन बना चुके हैं। जो आप हम बात कर रहे थे ना, यहाँ पे सिर्फ 8 रन बनाने के लिए मौका मिला था दूसरी ओवर में, तीसरी ओवर आते ही पहले बॉल में कुछ इतना ज़्यादा कमाल नहीं मिला उनको, बट उसके बाद बैक टू बैक बाउंड्री शॉट्स और एक और बार बाउंड्री की तरफ निशाना जरूर लगाया, बट ये कहीं ना कहीं थोड़ा शॉर्ट जाता हुआ नजर आएगा एंड इमीडिएटली फील्डर के हाथ, एंड वो आउट होते हुए नजर आएंगे, बट कहीं ना कहीं खुश भी हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने 10 रन भी अपनी टीम के लिए बनाया था। बिल्कुल आपने जो शुरुआत चाहिए थी वो आपको मिल चुकी है यहाँ पर, और इससे बेहतर क्या रहेगा। आप देखिए आउट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल के लिए बस मैं यही बोलूँगा कि विकेट के लिए इतना डर नहीं है, क्योंकि 7 विकेट अभी भी यहाँ पर शेष है 14 गेंद। और हर बार जब भी कोई यहाँ पर खेलने आते हैं ना, वो विकेटों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, उनको बस है कि रन बना रहे हैं और जितने ज़्यादा रन बनेंगे उतना उनके लिए भी ज़्यादा सही रहेगा। और रिक्वायरमेंट रेट आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कितना कम हो चुका है, अब 5 से भी नीचे की रिक्वायरमेंट रेट यहाँ पर फिलहाल के लिए चल रही है। और इस ओवर से जो आउट होने से पहले जो 10 रन बनाए गए थे ना, वो अपना काम करके जा चुके थे पृथ्वी शॉ। देखिए एक एक बॉल के बाद भी रन रेट गिरता हुआ नजर आया, बहुत कम ऐसे देखने के लिए मौका मिलता है, ओवर के बाद चेंजेस देखने के लिए मौका मिलता है, बट अभी 3 पे आके रुक चुका है। अगर एक और एक बेहतरीन शॉट कनेक्ट करते इस आखिरी ओवर में, कहीं ना कहीं ये आई वुड से और भी बेहतर हो सकता था, बट आई थिंक आखिरी बॉल में यहाँ पे विकेट गिरा, सीधा कीपर के हाथों गया था वो। जी हाँ वो कंफर्मेशन तो हमको इमीडिएटली नहीं मिला, बट जैसे हम देख रहे हैं वो विकेट आई थिंक गिरा था, बट नंदलेस रन्स तो उन्होंने जुटा लिया है, सिर्फ यहाँ पे 7 और रन चाहिए जीतने के लिए, बट फील्डर वो मौका नहीं देना चाहते हैं, सीधा आउट में तब्दील करते हुए नजर आएंगे, डक होते हुए नजर आएंगे। तो मिथुन उम्मीद नहीं छोड़े अभी भी, वो पकड़ के खेलते हुए नजर आ रहे हैं, होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं, बट धर्मेंद्र आई थिंक यहाँ पे बहुत खुश रहेंगे गेम से, क्योंकि 2 ओवर है, धर्मेंद्र 2 ओवर भी खींच सकते हैं इस मैच को, या इसी ओवर में खत्म भी करने का मौका रखते हैं। देख कोशिश तो रहेगी उनके द्वारा, बट कामयाबी उनको मिलते कि नहीं वो एक बड़ी बात है। 11 गेंदों में 8 रन, कुछ इसी प्रकार का देखिए अगर वो बॉलिंग पर क्या वाइड है कि नहीं, जी नहीं कोई वाइड नहीं है यहाँ पर, इसी प्रकार का कुछ बार बार डॉट गेंदे एक विकेट, अगर कुछ इस प्रकार अगर चलता नजर आए तभी मौका बन सकता है, अदरवाइज विद उनका भी हम बोल सकते हैं अलविदा कहना पड़ेगा। अभी तक तो देखा जाए तो धर्मेंद्र के पास ही ज़्यादा चांस है, और अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूँ ना तो
80-20 का मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बोल सकता हूँ कि 80% चांस यहाँ पर धर्मिंदर के पास है, जिस प्रकार वो गेंदे ज्यादा देखे खाली नहीं कर रहे। अगर गेंदे अगर मान लीजिए एक दो का डॉट हो भी जाए तो उसको कंपनसेट कर देते हैं एक बाउंड्रीज के द्वारा, तो इसी वजह से वो 80% चांसेस अभी बने हुए हैं। एंड आप देखिए रिक्वायर्ड रेट 4 की यहाँ पर आ चुकी है, रिक्वायर्ड रन रेट थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, बट स्टिल देखिए तीन गया था, तीन से नीचे हम जाने के लिए मौका ढूंढ रहे थे। बट जी हाँ, जो आप बता रहे थे कंट्रोल करते हुए नजर आया, जिसके वजह से खुश थोड़े रहेंगे मिथुन, बट और भी ज़्यादा अभी भी गेंदे बची है एंड रन्स इतना ज़्यादा नहीं, 4 बनाना यहाँ पे पड़ेगा अगर ये बहुत क्लोज आना है एंड आखिरी ओवर पे जाके 1 रन बना के जीतना है। बट एक शॉट कनेक्ट करते हुए सीधा ये बाउंड्री भेज देंगे एंड यही पे ये मैच खत्म होता हुआ नजर आएगा सीधा एक सिक्सर में। यहाँ पे तब्दील आखिरी देखिए वो आखिरी ओवर का आखिरी बॉल भी नहीं था एंड उसी से पहले यहाँ पे खत्म करते हुए नजर आए धर्मेंद्र ने, एंड जो उन्होंने बॉलिंग में कमाल दिखाया ना वैसे यहाँ पे उनके जो बैटिंग था जो बल्लेबाजी था उसके ऊपर भी कमाल करते हुए दिखाए गिब्सो। देखिए कोशिश तो यही थी कि तीसरे ओवर में या फिर दूसरे ओवर के बीचों बीच में मतलब खत्म करते हुए नजर आए, बट ऐसा होता नजर है क्योंकि उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ हमें देखने को मिल रहा था कि वापसी आ रही थी नजर, लेकिन वो तभी हो पाती अगर आपके पास डिफेंडेबल एक टोटल होता। आपने शुरुआती ओवर में 3 रन आपने गंवा दिए कि आपका जो डिफेंडेबल टोटल है वो और भी ज्यादा कमजोर पड़ गया था और बल्लेबाजी को इसी वजह से फायदा यहाँ पर होता हुआ नजर आया। आप समझ सकते हैं 40 रन का टारगेट वो भी ऐसे नेशनल प्लेऑफ्स में, तो आप काफी ज्यादा बोल सकते हैं पहले ही आपने अपनी प्रोबेबिलिटी जो विनिंग की थी ना वो गवा दी थी। अब आप एक परफेक्ट एग्जांपल आप सुखप्रीत से आप देख सकते हैं 58 रन, उनके भी तीसरे ओवर में ऐसा लग रहा था कि 40 रन 45 रन यही बनेंगे, बट उन्होंने वापसी करी थी और अपना जो जो डिफेंडेबल टोटल था वो 58 तक पहुंचाया था और एक शानदार विक्ट्री उनके भी हमें 6 रन मात्र से वो जीते थे। और उसके बाद यहाँ पर वो शुरुआत नहीं मिली यहाँ पर अगर हम बात करें मिथुन को, बट एक बार थोड़ा सा विनिंग स्क्रीन की तरफ हम चलते हैं और वहां पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा क्लोजली। जी हाँ, देखिए मिथुन मौका तो रखते थे बॉलिंग में, उन्होंने जरूर थोड़ा इम्प्रूवमेंट अडेप्टेशन दिखाया, विकेट्स भी गिराते हुए नजर आया। देखिए इतना आसानी से तो धर्मेंद्र ने जीता नहीं है, जो एक और बॉल बचा था वहां पे जाके उससे पहले जाके जीता है उन्होंने लास्ट सेकेंड ओवर में, तो और थोड़ा रन यहाँ पे जरूर मिथुन भी सोच रहे कि और थोड़ा रन एटलीस्ट 10 रन अगर उनके नाम आ जाता तो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए और ज्यादा मौका मिल सकता था। बट धर्मेंद्र बेहतरीन तरीके से खेल के 6 विकेटों से यहाँ पे जीता है इस नेशनल प्लेऑफ्स का राउंड ऑफ 32, तो ये भी अपने नाम तो सुनिश्चित कर चुके हैं यहाँ पे जो राउंड ऑफ 16 जाने के बाद 9 to 16 जो भी टीम्स प्लेस होती है प्लेयर्स प्लेस होते हैं उनको 10,000 मिलेगा ही गारंटी होने वाला है यहाँ पे मिनिमम फॉर धर्मेंद्र। बट यहाँ पे जाएंगे शेड्यूल की तरफ, 2 मैचेस आज के दिन में खत्म हो चुका है। शुरुआत में हमने देखा था जरूर यहाँ पे उत्तर प्रदेश और पंजाब, जहाँ पे हमने देखा था प्रभात सिंह वर्सेस सुखप्रीत, जिसमें सुखप्रीत ने जीत हासिल किया था और पंजाब का नाम आगे लेके गए थे। यहाँ पे मध्य प्रदेश और केरला का यहाँ पे सेकेंड मैच देखने के लिए मौका मिला था, जहां से धर्मेंद्र जो अपने बॉलिंग का जो दबदबा है ना उसको दिखाते हुए नजर आए एंड उसके बाद जीत भी उनके नाम हो एंड आगे भी बढ़ चुके हैं यहाँ पे। बट तीसरे मैच आज के दिन में होने वाला है राजस्थान वर्सेस हिमाचल, जिसमें हमको खेलने के लिए जो खिलाड़ी रहने वाले हैं वो देखने के लिए मौका मिलेगा फ्रॉम राजेश एंड लक्षित। एंड उसके बाद आखिरी मैच आज के दिन का छत्तीसगढ़ वर्सेस वेस्ट बंगाल, मुकेश और सौविक दे का मैच होने वाला है ये, तो इंतजार रहेगा इन दोनों मैचेस का। बट तीसरा मैच का आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे जाएंगे बहुत जल्दी तीसरी मैच की तरफ वर्सेस स्क्रीन की तरफ चलेंगे गेम्स, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मुकाम पे आ चुके हैं हम, क्योंकि पहले मैच के अगर हम डिस्कस करेंगे बहुत क्लोज आया था मैच, उसके बाद ये दूसरा मैच में कहीं ना कहीं जो हाफ सेंचुरी है वो मार्क तो रीच नहीं हुआ, फिर भी दोनों खिलाड़ी ने शानदार से खेला, तो कहीं ना कहीं उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी रहेगा इन दोनों खिलाड़ी से भी। जी हाँ, राजेश मेघवाल वर्सेस लक्षित राणा, यही कर रहे हैं राजस्थान को रिप्रेजेंट, यही कर रहे हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट। एंड देखते हैं यहाँ पर अब किसका यहाँ पर रहेगा दबदबा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से तो देखिए लक्षित राणा वहाँ पर चैंपियन बनते नजर आए थे और काफ़ी शानदार हम बोल सकते हैं उन्होंने एक विक्ट्री भी यहाँ पर यहाँ पर हारते हुए नजर आए थे। बट एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा वो है कि बेशक वहाँ पर हारे जरूर थे, लेकिन एक चीज़ ये रहेगी कि अब उनके पास मौका है अपने आप को प्रूव करने का उन बाकियों से, कि बेशक वो स्टेट फाइनल चैंपियन बनते नजर नहीं आए थे, लेकिन अब उनके पास मौका है ऊपर उठने का, टॉप 16 पे जाने का।
देखिए जो भी स्टेट फाइनल्स में खेले थे, रनर अप्स एंड चैंपियंस दोनों को मौका मिला था। एंड जैसे हम उस वक्त भी बात कर रहे थे, देखिए रनर अप होने के बाद जी चैंपियंस होने का मौका अभी भी रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आज के दिन में वो चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए, चैंपियंस टाइटल जीतने के लिए, स्पेशली नेशनल चैंपियन बनने के लिए। जाएंगे टॉस की तरफ, देखेंगे राजेश और लक्षित के बीच में कौन यहाँ पे टॉस जीतते हुए नजर आएंगे। एंड इट इज गोना बी लक्षित राणा, एंड वो यहाँ पे चुनेंगे गेंदबाजी करने का मौका। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हर एक खिलाड़ी गेंदबाजी ही करना चाहता है, एंड इट इज ऑल्सो बाउंड टू हैपन, क्योंकि गेम्सो आप अगर गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं आपके आपके पास कंट्रोल रहेगा कि कितना रन्स खोने के लिए मौका मिल सकता है, आप बॉलिंग में कितना अडेप्टेशन लेके आ सकते हो। बट वैसे ही अगर आप आ जाते हो गेंदबाजी में अपने सेकेंड इनिंग्स में, तब थोड़ा मुश्किल में आ सकते हो आप। तो इसकी वजह से पहले ही अगर जितना जल्दी गेंदबाजी हो सकता है उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मौका रहेगा, एक स्पेसिफिक टारगेट रहेगा, एंड वही चाहते हैं यहाँ पे लक्षित। बट देखेंगे उनके ऑपोजिट में जो यहाँ पे राजेश खेलेंगे, बल्लेबाजी करते हुए क्या जीत हासिल करेंगे, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स पे उनको जो टारगेट वो खुद सेट करेंगे उसको डिफेंड करना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर मैं बात करूँ ना लक्षित का, तो उनका कुछ इसी प्रकार का रहा था स्टेट फाइनल, जो उन्होंने भी वहाँ पर गेंद मतलब टॉस जीतकर गेंदबाजी करी थी, बट काफ़ी रन उन्होंने खा दिए, टारगेट उनको काफ़ी ज़्यादा मिला था, जिसकी वजह से हार का सामना उनको मिला था यहाँ पर। बट अब कोशिश रहेगी इनके द्वारा, इनके लक्षित के द्वारा, कि अब यहाँ पर जब गेंदबाजी वो कर रहे हैं तो मिनिमम मिनिमम जितना टारगेट रहेगा उतने उनके लिए बेस्ट रहेगा यहाँ पर। जी हाँ, मिनिमम करना पड़ेगा यहाँ पे, बट मैक्सिमम करना चाहते हैं राजेश। बट फील्डिंग थोड़ा यहाँ पे सोच समझ के तैयार किया था, जिसकी वजह से 2 रन सिर्फ मिलेगा यहाँ पे राजेश को। बट जी हाँ, शुरुआत 2 रन भी आई वुड से एक डिसेंट स्टार्ट होता है, तो इतना ज़्यादा इसके ऊपर डिबेट नहीं करेंगे। बट दूसरा और तीसरा बॉल पे कहीं ना कहीं इमीडिएटली अगर लक्षित अडेप्ट करेंगे और विकेट लेने में कामयाब, या एटलीस्ट डॉट बॉल, वो देखना पड़ेगा। बट जी नहीं, सीधा सिक्सर की तरफ बेहतरीन शॉट खेलते हुए यहाँ पे जाएगा एक सिक्सर। राजेश पहली 2 बॉल में 8 रन बना चुके गेम्सो। इससे बढ़िया शुरुआत क्या हो सकती है आपकी, आपने मतलब दूसरी गेंद पे। और ये देखिए, अगर 6 मीटर की बात की जाए तो एटलीस्ट एटलीस्ट 80 के, तो 80 या 90 के बीच में मुझे लग रहा है शायद यहाँ पर ये जाएगा। जी हाँ, 80 के लगभग तो उन्होंने दूरी तय कर ली थी, बट काफ़ी शानदार, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ना ये छक्का काफ़ी शानदार था। बट अब देखते हैं, क्योंकि अभी तक हमने इससे पहले भी ऐसे सिनेरियो देखे जहाँ पर शुरुआती गेंदों में चलिए आप रन बनाते हैं, लेकिन बाकी बची हुई गेंदों में ना 3 या 2 गेंदों में तो बॉलर कहीं ना कहीं वापसी कर ही लेता है यहाँ पर। वापसी करना ही पड़ेगा। शुरुआत देखिए कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है पहली ओवर, तो ये 2 बॉल में ये 8 रन होने के बाद लक्षित को कुछ कमाल करना ही पड़ेगा। बट जैसे आप बात कर रहे थे, जो रन्स होता है वो अगर ज़्यादा करने के लिए मौका दिया मुश्किल में आ सकता है। बट यहाँ पे देखिए वो टॉपिक जरूर होता है, बट डिस्टेंस भी जाएगा, वो ग्राउंड भी गेन करता है, जिसकी वजह से सीधा राजेश को एक और सिक्सर मिलता हुआ नजर आएगा। और 14 रन बना चुके हैं इस पहली ओवर में, एंड रुकने का नाम नहीं लेना चाहते यहाँ पे राजेश। 266 तीन और गेंद रहेगा यहाँ पे इस बॉल में। फाइनली जो छाता, ओ नो, मुझे वाइल्ड लग ही रहा था क्योंकि वो लाइन को क्रॉस करते हुए नजर आया। बट आखिर में कॉल तो अंपायर का ही होता है, कभी कभी मिलता जी है बट कभी नहीं मिलता है, बट इस बार मिला जरूर है। तो अभी भी 3 बॉल राजेश के पास रहेगा, तो और भी ज्यादा खुश रहेंगे क्योंकि एक फ्री रन राजेश को मिल चुका है यहाँ। जी हाँ, बोल सकते काइंड ऑफ मुझे भी लगा था, क्योंकि फॉलो करा था उन्होंने गेंद को, लेकिन कभी आप कॉन्फिडेंट अंपायर आपके साथ रहेगा, कभी यहाँ पर गेंदबाजी के साथ। बट ओ डाइव बहुत जरूरत चाहिए थी, क्योंकि ये बल्लेबाज ना बहुत परेशानी क्रिएट कर रहा था। और अब देख सकते हैं, रवि मदान भी अब जा चुके हैं गेम से बाहर, पवेलियन लौट जाएंगे। और फिलहाल के लिए पहला झटका यहाँ पर लगता हुआ निकोलस पूरन की तरफ से, वो काफी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, वो अच्छा कैच, क्योंकि कुछ इसी प्रकार के कैचेस ना मैचेस को भी तब्दील कर देते हैं आपके फेवर में। एग्जैक्टली, आई मीन इमीडिएटली ऐसे जो कॉन्फिडेंस बूस्टर है उसके बाद इमीडिएटली कॉन्फिडेंस डिमोटिवेट, जैसे कुछ विकेट्स गिर जाता है तो मुश्किल में आ सकता है। बट देखिए 15 रन पहली ओवर में कर चुके हैं, और भी ज़्यादा करने के लिए मौका ढूंढ रहे होंगे। बट सोच रहा था एक और डाइव कैच आ सकता है फील्डर की तरफ से, बट बच जी गए। हाँ, डाइवर ने व्हील फील्ड आई वुड से डाइव नहीं लगाया, बट बैट्समैन ने यहाँ पे डाइव लगा के 2 रन अपने नाम कर चुके हैं। बट आखिरी बॉल इस पहली ओवर की जो शुरुआती इनिंग्स का, राजेश के तरफ ही ये मैच जाता हुआ नजर आ रहा है अगर बात करेंगे पहली ओवर का। बट क्या इस आखिरी बॉल में राजेश एक और बाउंड्री मारेंगे, 20 को पार कर जाएंगे, या यहाँ पे लक्षित एक और विकेट गिराने में कामयाब रहेंगे, देखना पड़ेगा गेम से।
ये गेंद तो अभी काफी सटीक डाल रहे हैं वो लाइन लेंथ पे, अगर आप देखें पूरी तरह से ध्यान वो रख रहे हैं, इस बार वाइड नहीं करा दी जाएगी, अगर होती तो जरूर वहां पर कहासुनी हो सकती थी अंपायर के साथ, पर इस बार कोई वाइड करार नहीं दी गई। डॉट गेंद यहाँ पर, शुरुआत अभी के लिए काफी शानदार है अगर हम बात करें बल्लेबाजी की पर्सपेक्टिव से, और फिलहाल के लिए गेंदबाजी जो आई है हार्दिक पांड्या, आप देखेंगे तो दो गेंद पे सॉरी दो गेंद पे आई गेस दो डॉट हुए हैं, एक बार सिंक्राइजेशन भी हमें देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, बट ओके एक ही गेंद हुई है फिलहाल के जो मुझे लग रहा है, शायद एक वाइड करार दी गई मेरे ख्याल से। जी हाँ, आई थिंक सो टू, बट देखिए शायद यहाँ पे, बट ये तो बाउंड्री के तरफ जाना है, इररेस्पेक्टिव छह रन। जो पिछले बॉल में कुछ भी हुआ, बट यहाँ पे इस बॉल में एक बेहतरीन सिक्सर जाता हुआ नजर आ रहा है, तो खुश नहीं रहेंगे यहाँ पे लक्ष्य। तो दो ओवर हुआ भी नहीं है, बट यहाँ पे 30 का जो रन्स होता है, 30 का जो आंकड़ा होता है, उसको भी पार करने के लिए राजेश तैयार हो चार चुके हैं। बाउंड्री यहाँ पे लेते हुए 10 रन यहाँ पे इस ओवर में बना चुके हैं। एक डॉट जरूर हुआ था वो शुरुआती बॉल, एंड उसके बाद यहाँ पे सिक्सर एंड एक चौका, और तीन और बॉल अभी भी बाकी बाकी है। एंड गिब्सो, ये दूसरा ओवर है, 18 रन है, रन रेट अभी चल रहा है राजेश का, 20 के ऊपर लेके जाने के लिए मौका ढूंढ रहे हैं। शॉट लेंगे, सीधा रन बाउंड्री पर जाना चाहिए, एंड एक और सिक्सर आता हुआ नजर आ रहा है, एंड राजेश लुकले का नाम ही नहीं ले रहे, 30 को भी पार करके यहाँ पे 33 रन के साथ आएंगे राजेश। मुश्किल में आ चुके यहाँ पे लक्षित, 19 रन रेट है यहाँ पे गेमजो, और भी दो बॉल है इस ओवर का, मुश्किल मुश्किल में लग आ रहा है। रहे हैं। देखिए रन मुझे नहीं पता क्यों वो भाग रहे थे जब उनको पता है आउट होने वाले हैं, नहीं मतलब शायद हो सकता है कि उनको लगे कि वहां पर ड्रॉप भी हो सकते हैं कैच, शायद इसी वजह से डबल, लेकिन तब तक आउट हो चुके थे यहाँ पर। इस बार पृथ्वी शॉ वहां पर बोल सकते कोई गलती करते नजर नहीं आए, लेकिन मुझे लगा था इस ओवर में एक वापसी आ सकती है। पहली गेंद में तो अगर देखा है, पहली दो गेंद में तो चले ठीक है, शुरुआत हुई थी अच्छी, लेकिन तब्दील नहीं कर पाए। बट फिलहाल के अगर हम बात करते हैं बुमराह यहाँ पर अभी नजर आ जाएंगे, एंड दो ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है यहाँ पर सैम। दो ओवर हो चुका है, बट 33 रन गेम जो, इसी की वजह से मैं थोड़ा वरीड हूँ अगर बात करेंगे लक्षित के लिए। इतना हाई स्कोरिंग, आई मीन ये नेशनल फाइनल, नेशनल प्लेऑफ चल रहा है, स्टेट फाइनल्स में ज़रूर बहुत ऊपर नीचे देखने के लिए मौका मिला रन्स के मामले में, और जैसे आपने बता रहे थे यहाँ पे लक्षित कहीं ना कहीं जीते नहीं थे, क्योंकि उनके गेंदबाजी में थोड़ा मुश्किल उनको हुआ था, एंड कंट्रोल नहीं कर पाए, एंड इस बार भी वही होता हुआ नजर आ रहा है। बट कहीं ना कहीं बीचों बीच यहाँ पे डॉट बॉल चाहते हुए नजर आ रहे हैं, फील्डर बॉल रोकने में कामयाब है, सिर्फ 2 रन लेने के लिए मौका दे रहे हैं, बट राजेश इमीडिएटली उसको अडेप्ट करते हुए, इम्प्रोवाइज करते हुए नजर आ रहा है, एंड इमीडिएटली उसको बाउंड्री के बाहर ही भेजना चाहते हैं। पहली बॉल दूसरी ओवर का 2 रन में जरूर समाप्त करेंगे, बट अभी भी बहुत ज़्यादा बॉल्स है, अभी भी 5 बॉल्स हैं, एंड एक और बार जो बाउंड्री की तरफ निशाना लगाता है, बट अभी भी फील्डिंग थोड़ा बहुत आई वुड से टाइट रखा है फ्रॉम लक्षित, बट उसके बीचों बीच राजेश गैप्स भी ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। अगर गैप्स नहीं मिला तो सीधा यहाँ पे देखिए एयर जो शॉट होता है, सीधा बाउंड्री के पार लगाते हुए नजर आ रहे हैं राजेश। क्या है वो तीसरे बॉल पे कमाल करेंगे? जी नहीं, फील्डर है, बट आई थिंक जी नहीं, फील्डर थे, रोकने में कामयाब, 2 रन और। जी हाँ, बट अभी के लिए शुरुआत एक बोलते तो सदी शुरुआत है, दो हर गेंद में 2 रन, मतलब 3 गेंदों में 6 रन आ चुके कुछ। देखिए अगर इस प्रकार अगर आप रन देंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप बाउंड्रीज खाएंगे तब तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। एंड लक्षित, अगर आपने यहाँ पर गेंदबाजी ली है तो आपके आपकी तरफ प्रेशर ये है, बट इसी बीच यहाँ पर एक शानदार एक विकेट गिरता नजर आएगा, लेकिन जिसमें वापस से आता हूँ टॉपिक में, तो ये बोलना चाहता था कि लक्षित अगर आपने यहाँ पर गेंदबाजी ली है तो कोशिश करनी पड़ेगी कि आपको लगाम लगाना पड़ेगा यहाँ पर रनों पे, क्योंकि जिस प्रकार ये शुरुआती 2 ओवर गए हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं गए। आप 19 से भी ज़्यादा का रन रेट आपने यहाँ पर दे दिया है बल्लेबाज को, और वो कॉन्फिडेंस से भरपूर है, और अभी तो इसके बाद तीन कम से कम लगा आप लगा लीजिए करीब करीब 14 गेंदें शेष है यहाँ पर। देखिए कहीं ना कहीं मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि लक्षित अपने बॉलिंग के ऊपर अडेप्टेशन भी दिखा चुके हैं, क्योंकि इससे पहले रन रेट गेम्स पहुंच चुका था यहाँ पे 20 तक, बट उसके बाद थोड़ा यहाँ पे स्लो डाउन करते हुए नजर आ रहा है, तो आई थिंक थोड़ा खुश रहना चाहिए। बट आखिरी बॉल पे ओवर का थोड़ा यहाँ पे चेंजेस लेते हुए नजर आ रहा है,
थिंक मे बी एक ग्लिच हो सकता है, बट बहुत जल्दी वो पता चल माइट बी जाएगा। फील्डिंग में भी यहाँ पे थोड़ा चेंजेस लेते हुए नजर आ रहा है, बट देखेंगे जरूर। 41 रन तो बना चुके हैं, जो चौथे ओवर में बनाना चाहिए, चौथे ओवर के अंत में बनाना चाहिए 40 रन, यहाँ पे उससे ज्यादा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। राजेश शॉट लेते हैं, फील्डर तैनात हर वक्त इस ओवर में, तो पूरा आई वुड से सिर्फ 2 रन लेने के लिए मौका मिला एंड एक विकेट भी गिरा चुके थे राजेश, तो रन रेट बहुत कम करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। जी हाँ, वो मेरे ख्याल से अपडेट हो जाएगा आगे चल के, बट जी हाँ शायद अपडेट भी हो चुका है। जी हाँ अपडेट हो चुका है यहाँ पर। और पहली गेंद में 2 रन है, तो चलिए शुरुआत तो अच्छी है आपकी। और स्पिनर को लगाया गया टैग में, और ये अगर आप देखेंगे ऑफ स्पिन उनकी बजाय एक लेग स्पिन यहाँ पर हुई, लेकिन 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 फील्डर काफ़ी अच्छी तरह से तैनात, और फिर से वही 2 रन नहीं रोक पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट आपने बाउंड्री से बचाया यहाँ पर, 2 रन एक आपने उन्हें होते होते रह गए वहाँ पर एक्स्ट्रा। जी हाँ, आई मीन हर एक बॉल को यहाँ पे रोकना ही पड़ेगा लक्षित को, अगर थोड़ा जो रन स्लिप हो रहा है ना उसको अगर रोकना चाहते हैं तो, वरना ऐसे शॉट्स मारते जा सकते हैं। बट क्या यहाँ पे, जी नहीं, यहाँ पे एक क्लीन डॉट बॉल लेते हुए नजर आएंगे। बट अभी भी देखिए रन रेट 10 के ऊपर ही है राजेश के पास, 3 और बॉल इस चौथे ओवर में रहेगा यहाँ पे। जी हाँ, एक फुल लेंथ बॉल डालेंगे बट कनेक्ट भी जरूर होगा, और जो स्पीड से डाले थे उसकी वजह से यहाँ पे कनेक्शन भी यहाँ पे मिलेगा सीधा बाउंड्री के पार। फील्डर बहुत क्लोज थे बट एक चौका तो जरूर मिल जाएगा आसानी से। एंड 49 पहुंच चुके हैं, 2 और आई वुड से बॉल रहेगा इस ओवर का, एंड वापस एक फुल लेंथ बॉल डालने के लिए मौका ढूंढेंगे यहाँ पे लक्षित। देखते हैं आखिरी गेंद में क्या यहाँ पर रहेगा आखिरी 2 गेंदों में, बट ये एक लॉफ्टेड शॉट, वो भी इनसाइड आउट, एंड जो फील्डर है वो तो अब दर्शक ही बन के रह जाएंगे, और मंगाएंगे वहाँ पर दर्शकों से ही वो गेंद मांगेंगे ताकि अगली गेंद यहाँ पर कराई जा सके। लेकिन विनरी शुरुआत आपकी शुरुआत इतनी बढ़िया करी थी, बट अगर आप देखेंगे कि आखिर की गेंदों में चलिए यहाँ पर अच्छी बात है कंपनसेट करा कुछ, तो एक डिसेंट ओवर में बोल सकता हूँ मोइन अली का मैं यहाँ पर देखने को मिलता। किसको बुलाया जाएगा यहाँ पर गेंदबाजी में, तो जी हाँ यहाँ पर अब तब्दीली है, स्पिन को अब हटा दिया गया है, अब वापस से फास्ट अटैक यहाँ पर हमें देखने को मिलता नजर आएगा, फास्ट पेस बॉलर वो भी रबाडा के रूप में। जी हाँ, यहाँ पे देखेंगे जैसे यहाँ पे ये आखिरी ओवर रहने वाला है, कितना और रन यहाँ पे राजेश बनाएंगे। बॉलर रन अप लेते हुए यहाँ पे शॉट के निकलने के लिए मौका ढूंढ रहे थे, बट वो बॉल को आसानी से विक कीपर की तरफ छोड़ देंगे। मीन शॉट वहाँ पे लिया ही नहीं था सीधा, तो एक बॉल को एटलीस्ट डॉट बॉल में तब्दील किया है लक्षित ने। 5 और बॉल रहेगा इस ओवर में, बट एक दूसरी और छह बॉल को सीधा कनेक्शन और बाउंड्री के पार दर्शक के पास, एंड सिक्सर मिलता हुआ नजर आएगा। एंड 60 को पहुंच चुके हैं यहाँ पे राजेश, 55 रन उनके पास था, 6 को जोड़ने के बाद 61 पे आ जाएंगे। एंड लक्षित मुश्किल में नजर आता हुआ, प्रेशर में आते हुए नजर आ रहे हैं, क्या अपने बल्लेबाजी में कमाल कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आखिरी ओवर में थोड़ा दमखम दिखा रहा है, डॉट बॉल्स आ जरूर रहा है, बट वो सिक्सर जो था ना वो ये दोनों डॉट बॉल्स को कंपनसेट कर रहा है यार। अगेन अगेन सेम वही चीज यहाँ पर गलती करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर सैम, बट एक चीज से हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो एक लग रहा था पहाड़ नुमा एक स्कोर बन सकता था, मतलब 80 के करीब, वो शायद मुझे लग रहा है कि अब कम ही रहेगा, हो सकता है कि 70 तक का ही टारगेट हमें मैक्स टू मैक्स हमें देखने को मिलता है यहाँ पर नजर आए। जी हाँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं 70 भी हो सकता है या 60 के पास ही यहाँ पे रोकने के लिए मौका मिल सकता है। देखेंगे क्या आखिरी दो तीन बॉल में, अभी सिर्फ आखिरी 2 बॉल में क्या यहाँ पे कमाल करके ज्यादा रन बनाएंगे। 2 रन यहाँ पे लिया था तो आखिरी बॉल मिलेगा उनके पास, इस आखिरी बॉल में अगर सिक्सर भी मार लेंगे ना तो उनको यहाँ पे सिर्फ 69 मिलेगा, तो टारगेट तो 70 पहुंच जाएगा, तो आई थिंक वो उम्मीद रखेंगे, वो कनेक्ट करना चाहते हैं बट डॉट बॉल में रोकने में कामयाब। एंड राजेश को 63 से खुश रहना पड़ेगा, 64 यहाँ पे टारगेट रहेगा जीतने के लिए लक्षित को। आई वुडन्ट से ये एक हाई स्कोरिंग टारगेट भी है, कहीं ना कहीं एक गुड डिफेंडिंग टारगेट है राजेश के लिए भी, एंड गुड चेसिंग टारगेट भी है यहाँ पे लक्षित के लिए, बट सोच समझ के खेलना पड़ेगा लक्षित को। जैसे उन्होंने थोड़ा यहाँ पे पहली फ्यू ओवर्स में इतना ज्यादा रन खोया था ना गेम, जो जी उसको वापस लेके आना पड़ेगा वही पहले 2 3 ओवर्स में लक्षित की तरफ से, उसी बल्लेबाजी को रिपीट करना पड़ेगा जो राजेश ने किया था। चलिए देखते हैं, अगर करके दिखा देंगे तो बेस्ट रहेगा उनके लिए।
कहीं ना कहीं और भी रन बन सकते थे यहाँ पर, 80 के करीब जा सकते थे, पर वो बीच में एक अच्छी गेंदबाजी और कुछ डाली गई आखिरी के दो ओवर में, उससे मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूँ। अब बात है यहाँ पर, अब आप आ चुके हैं गेंद बल्लेबाजी में, तो आपको भी रन बनाने पड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं राजेश की भी गेंदबाजी काफ़ी अच्छी है, जिस प्रकार हमने पिछले उनके स्टेट फाइनल्स में मुकाबले देखे थे। जी हाँ, राजेश इतना रन बनाने के बाद, इतना गुड एक टारगेट सेट करने के बाद रन नहीं देंगे। दो बॉल यहाँ पे बैक टू बैक डॉट में जरूर उन्होंने तब्दील किया है। चार और बॉल रहेगा इस ओवर में, सोच समझ के हर एक बॉल को डालेंगे राजेश, जितना ज्यादा ये कंट्रोल कर सकते हैं कंट्रोल करने के लिए मौका ढूंढेंगे। बट कहीं ना कहीं जो फील्डर्स थे जो पावर प्ले में पहली सर्कल में, वहां से थोड़ा आगे भेज के यहाँ पे जरूर फील्डर के हाथों ही देंगे, बट वो देखिए इमीडिएटली फील्डर उसको पकड़ के रोकने में कामयाब और सिर्फ एक ही रन देंगे। तो लक्षित का अभी भी जो शुरुआत है सिर्फ एक ही रन है इस ओवर में, और देखा जाए तो रन रेट का दरकार कितना ज्यादा है, मुझे लग नहीं अगर इस प्रकार का शुरुआत रहेगा फिर वापसी कर सकते हैं। और ये देखिए कनेक्शन ही नहीं बन पा रहे यहाँ पर, संपर्क अच्छा रहेगा बल्लेबाज का उनके बल्ले से और गेंद से, तभी कुछ यहाँ पर हो सकता है, तब्दीली हमें देखने को मिल सकती है, बट जी नहीं, मुश्किल ही नजर आ रहे हैं। मतलब वो कोशिश तो जरूर कर रहे हैं बट फायदा नहीं मिल पा रहा अभी तक, फायदा यहाँ पे किसी को नहीं मिल रहा है। आई वुड से आई मीन टॉकिंग अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ जो बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे, लक्ष्य डॉट बॉल के ऊपर डॉट बॉल, और यहाँ पे टाइमिंग मिस करते हुए नजर आएंगे। बट आई थिंक वो सोच समझ के मिस किए थे, जैसे उनको पता चला ये थोड़ा दूर जा रहा है बॉल, वाइड का करार एंड एक फ्री रन तो मिल जाएगा। बट देखिए आखिरी गेंद है ये पहली ओवर एंड इसमें अभी भी शॉट्स कनेक्ट नहीं किए, कनेक्ट करने के लिए मौका ढूंढे बट इस बार थोड़ा टाइमिंग ऑफ था, बट फिर भी वाइड का एक और करार, तो कहीं ना कहीं वाइड में थोड़ा रन बना रहे। बट अभी भी देखिए आखिरी बॉल में कुछ आई वुड से रन अगर जुटा पाएंगे, क्या एक बाउंड्री मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं उम्मीद जगा रहेगा लक्षित के लिए। बट ये बॉल तो क्लीन था, तो ये एक क्लीन डॉट बॉल होता हुआ नजर आएगा। पहली ओवर में सिर्फ 3 रन के साथ लक्षित आई वुड से खुश तो नहीं रहेंगे, बट एटलीस्ट वो एक्सेप्ट करने पड़ेगा कि पहली ओवर में इतना ज्यादा शानदार शुरुआत नहीं हुआ है, तो दूसरी ओवर में यहाँ पे प्रेशर में आ सकते हैं लक्षित। देखिए शुरुआत तो उन्होंने बता दिया कि अब बल्लेबाजी में भी उनका कब्जा है, डोमिनेशन, और अब गेंदबाजी में, और देखा जाए तो ये हर्ट भी हुआ होगा काफी ज्यादा, मुश्किलें बढ़ रही है, अब मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा। देखिए हर डॉट गेंद में आपका जो रिक्वायर्ड रेट होगा वो एक एक बढ़ता हुआ नजर आएगा, मतलब 0.75, 0.670 ये बढ़ता हुआ, और ये साफ साफ हमें नज़र आ रहा है कि लक्ष्य अब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में फिलहाल के नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर ये प्रेशर रिलीज करना चाहते थे शुरुआती ओवर में इनको रन बनाने चाहिए थे, बट अभी रन बनाने में काफ़ी ज़्यादा मशक्कत उनको करनी पड़ रही है। देखिए 9 गेंदे मतलब ऑलमोस्ट हो चुकी है, और अगर आप रन देखेंगे मात्र 3 रन, और एक वो जो हम बात करते हैं ब्रह्मास्त्र की जो एक फास्ट बॉलर फेंकता है वो भी इस्तेमाल यहाँ पर कर दी गई है, 3 डॉट गेंद, मुझे लग नहीं रहा अब यहाँ से एक वापसी की उम्मीद अब जताई जा सकती है लक्षित से। जी हाँ, देखिए 21 बॉल 61 रन्स, रन रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बट देखिए शॉट जरूर करने के लिए मौका ढूंढ रहा है, बट जो फील्डिंग का सेटिंग है ना यहाँ पे जो पूरा रेडी करके रख चुके हैं नो बॉल राजेश की तरफ से वो बेहतर है, बट यहाँ पे जो बॉलिंग जो हम बोलते हैं ना एक क्लीन बॉल यहाँ पे नहीं डाला था, थोड़ा यहाँ पे क्रीज से थोड़ा बाहर जाके किया था, जिसके वजह से नो बॉल को करार एंड इसका फायदा उठाना पड़ेगा। जी नहीं उठाएंगे, डॉट होता हुआ नजर आएगा। देखिए ऐसे जो राजेश अपने बॉलिंग में कंट्रोल भी दिखा रहे हैं ना, उसके बीचों बीच यहाँ पे कहीं ना कहीं मौका भी दे रहे हैं, वाइड जा रहा है, नो बॉल जा रहा है, तो उसका फायदा उठाना पड़ेगा लक्षित को, बट वो उठा नहीं रहा है। देखिए एक एक संपर्क नहीं मिल पा रहा है, डोंट नो क्या हुआ है। देखिए अच्छे प्लेयर है अनडाउटली, बट ये अभी क्यों हो रहा है ये चीज़ें, क्योंकि आप ऐसे पड़ाव में, क्योंकि यहाँ से अगर आप हारते हैं आपको बाहर ही होना पड़ेगा इस इवेंट से, इतने अमेजिंग लीग से 20 लाख प्राइस पूल है, और मुझे लग नहीं रहा अब यहाँ पर जो इतनी मेहनत की गई थी अब उधरी की देर रह जाएगी यहाँ पर लक्षित के द्वारा। बट देखते हैं यहाँ पर क्या रहेगा, क्योंकि 2 ओवर में मात्र 6 रन, तो मुश्किल है अब यहाँ पर 18 गेंदों में वो बचे हुए रन बनाना है यहाँ पर। आई थिंक कहीं ना कहीं लक्षित थोड़ा प्रेशर में ही खेल रहे, थोड़ा इतना ज़्यादा रन खोने के बाद देने के बाद वो थोड़ा चौक गया एंड ही इज अनेबल टू होल्ड इट ऑफ, आंसर बैक नहीं कर पा रहे हर एक बॉल में। 2 ओवर हो चुका है, 6 सिर्फ रन जुटा पाया है,
तीन और ओवर रहेगा इनके पास, बट देखिए ये तीन और ओवर कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट करने के लिए, रन जो है उसको चेज करने के लिए मौका ढूंढेंगे। एंड शानदार यहाँ पे शुरुआत एटलीस्ट ये तीसरी ओवर में, बट अगर ये पहली ओवर में होता तो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा उम्मीद जगा रहता, बट देखेंगे लक्षित और कितना ज्यादा कर पाते हैं यहाँ पे। और जो हम बता रहे थे जितना ज्यादा हो सकता है जो चेस कर सकते हैं कीजिए, वो हमें बता देगा कि वो आपके पास कैपेबिलिटी अभी भी है। एंड कहीं ना कहीं वो आई थिंक प्रेशर के ऊपर भी आप बेहतरीन तरीके से एक्ट करके जो आंसर है वो आंसर बैक करते हुए नजर आए थे, बट आई थिंक कहीं ना कहीं राजेश वो देना नहीं चाहते, वो मौका ही नहीं देना चाहते। एंड एक रन सिक्स के बाद सीधा एक रन में क्लोज करते हुए नजर आया, चार और बॉल रहेगा, बट रन रेट देखिए 19 पहुंच चुका है, जो यहाँ पे 20 तक पहुंचने वाले थे राजेश वो सिमिलर मैनर में यहाँ पे लेके आ चुके हैं राजेश लक्षित को। और लक्षित सिर्फ एक एक रन से ही खुश रहना पड़ेगा हर एक बॉल में। एंड देखिए फील्डिंग भी इतना आई वुड से शानदार एंड क्लोज है, जैसे ही बॉल जा रहा है जो बाउंड्री की तरफ निशाना लगा रहा है उसको इमीडिएटली एक फील्डर रोकता है एंड वापस सीधा पिच के तरफ भेजते हुए कामयाब। एंड एक और बार यहाँ पे मौका रहेगा, बट इस बार डाइव कैच, दो बॉल को उन्होंने रोका था एक रन में, बट तीसरे बॉल को सीधा डाइव करते हुए विकेट लेते हुए नजर आएगा। एंड ये पहला विकेट होने वाला है लक्षित का, बट आई थिंक ये पहला विकेट होने के बाद भी इतना ज्यादा आई वुड से जो हम बात कर सकते हैं ना कि क्या और कर सकते हैं, क्या अडेप्ट कर सकते हैं लक्षित, वो सारे मौका को खोते हुए नजर आ रहे हैं गेम से, बिल्कुल फॉलो थ्रू कर रहा है। देखिए ऑफ साइड गेंद है तो वहीं पर ही अपने शरीर को लेकर आ चुके हैं, लेकिन वो ये भूल चुके हैं फील्डर भी तैनात है उस समय पर, वो पुल जरूर किया गया उनके द्वारा, वो हुक शॉट उनके द्वारा लगाया जरूर गया, लेकिन जब डीप फाइन लेग का जो खिलाड़ी जो सेत रक्षण इतना स्ट्रांग है तो आप इतना ज़्यादा चांस नहीं ले सकते। और हेटमायर के द्वारा वो काफ़ी अच्छी फील्डिंग हमें देखने को मिलती नजर आई, हार्दिक पांड्या वहाँ पर गेंदबाज रहे और दो सफलताएं मिले। देखिए अभी के लिए यहाँ पर दिक्कत नहीं है उनको, यहाँ पर अगर बात करूँ राजेश को कि कोई विकेट मिले नहीं मिले उनके लिए मतलब है कि वो डॉट गेंद या फिर एक दो रन खाए तो ही उनके लिए बहुत अच्छी शुरुआत है, और अच्छी शुरुआत वो कर ही चुके हैं। फिर से एक और गेंद और फील्डर को तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली यहाँ पर, और इस बार जो फील्डर है वो फिर से स्टार्ट रहेंगे। जी हाँ, एक हैट्रिक में यहाँ पे एंड करते हुए नजर आए, तीन ओवर हो चुका है, 14 रन में अभी भी फंसे हुए हैं लक्षित। एंड कोई और यहाँ पे जो हम सोच भी सकते हैं ना वो मुश्किल में आ चुके हैं, 25 दैट इज कमिंग क्लोज टू इम्पॉसिबल यहाँ पे गेमजो, 25 पर ओवर यहाँ पे रन रेट देखने के लिए मौका मिल रहा है। एंड यहाँ पे अभी तक तीन ओवर के बाद भी उन्होंने 25 नहीं बनाया है, लक्षित और भी ज्यादा मुश्किल में देखने के लिए मौका। तीसरी बॉल की शुरुआत में भी सिर्फ ठीक है एक रन, वहाँ पे स्कोर बोर्ड अपडेट नहीं हुआ था, हमें तो दिखा था कि एक रन उन्होंने लिया था बट वो अपडेट नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा वह कहीं ना कहीं रनअप लेने के लिए मौका ढूंढा था, बट उसके बाद इमीडिएटली रोका गया उनको। नंदलेस एक रन में तो यहाँ पे 15 बन चुके हैं, बट यहाँ पे दूसरा रन लेते हुए देखिए इतना शानदार है और इतना फास्ट यहाँ पे जो फील्डर्स एक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं ना, लक्षित को मौका भी नहीं दे रहे कि एक दूसरे रन के लिए भागा जाए एंड रोक रहे हर एक बॉल में। मिस्टर स्टार्क तो हमें पता भी कितने शानदार गेंदबाज भी है वो यहाँ पर, और जब ऐसा उनको प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पर रन रेट की रिक्वायर्ड रेट इतनी ज़्यादा हो तो अब तो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त वो वे में वो गेंदबाजी करते हैं। बेशक पिछली गेंद वाइड गई है बट प्रेशर अभी भी बल्लेबाज ही खेमे पर यहाँ पर रहने वाला है। तीन ओवर में आप देखिए तीन ओवर से भी दो गेंदें ज़्यादा हो चुकी है, 20 गेंदें हो चुकी है, और 20 गेंदों में अगर आप 70 रन बनाएंगे और ये जो चीज़ है अगर ये पहले ओवर से अगर आ जाती तो अनडाउटेडली अभी अच्छा खासा स्कोर उनका हमें देखने को मिल पाता हुआ नजर आता, बट कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई है, वो प्रेशर नहीं फेस कर पाए। बट यही चीज़ है कि हार की जरूर अगर देखिए अगर हारेंगे यहाँ से तो सीख के बहुत कुछ जाएंगे, एक्सपीरियंस लेके जाएंगे, और नेक्स्ट इवेंट जब इनकी तरफ से हमें देखने को मिलेगा ना तब हो सकता हूँ ये खिलाड़ी बहुत शाइन कर सकता है, कोशिश ज़रूर की जाएगी इसके द्वारा। बट ग्राइंडिंग मैं बोलना चाहूँगा कि प्रैक्टिस जो है ना बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए, और हमारे दर्शकों को भी नहीं भी, क्योंकि काफ़ी दर्शक पूछ रहे हैं कि कब यहाँ पर नेक्स्ट इवेंट आएगा, तो उनको बस गाइस मैं यही बोलना चाहूँगा स्काई स्पोर्ट्स गेमिंग को आप फॉलो कर लीजिए, स्काई स्पोर्ट्स गेमिंग सर्च कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे और जस्ट आके फॉलो कर लीजिए, ताकि जब भी mid 22 में आपको जब भी मतलब कोई इवेंट अगर आएगा अनाउंसमेंट तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा और तुरंत ही आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा।
जी हर एक टाइटल के लिए आपको मौका मिलेगा। आप यहाँ पे रियल क्रिकेट को बहुत पहले से ग्राइंड कर रहे हैं तो आपको भी मौका मिलेगा, आप कोई और टाइटल को भी खेलते हो तो उसका भी मौका मिलेगा। फॉलो करके रखिए, जब भी रजिस्ट्रेशन खुलेगा आपको मौका मिलेगा। बट यहाँ पे मौका ही नहीं देना चाहते राजेश, हर एक बॉल को डॉट में या विकेट में या एटलीस्ट सिर्फ एक रन में तब्दील करना चाहते हैं, बट उस बीच भी कहीं ना कहीं लक्षित बाउंड्रीज ढूंढ रहे हैं। तो ये हमें बताया था लक्षित के पास कैपेबिलिटी है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं प्रेशर के ऊपर यहाँ पे ऐसे उनको सिचुएशंस में लेके आ रहा है जिसकी वजह से वो शॉट्स नहीं कनेक्ट कर पा रहे। बट जैसे उनको एक मौका मिलता है सीधा बाउंड्री के पार भेजते हुए नजर आया एक बेहतरीन सिक्सर, तो कहीं ना कहीं अभी भी देखिए उनको पता है थोड़ा मुश्किल में आ चुके हैं और रन्स अगर लेना है इस आखिरी ओवर में वो मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन हो चुका है उनके पास। बट फिर भी जितना ज़्यादा हो सकता है जो छेज कर सकते हैं उसको करना चाहते हैं यहाँ पे लक्षित, वो दिखाना चाहते हैं कि उनके पास कैपेबिलिटी है। बट जैसे हम बात कर रहे थे प्रेशर जब भी आता है माइंड से थोड़ा अपसेट हो जाता है तो मुश्किल में आ सकता है। एक और बार बाउंड्री की तरफ यहाँ पे भेजने के लिए मौका और एक चौका तो मिल जाएगा। तो इस ओवर में लक्षित ने 10 रन बना चुके हैं कुल मिला के। बिल्कुल, लेकिन कोई फायदा नहीं, ये आक्रामकता अगर पहले ओवर में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स भी बोल रहे हैं कि अगर ये चीज़ अगर पहले वो करके दिखा देते तो शायद शायद यहाँ पर अभी ये जो सिचुएशन चल रही है ये करीब करीब अब हम बोल सकते हैं कि आखिरी ओवर तक जाता, बट अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है नहीं। आप देखिए रिक्वायर 187 की 87। देखिए और भी ऐसे आई थिंक जितना भी हम स्पेकुलेट करें वो हर चीज़ यहाँ पे मुमकिन नहीं है। लक्षित जितना ज़्यादा रन बना पा सकते हैं बना लीजिए, आखिरी बॉल होने वाला है, अगर एक सिक्सर एक बेहतरीन शॉट रहेगा उसी के साथ अंत हो सकता है, बट यहाँ पे वो सिक्सर नहीं मिला उनको और एक आई वुड से एक बड़े डिफरेंस के साथ यहाँ पे जीता है राजेश ने। अपने जो रन उन्होंने बनाया था ना बहुत कामयाब थे वो लक्षित को रन्स लेने में रोकने के लिए। एंड आई थिंक यही बताता है हमको कि जैसे हम स्टेट फाइनल से आगे बढ़ते हैं कंपटीशन लेवल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है इमीडिएटली जब नेशनल प्लेऑफ्स देखने के लिए मौका मिलता है। एंड यहाँ से और भी ज़्यादा कंपटीशन का जो इंटेंसिटी होगा ना वो बढ़ जाएगा एक्सपोनेंशियली, इट विल नॉट बी 2x और 3x या 4x, वो सीधा एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे राउंड ऑफ 32 से हम राउंड ऑफ 16 के तरफ जाएंगे, राउंड ऑफ 16 के बाद हम जाएंगे क्वार्टर्स के तरफ, क्वार्टर्स के बाद सेमीज एंड उसके बाद ग्रैंड फाइनल्स, एंड तब और भी ज्यादा मुश्किलों को फेस करना पड़ेगा हर एक खिलाड़ी को। लक्षित वो एक चुनौती को यहाँ पे फेस किए एंड उसको पार नहीं कर पाया, बट जैसे गेम्स आप बता रहे थे वो जरूर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ जाएंगे बाहर, बट जब वापस आएंगे ना जो अगले टूर्नामेंट होगा और भी ज्यादा बड़े प्राइस पूल के साथ, तब आई थिंक लक्षित का और भी ज्यादा दबदबा देखने के लिए मौका मिलेगा। बिल्कुल, उसमें तो कोई दोहरा नहीं है, पर क्योंकि आपको पता ही है हर खिलाड़ी की ह्यूमन नेचर ये है कि जब आप हारते हैं ना तो आप काफ़ी कुछ सीखते हैं एंड जो गलतियां हैं वो नेक्स्ट टाइम बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे। बट चलते थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पर विनर स्क्रीन को, वहाँ पर हमें थोड़ा सा एक्चुअल फिगर्स देखने को मिल पाएगी। जी हाँ, 63 पहले यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, मतलब अब शायद मेरे ख्याल से मैं चाहता हूँ कि जब नेक्स्ट मैच रहेगा ना मुकेश वर्सेस सौविक दे का, तो क्या अब ये देख कर होगा कि यहाँ पर देखिए उन्होंने गेंदबाजी करी, इतना टारगेट उनको मिल गया 63-64 का टारगेट उनको मिलता है, लेकिन जब बात बारी आती है गेंदबाजी के बाद तब वो रन यहाँ पर चेज नहीं कर पाते। तो 28 रनों के साथ आप बोल सकते हैं एक अच्छी शानदार इन 3 मैचेस जो हमने आज विटनेस करे हैं, इनमें सबसे ज्यादा बड़ी जीत रही है वाला मैच में राजेश की। जी हाँ राजेश का 28 रन्स टू विन इट ऑल, बट लक्षित जी हाँ मौका रहेगा और भी ज्यादा आपको मिलेगा जरूर बहुत जल्दी। आप भी जुड़िए, हर एक खिलाड़ी जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनको भी यही बताना चाहते हैं कि अगले टूर्नामेंट्स में वापस आइए और अपना दबदबा दिखाइए, बट यहाँ पे दबदबा दिखाने के लिए मौका रहेगा छत्तीसगढ़ वर्सेस वेस्ट बंगाल के मैच में मुकेश दोडवानी को और सौविक दे, आखिरी मुकाबला होगा आज के दिन का। अगर कोई दर्शक अभी अभी जस्ट जुड़े हैं और आप रिजल्ट्स के बारे में सोच रहे हैं तो पहली मैच जो हमको देखने के लिए मौका मिला था उत्तर प्रदेश वर्सेस पंजाब, उसमें सुखप्रीत जीतते हुए नजर आया, उसके बाद मध्य प्रदेश और केरला जिसमें धर्मेंद्र जीतते हुए नजर आया, एंड जो मैच अभी अभी जस्ट खत्म हुआ उसमें राजेश जीतते हुए नजर आएंगे। बट इस नेशनल प्लेऑफ्स में आप यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं अपने फेवरेट खिलाड़ी को, वेस्ट बंगाल से अगर यहाँ पे दर्शक जुड़े हैं जो वेस्ट बंगाल को सपोर्ट कर सकते हो, या छत्तीसगढ़ से जो दर्शक जुड़े हैं वो छत्तीसगढ़ को सपोर्ट कर सकते हो, बट इन जनरल आप सपोर्ट कीजिए पूरा देश को, क्योंकि ये खिलाड़ी यहाँ पे आखिर में जाके नेशनल चैंपियन बनेंगे इस AMD रियल क्रिकेट चैंपियनशिप का। बिल्कुल, एंड मैं भूल नहीं सकता यहाँ पर जब हमें मैच देखने को मिला था, एक बार पहले टॉस वगैरह सब कुछ है, फिर मैं आपको यहाँ पर प्रीवियस स्टैट जरूर आप लोगों को बताऊंगा। और हे वी गो,
टॉस यहाँ पर जीत दिया गया मुकेश के द्वारा, और बोलिंग मेरे ख्याल से शायद वो हर कोई खिलाड़ी ने यहाँ पर कम से कम वो चाहता कि बॉलिंग करे और टारगेट जितना कम मिलेगा उतना उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, बट देखते हैं थिंकिंग के ऊपर रहता है। तो मुकेश भी यहाँ पर सोच के आए थे, और अगर सौविक की बात करें अगर उन्होंने भी सोचा ये था कि तो जरूर थोड़ा सा निराश होंगे, बट हाँ ये सोचा था कि अगर बॉल टॉस जीतकर अगर गेंद अगर वो करते बल्लेबाजी तो उनके लिए तो बेस्ट है क्योंकि उनको तो बल्लेबाजी मिल चुकी है। जी हाँ, यहाँ पे मौका ढूंढेंगे जरूर, देखेंगे मुकेश कमाल कर पाएंगे कि नहीं। देखिए राजेश को मौका नहीं मिला था, बट राजेश फिर भी अपने बल्लेबाजी में कमाल करते हुए नजर आया। एंड देखिए 2 बार आज के दिन में देखने के लिए मौका मिला है, जिनको भी यहाँ पे टॉस जीतने के लिए मौका नहीं मिला था, फिर भी बल्लेबाजी से कमाल करते हुए जीत अपने नाम किए थे। इस आखिरी मैच में कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करने के लिए जो स्टैट्स हम बात भी करते रहते हैं ना, जो प्रोबेबिलिटी हो सकता है उसको कहीं ना कहीं 50-50 में तब्दील किया जा सकता है। अगर इस टॉस जीतने के बाद जो बॉलिंग यहाँ पे चूज किया, जो गेंदबाजी चूज किया, उस गेंदबाजी पे अगर खरे उतरेंगे तो वो 50-50 पे आ सकता है। बट यहाँ पे एक बहुत क्रूशियल मैच होने वाला है इन दोनों के बीच, क्योंकि एक प्लेयर तो यहाँ पे एलिमिनेट होना होगा ही, दैट्स गोना बी द फैक्ट, क्योंकि ये गेम है, एक जीतेंगे एक हारेंगे। बट देखिए अभी भी जो सफर है ना, अभी भी लंबा है। 32 के बाद जैसे मैंने बोला 16 है क्वार्टर्स सेमीज एंड उसके बाद जाके फाइनल्स रहेगा। बट जो प्राइस पूल जो हम बात कर रहे थे 20 लाख का, इतना बड़ा पहले बीस ही लाख टूर्नामेंट में यहाँ पे मौका है, उसमें आपको 10 हजार तो मिनिमम मिल जाएगा अगर आप आज इस आखिरी मैच जो यहाँ पे होने वाला है इन दोनों के बीच में अगर जीत जाएंगे, वो 10 हजार तो जरूर मिल जाएगा आपको एज ए मिनिमम अमाउंट। बट और भी ज्यादा जीतने के लिए मौका रहेगा। बट वही चीज है ना सर, अब इतनी मेहनत की गई तो वो 10 हजार के लिए, बट हाँ एक वो सुनिश्चित कर देंगे आप यहाँ पर कि आपने जो आपकी मेहनत रही है टॉप 16 में आने की इस नेशनल प्लेऑफ्स की, आप वो 10 हजार सुनिश्चित कर देंगे। लेकिन सबका जो एक एम रहेगा ना वो है हैशटैग बनाने का, जो टाइटल लेके जाएगा यहाँ से वो 10 लाख रुपए लेके जाने वाला है। एंड साथ ही साथ मैं जो बात कर रहा था कि हमने टॉस सेक्शन यहाँ पर देख लिया है, टॉस सेगमेंट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं अगर बताना जरूर चाहूंगा आपको, जब वेस्ट बंगाल का मैच हमें देखने को मिला था, मैं वेस्ट बंगाल स्टेट फाइनल्स का, सौविक देव वर्सेस सौगाता पोदार की हमें वहां पर हमें बैटल नजर आई थी। 90 रन जड़े थे यहाँ पर सौविक देव ने, लगा था कि कंप्लीट मैच वहां पर इजली वे में जीत जाएंगे, लेकिन सैम हमें वहां पर मात्र वो 2 रन से जीतते हुए नजर आए थे। मतलब बहुत ही कोई एक इम्पोर्टेंट डे एक बोल सकते हैं जीत, एक विक्ट्री हमें देखने को मिलती नजर आई थी। जी हाँ, बट यहाँ पे डक आउट शुरुआत में ही होते हुए नजर आ रहे हैं सोवेक दे। एंड यही बोलते हैं, देखिए आप कितने भी रन्स बना लो, अगर उतना ही शानदार कोई आपको ओपोनेंट मिल जाता है तो वो चेज भी इतना शानदार करके दिखाएंगे एंड आप मुश्किल में आ सकते हो। बट कहीं ना कहीं सोवेक दे जो शुरुआत उनको चाहिए था यहाँ पे नहीं मिलेगा, पहली बॉल में यहाँ पे डकआउट, एंड स्पेशली वो रन आउट था आई थिंक, आई एम नॉट टू श्योर। जी हाँ, हमें बहुत जल्दी वो पता चलता हुआ नजर आएगा क्योंकि पहला बॉल शुरू हुआ था, रन भी ले रहे थे एंड कहीं ना कहीं मुश्किल में आया था या सीधा फील्डर के हाथों गया था नंदलेस, बट विकेट तो खो चुका है तो थोड़ा उनके जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा यहाँ पे नीचे जाता हुआ नजर आएगा। क्या दूसरे बॉल पे कमाल करेंगे? जी हाँ, सीधा बाउंड्री के बाहर भेजते हुए एक चक्का यहाँ पे लेते हुए नजर आएंगे। क्या ही शानदार काउंटर एंड ऑल्सो कॉम्पनसेशन दिखा रहे हैं यहाँ पे सोविक दे। बिल्कुल, शुरुआत अब बोल सकते हैं एक अच्छी वापसी उनके द्वारा, कि यहाँ पर पहले विकेट अगर उनकी गई थी लेकिन दूसरी गेंद में उन्होंने वापसी कर दिया, क्यों उन्होंने एक अच्छे खासे टारगेट वहाँ पर दिया था अपने ओपोनेंट को पिछली मरतबा जब स्टेट फाइनल्स हुआ था। लेकिन लेकिन क्या ये डॉट है, क्या ये डॉट गेंद है, वाइड करार दी जाएगी। तो अभी बोल सकते हैं प्रेशर, उस छक्के खाने के बाद थोड़ा सा प्रेशर में गेंदबाज हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं इस गेंद में क्या यहाँ पर आता है, क्या कोई छक्का या फिर चौका, वो तो अभी कुछ ही देर के बाद देखने को मिल पाएगा। फिलहाल के लिए करंट रन रेट जो है 21 की हमें देखने को मिलती है। पुल शॉट यहाँ पर क्या खिलाड़ी मौजूद है, क्या 2 रन, क्योंकि आउटफील्ड तो मुझे तेज ही नजर आ रही थी लेकिन लास्ट में थोड़ा सा स्लो जाती हुई नजर आई। लेकिन इसी बीच 3 रन लगाए गए हैं यहाँ पर, जंप लगाई गई है यहाँ पर। जी डाइव जी लगा के हाँ यहाँ पे 3 रन कंफर्म कर लेंगे तो ये पहली ओवर में तो कहीं ना कहीं 10 रन अपने नाम कर चुके हैं, और भी 3 बॉल बाकी है और जैसे प्रेडिक्शन चल रहा है रन रेट का वो तो 20 के पास जा चुका है। बट स्टिल देखिए 3 बॉल में अगर वो इतना ही शानदार नहीं खेलेंगे तो वो सीधा रन रेट उतर के आ जाएगा 10 पे, एंड वही हो सकता है। चौथे बॉल पे यहाँ पे डॉट और 2 बॉल रहेगा, और 2 बॉल में अगर डॉट हो जाएगा वो 10 में ही तब्दील होता हुआ नजर आएगा रन रेट भी, और ये पहली ओवर लग तो कुछ इसी प्रकार का रहा है यहाँ पर। लेकिन शॉट अगर आप देखेंगे वो पीछे, लेकिन क्या तैनात थे, जी हाँ इस बार कोई गलती नहीं। और देखा जाए तो
दूसरी गेंद खेल रहे थे यहाँ पर हेटमायर। इससे पहले हमने जो हेटमायर की हमने जो इनिंग्स देखी है वो काफी शानदार, बट अच्छी बात ये है कि डेविड मिलान अभी भी क्रीज में डटे हुए, 9 रन बना चुके ऑलरेडी। जो शुरुआत किए थे, जो ओपनिंग कर रहे थे, वो बेहतरीन तरीके से खेले ज़रूर, बट उसके बाद मुश्किल में ज़रूर आ रहे हैं टीम्स, जो खिलाड़ी है जो स्ट्राइक पे है। क्या और भी रन्स लेंगे देखना पड़ेगा, बट यहाँ पे आई एम नॉट टू श्योर वो शॉट कनेक्ट किया या खुद के ऊपर वो बॉल पड़ा, बट नंदलेस वो भी डॉट बॉल होता हुआ नजर आएगा, पहली ओवर यहाँ पे खत्म होते हुए नजर आया जाएगा। एंड जो हम बात कर रहे थे, जो होना नहीं चाहिए था वो होगा कि पहली ओवर सिर्फ 10 में ही तब्दील किया जाए, रन रेट भी सिर्फ 10 में ही रोक दिया जाएगा, तो थोड़ा सो एकदम मुश्किल में जरूर आ जाएंगे गेम्सो। हाँ, इस बार थोड़ा सा बात है, गति में तब्दीली हमें देखने को मिलती है। सर उन्हें उनको लगा कि उछाल आएगा, लेकिन वो कटर गेंद है ना, उसमें भी थोड़ा सा उन्हें मिश्रण यहाँ पर करा था। क्रिस मॉरिस जाने जाते हैं इस चीज़ के लिए। आप देख सकते हैं वो जो कटर आप ऑफ साइड की तरफ डालते हैं ना सडनली, तो एकदम से जब घूमती है गेंद तो आपको पता नहीं चल पाता, और फिर से वही गेंद और फिर से वही गलती। बट इस बार तेजी थी गेंद में, इसी वजह से यहाँ पर उस कटर को फेस नहीं कर पाए, मतलब उसमें शॉट नहीं मार पाए। बट इस बार वो क्या कर रहे हैं, इस बार वो गेंद की काफी करीब जा चुकी है, एटलीस्ट शॉट को तो यहाँ पर कर सकते हैं कनेक्ट। और ये देखिए रिजल्ट आपके सामने। मौका चाहिए था, आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पास आके थोड़ा रीड करते हुए नजर आ रहे थे मुकेश के बॉल को, एंड फाइनली आखिर में जाके वो बॉल को कनेक्ट करेंगे एंड सीधा बाउंड्री के बाहर। बट दो बॉल खोने के बाद तीसरे बॉल पे बाउंड्री मारते हैं, तो दो बॉल गवा चुके हैं और 3 बॉल रहेगा। पिछली बार भी यही हुआ था, एक बाउंड्री लेने के बाद और उसके बाद 3 रन लेने के बाद उन्होंने और कुछ किया है नहीं, जो बाकी बॉल्स बचा था उसमें हर एक बॉल को खोते हुए नजर आए। एंड आई थिंक वही होगा इस राउंड, इस सेकेंड हाफ, अगर मैं बोलना चाहूंगा इस बॉलिंग को, उस दूसरे ओवर का मौका ढूंढ रहे हैं, बाउंड्री के बाहर यहाँ पे जाने के लिए मौका है। एंड जी हाँ, फील्डर जो थे उसको पार करते हुए उनके सिर के ऊपर ये जाता हुआ नजर आएगा और सीधा एक चौका में तब्दील होता हुआ नजर आएगा। एंड 10 रन इस ओवर में मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं रन रेट यहाँ पे 10 पे ही रुका रहेगा। आखिरी बॉल इस दूसरे ओवर का, थोड़ा शॉर्ट बॉल डालने के लिए मौका, रनअप लेते हुए नजर आएंगे, शॉर्ट कनेक्ट करेंगे सीधा, ये भी बाउंड्री के बाहर जाता हुआ एंड एक बेहतरीन सिक्स। तो यहाँ पे टोटल 16 रन्स बना चुके हैं इस दूसरी ओवर में, तो कहीं ना कहीं दूसरी ओवर में एक बेहतरीन कमबैक सोविक दे से। बिल्कुल, 13 की औसत यहाँ पर बन चुकी है। और अगर हम बात करें ना, मैं उस खिलाड़ी की बात कर रहा था, जी हाँ, अभी भी डेविड मिलर यहाँ पर क्रीज में है और 3 ही गेंद खेली है, मतलब काफ़ी शानदार अभी के लिए उनकी तरफ से में बल्लेबाजी, और साथ साथ उनको पांड्या का भी साथ मिल रहा है। बट अगर हम बात करें गेंदबाजी में, तो जी हाँ, एक तब्दीली, और जेसन होल्डर अभी के लिए हमें यहाँ पर नजर आएंगे, और कोशिश करेंगे जेसन होल्डर की यहाँ पर कुछ ना कुछ विकेट चटका कर ये जो साधी जा रही है इसमें थोड़ा सा लगाम लगाई जाए। यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि सोविक दे भी यहाँ पे अगर मौका मिलता है तो शॉट के ऊपर शॉट जरूर मारेंगे। एंड इसके वजह से मुकेश थोड़ा सोच समझ के ये तीसरी ओवर का जो बॉलिंग, जो गेंदबाजी है, सोच समझ के करना चाहते हैं, बट सोच समझ के करेंगे जरूर। बट ये थोड़ा पार करने के लिए मौका ढूंढ रहा था, बट जैसे ही ये बाउंड्री के तरफ जा रहा था स्लो हो गया, एंड फील्डर इमीडिएटली बॉल के नीचे आके उसको पकड़ेंगे एंड तीसरी ओवर की शुरुआत में ही एक विकेट गिराने में कामयाब। मुकेश, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू कंट्रोलिंग द ओवर अगेन, बट देखिए अभी रन रेट 12 का बन चुका है, सोविक दे अगर इस ओवर में भी 10 बना लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आखिरी दो ओवर में आई थिंक 60 पार करने के लिए मौका ढूंढेंगे। शॉर्ट बॉल डालेंगे एंड शॉर्ट बॉल को सीधा कनेक्ट आउट, करेंगे, बट इस बार फील्डर तैनात और सीधा उनके हाथ, तो बैक टू बैक 2 विकेट गिराते हुए नजर आएंगे मुकेश, एंड ही इज मेकिंग श्योर कि सोविक दे खुद मुश्किल में आ जाए, एंड जो वो 10 से 16 रन बना रहे थे ना, वो तीसरे ओवर में उनको रोक दिया जाए। देखिए एक चीज़ है सैम, जब बल्लेबाज टिका होता है ना, जब फील्डर को पता रहता है कि उनके पास अपॉर्चुनिटी है तो वो डाइव इस प्रकार के लगाते हैं। अगर मान लीजिए शुरुआत कोई नया बल्लेबाज होता तो आपको पता ही कि मोस्ट ऑफ टाइम वो 1 बाउंस फील्डर के पास चली जाती है और वो ज़्यादातर इतना नहीं सोचता है, लेकिन जब आती है अपॉर्चुनिटी, जब उनको पता है कि वो काफ़ी देर से टिका हुआ था क्रीज में, और हमने देखा भी 200 से 220 अराउंड उनकी यहाँ पर हमें रन रेट भी देखने को मिला था वहाँ पर, तो इसी वजह से वो डाइव लगाई गई और फ़ायदा मिला है। क्योंकि बोलते हैं ना कि यहाँ पर कैच, अगर आप कैच लेंगे तो वो मैच आपको जीतने जिताने में काफी एक अहम योगदान निभाते हैं। जी हाँ, हर एक बॉल यहाँ पे आपको
आई वुड से मैच जिताने के लिए मौका जरूर हो सकता है, बट हर एक बॉल बल्लेबाज के लिए भी मैच जिताने के लिए मौका हो सकता है, एंड वो ही होता हुआ नजर आ रहा है। एंड सीधा एक सिक्सर, बट उसके साथ साथ ही यहाँ पे मिलेगा एक वार्निंग मुकेश के लिए फर्स्ट पॉन्स का, तो थोड़ा खुश भी हो जाएंगे सोविक दे, जो रन खो रहे थे, जो बॉल्स खो रहे थे उसको यहाँ पे कॉम्पनसेट सिक्सर के साथ करेंगे, और भी तीन बॉल बचा रहेगा, एंड एक और अगर बाउंसर आएगा तो कहीं ना कहीं एक नो बॉल मिल सकता है। बट शॉट लेने के लिए तैयार जरूर थे, बट उसके बाद वो बॉल को मुझसे टाइम नहीं किया या कनेक्ट नहीं कर पाए, एंड उसके वजह से एक डॉट में वो बॉल जो चौथा बॉल था वो तब्दील होता हुआ नजर आएगा, और आखिरी दो बॉल पांचवें बॉल पे यहाँ पे बॉलिंग रन अप लेते हुए नजर आएंगे, बट ये इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं गेन पाएगा जिसके वजह से सिर्फ दो रन लेते हुए, एंड खुश भी हो जाएंगे क्योंकि आठ रन तो अभी इस ओवर में बना चुके हैं, आखिरी बॉल रहेगा, एंड आखिरी बॉल में भी अगर दो और या और उससे ज्यादा बनाएंगे तो 10 तो उनको मिल जाएगा मिनिमम। देखते हैं क्या क्या हमें कोई बाउंसर देखने को मिलती है, क्योंकि अब फास्ट बॉलर और बाउंसर नजारे ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन लेकिन ये जो फुल ये जो हुक शॉट मारा गया है काफी शानदार, एक फील्डर तो बोल सकते दर्शक ही बनेंगे, फील्डर कुछ नहीं कर सकते, बस वो बॉल मंगवाता नजर आएगा आपको दर्शक दीर्घा से, तो डीप फाइव लेग और स्क्वायर लेग के बीच में जो एक शॉट मारा गया था ना काफी शानदार, प्लेयर कुछ नहीं कर सकते, देखिए फील्डर कुछ नहीं कर सकते वहां पर, बट अभी के लिए एक अच्छी शुरुआत में बोल सकता हूँ, कोशिश तो जरूर की जा रही है कि और भी रन यहाँ पर आए, और फिलहाल के लिए गाइस देखिए 40-4 है यहाँ पर, एंड क्या लगता है आपको ये टारगेट जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं कितना ये स्कोर ये टारगेट दे सकते हैं अपोनेंट को? आई थिंक जैसे मैं सोच रहा था 60 के पास तो आना चाहिए यहाँ पे सोविक को, एंड विकेट भी अगर खो रहा है कहीं ना कहीं वो कॉम्पनसेट करने के लिए 6-4 या एटलीस्ट एक ओवर में 10 रन लेते हुए नजर आ रहा है, तो आई थिंक जैसे हम सोचते हैं ना विकेट इस पांच ओवर में आपको ज़्यादा उसके ऊपर सोचना नहीं है, एंड वही सोविक करते हुए नजर आ रहे हैं, अगर विकेट गिर रहा है ही इज़ लाइक लेट फॉल इट्स ओके, बट रन्स इज गोइंग टू बी द मेन थिंग, नंबर्स उनको चाहिए, एंड वही हर एक बॉल में करते हुए नजर आ रहे हैं। बट एक डाइव यहाँ पे लग रहा था कहीं ना कहीं सोविक दो या एक रन बना पाएंगे, बट उसको रोकने में कामयाब, बेहतरीन तरीके से मुकेश के जो फील्डिंग सेटअप है उसके वजह से एक डाइव कैच एंड विकेट एक और गिरता हुआ नजर आएगा, एंड उसके वजह से ये एक बॉल डॉट भी होता हुआ नजर आएगा, तो रोक तो जरूर रहे मुकेश, जो भी मौका मिल रहा है उसका फायदा उठा रहा है, बट उसका इमीडिएट फायदा क्या यहाँ पे ढूंढ पाएंगे सोविक, तीसरा बॉल इस चौथे ओवर का आएगा जरूर, क्लोज टू गुड एंथ और इमीडिएटली गुड शॉट लेते हैं, बट फील्डिंग सेटअप अभी भी तैनात जिसके वजह से आई थिंक सिर्फ एक रन से कुछ रहना पड़ेगा यहाँ पे। ये मुझे भी समझ में नहीं कि शॉट वो क्या माना चाहते थे, बट जो भी है मजा काफी आया उस शॉट को देखते हुए, कुछ तो रन देखे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक रुकावट अगर आ जाएगी आपके जो रनिंग में मतलब रनों में तो फिर दिक्कत आपके लिए बढ़ेगी। फिलहाल के लिए कपूल यहाँ पर फिर से, लेकिन इस बार ये मैं इसी की बात कर रहा था, अगर कोई खिलाड़ी अगर रहता है नया खिलाड़ी अगर आता है क्रीज में तो वो डाइव नहीं मारी चाहती, लेकिन अगर कोई क्रीज में जो डटा हुआ खिलाड़ी रहता है जो बल्लेबाज होता है उसके लिए डाइव जरूर लगाई जाती है फील्डर्स के द्वारा। बट देखेंगे यहाँ पे एक बाउंस का वार्निंग वापस आता हुआ देखने के लिए मौका मिल रहा है मुकेश को, अभी भी बाउंस के बाद फर्स्ट बाउंस के बाद इमीडिएटली सेकेंड बाउंस एक ही ओवर में उन्होंने अभी डाला नहीं है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा जो नो बॉल का मौका है वो अभी तक आया नहीं है मुकेश के साइड से, मुकेश अभी तक ऐसे कोई भी गलती नहीं किया। जी हाँ जरूर एक आई थिंक वाइड उन्होंने डाला था एंड उसके बाद वो एक और बार रिपीट होने के लिए मौका नहीं दिया है उन्होंने, बट देखिए इस ओवर में 7 रन बना चुके हैं सोविक विद जस्ट मेकिंग 2 रन्स पर बॉल, एंड अगर मौका मिला बाउंड्री के पार भेजने के लिए मौका जरूर ढूंढेंगे, एंड वही होता हुआ नजर आएगा सीधा बाउंड्री के पार आखिरी बॉल को ओवर का सिक्सर में तब्दील करते हुए नजर आएंगे, एंड टोटल यहाँ पे 53 बना चुके हैं जो यहाँ पे बनाना चाहिए था पांचवें ओवर के बाद जो आखिरी ओवर होता है, फाइव ओवर्स जब खत्म होने को आता है तब यहाँ पे 50 बनाते थे, थोड़ा एटलीस्ट मुकेश खुश रह सकते थे, बट यहाँ पे एक डिसेंट टू गुड टारगेट सोविक बनाते हुए नजर आ रहा है, इस आखिरी ओवर में कमाल करने के लिए मौका जरूर ढूंढेंगे, गुड लेंथ बॉल बट इमीडिएटली कीपर एक जंप लगाते हुए उसको जरूर पकड़ेंगे, एंड आई थिंक वो कनेक्ट नहीं हुआ, वो एज नहीं हुआ बॉल जिसके वजह से वो सिर्फ डॉट देखने के लिए मौका मिलेगा।
बट शॉर्ट गेंद पे ज़्यादा अगर देखा जाए तो प्रेशर वो कर रहे हैं, बट थोड़ा संभल, क्योंकि अगर एक और शॉट आती ना तो वो नो बॉल आने में ज़्यादा यहाँ पर नहीं रहेगा। और पहली यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट बाउंस में हमें यहाँ पर देखने को मिलती नज़र आ रही है। पहली दो गेंदें डॉट गेंद है और ये आखिरी ओवर चल रहा है यहाँ पर। आपने बात करी थी 60 रन, तो देखिए बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से अगर वो 70 तक का भी टारगेट अगर लेके चले जाते हैं तो बढ़िया रहेगा 100 विकेट के लिए। मौका है बट वैसे ही यहाँ पे शॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से डॉट के ऊपर डॉट नजर आ रहा है। 3 बॉल यहाँ पे डॉट में तब्दील होता हुआ और 3 बॉल इस आखिरी ओवर में रहेगा। एंड देखिए बहुत बारी यहाँ पे शॉर्ट टू गुड लेंथ बॉल डालने के लिए मौका ढूंढ रहे हैं मुकेश, एंड उसी के ऊपर सक्सेस उनको मिला है। बट इस बार नहीं, इस बार फील्डर के बीचों बीच एक गैप ढूंढते हैं, एंड जो बाउंड्री के पास फील्डर रहते हैं वो सेटअप नहीं था इस बार, एंड इसके वजह से यहाँ पे एक ईजी चौका मिलता हुआ नजर आएगा। 57, 2 more balls एंड आई थिंक यहाँ पे 60 तो पार करना चाहिए सुविक को। कोशिश तो है, देखिए ऐसा नहीं कि यहाँ पर वो कोशिश नहीं कर रहे, बट जब गेंदबाजी इतनी ज़बरदस्त हो जाए ना तो फिर कोशिश नाकाम होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाती, बट कोशिश तो जारी रखिए, क्या पता आपको उसमें सफलता मिल जाए। और मेरे ख्याल से शायद वहाँ पर कोई फील्डर मौजूद है कि नहीं, बट फील्डर की तेज़ी देखिए यहाँ पर, उनको पता है कि उस जगह पर मतलब आउटफील्ड की अगर हम बात करें ना काफ़ी, और ये बहुत बड़ा झटका क्योंकि रन आउट, इसमें तो कोई दौरा नहीं। यहाँ पर अंपायर तो पहली सी वो उंगली खड़ी कर चुके थे और जो बल्लेबाज जो यहाँ पर थे ना, जो क्री नॉन स्ट्राइकर एंड में पहुंचे थे, उनको पता था कि उनको पवेलियन ही जाना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं, तो इसलिए वो डायरेक्ट ही वहीं से चले गए। बट अभी के लिए कितनी गेंदें शेष है यहाँ पर सैम? आखिरी आखिरी गेंद होगा ये इस ओवर का, एंड आखिरी ये ओवर होगा इनिंग्स का, तो देखेंगे क्या 60 कर पाएंगे या 60 ही टारगेट देंगे मुकेश को, क्या यहाँ पे एक बाउंड्री जो चौका में तब्दील हो सकता है या चक्का में, देखना पड़ेगा एक और बार। इस बार थोड़ा गुड लेंथ बॉल डालेंगे, कनेक्ट करेंगे जरूर, बट ये जाएगा सीधा फील्डर को ये हाथ, यहाँ पे 59 से खुश रहना पड़ेगा सोविक दे को, 60 का यहाँ पे टारगेट सेट करते हुए नजर आएंगे। जो हम बात कर रहे थे 60 को पार करना पड़ेगा सोविक को, वो किया नहीं है, बट अभी भी देखिए एक आई वुड से डिसेंट टारगेट है चेस करने के लिए, मौका है यहाँ पे जीतने के लिए मुकेश के पास। बट देखिए मुकेश को भी सोच समझ के खेलना पड़ेगा, सोविक इतना आसानी से उनको जीतने के लिए मौका नहीं देंगे, एंड वो भी यहाँ पे चैंपियन जरूर बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, 10,000 मिनिमम अपने नाम गारंटी करवाना चाहते हैं। तो मुकेश शुरुआत में बॉल्स नहीं खोना चाहिए, एंड नॉट ओनली दैट, जैसे यहाँ पे सोविक बनाते हुए नजर आ रहे हैं, पहली दो ओवर में 20 से पार करते हुए नजर आ रहे थे ना, तब जाके थोड़ा मुश्किल मुकेश डगमगाए जरूर थे, बट उसके बाद मुकेश अपने आप को कंट्रोल भी किए, अपने आप को स्टेबलाइज किए, एंड वी डिड सी हिम प्ले आउट बेटर, रन को रोकने में कामयाब थे। पहली बॉल इज सेकेंड इनिंग्स का, एंड वो डॉट आई थिंक होना चाहिए, एंड जी हाँ डॉट होता हुआ नजर आएगा। चलिए शुरुआत तो अभी अच्छी हुई है, यहाँ पर बाउंस में भी काफ़ी बोलते हैं उछाल जो हम देख पा रहे हैं ना, और प्लस वो कटर वो भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। आप देखिए वो लेग कटर कोशिश कर रहे हैं कि लेग कटर यहाँ पर सबसे ज़्यादा डाली जाए, बट इस बार मेरे ख्याल से कनेक्शन काफ़ी शानदार, और पहली डॉट गेंद का जो एक रिप्लाई दिया इन्होंने 1-6 रन के साथ। जी हाँ यहाँ पे स्टार्ट चाहिए था, कॉम्पनसेट करना था, दूसरी बॉल में एक बेहतरीन सिक्सर, 4 और बॉल इस पहली ओवर में, रन रेट 11 चाहिए अभी तक, बट एक और बार बाउंड्री की तरफ निशाना, आई थिंक इस बार फील्डर है तैनात, सीधा फील्डर के हाथ यहाँ पे जाता हुआ पहली विकेट यहाँ पे गिरा चुके हैं पहली ही ओवर में। पहला बॉल डॉट, दूसरा बॉल सिक्सर, उसके बाद तीसरा बॉल विकेट, और 3 बॉल रहेगा गेम जो इस ओवर में, बट देखिए 10 क्या पार कर पाएंगे मुकेश, देखने वाली बात है। बट ये चीज़ वो बता रहे हैं कि बल्लेबाजी में देखा जाए तो अच्छी उन्होंने करी है एक ऑन एवरेज, क्योंकि पिछली मरतबा जब वो स्टेट फाइनल्स खेलते थे 90 रनों का आंकड़ा उन्होंने टारगेट दिया था, लेकिन अभी के लिए लगभग 60 के करीब उन्होंने जो आंकड़े दिए। बट ये अगर चीज़ होते नजर आएगी ना पास सैम, अगर मान लीजिए एक ओवर में दो दो तीन तीन बाउंड्रीज वो भी 6 के रूप में, तो मुश्किल है फिर आपका रिक्वायर्ड 100 आप देखेंगे तो धीरे धीरे नीचे गिर रहा आप यहाँ पर। जी हाँ मुश्किल में आ जाएंगे, एंड देखिए एटलीस्ट वो अगर ओवर के आखिरी बॉल में हुआ होता तो कहीं ना कहीं थोड़ा अपने आप को दूसरी ओवर में संभालने के लिए मौका मिलता, बट अभी भी ये ओवर चल रहा है तो आपको इमीडिएटली इस ओवर में अडेप्ट करना पड़ेगा। बट एक छोटी मोटी गलती होते हुए नजर आ रही है, फर्स्ट बाउंस यहाँ पे डालेंगे जरूर, बट उसके ऊपर एक डॉट उनको मिल जाएगा, बट ये आखिरी बॉल, अभी इस आखिरी बॉल में भी अगर एक बाउंड्री देंगे तो
आई थिंक क्लोज टू 20 तक आ जाएंगे, जहां पे 18 पे आके खुश नहीं रहेंगे एंड उसको करने के लिए मौका नहीं देंगे। बॉल यहाँ पे जरूर फील्डर की तरफ जाएगा, बाउंड्री का थोड़ा नजरिया था बट फील्डिंग सेटअप की वजह से सिर्फ 2 रन से खुश रहेंगे 14 इस पहले ओवर को खत्म करने के लिए। कहीं ना कहीं ये मैच भी जो सोवे कर रहे थे ना, उसको ही थोड़ा रेप्लीकेट करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे गेम्स। अब बट देखिए, हर बार ऐसा नहीं होता ना कि शुरुआत अगर दूसरे अपोनेंट जैसी हुई है तो उसका मतलब ये नहीं कि अंजाम भी वैसे ही जाएगा। बट कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर, इतना मैं इसमें ये बोलूंगा। बट ये 6 रन ग्राइनल से कोई रोक नहीं सकता उनको यहाँ पर, सीधा बाउंड्री के पार। आई मीन देखिए, शानदार अगर शुरुआत नहीं हुआ है बट जो कंसिस्टेंट एंड मोमेंटम गेम प्ले होता है, जो कॉन्फिडेंस बिल्ट गेम प्ले होता है, उसके ऊपर उतरते हुए नजर आ रहे हैं मुकेश। सिक्सर एंड उसके बाद एक और कनेक्शन, बट इस बार फील्डर तैनात, तो 2 रन से खुश जरूर रहेंगे। थोड़ा रिस्क में आ सकते थे बट इमीडिएटली वो रन लेने की वजह से 2 रन जरूर आसानी से मिल जाएगा एंड उसके जाते ही एक वार्निंग में मिला जाएगा यहाँ पे सोविक को फर्स्ट बाउंस का। 2 बॉल के बाद इमीडिएटली एक फर्स्ट बॉल का वार्निंग, तो आई थिंक वो दूसरी बार रिपीट करने के लिए मौका नहीं चाहते सोविक, क्योंकि पता है सबको कि एक नो बॉल का कॉल दे देंगे अंपायर। बट एक गुड लेंथ बॉल यहाँ पे आता हुआ कनेक्ट होगा, सीधा बाउंड्री की तरफ निशाना, बहुत तेजी से जा रहा है। इमीडिएटली फील्डर को रिएक्ट करने के लिए भी मौका नहीं, वो जैसे ही पीछे मुड़े उनको पता चल गया था ये तो बाउंड्री जाने ही वाला है एंड उसकी वजह से एक चौका मिल जाएगा यहाँ पे मुकेश को। शुरुआत तो अभी देखा जाए तो अच्छी हुई है यहाँ पर, इजिली गेटेबल है ये स्कोर भी, और कोशिश तो कर रहे हैं कि इस दूसरे ही ओवर में ना और भी ज़्यादा यहाँ से रन बटोरे। देखिए 13 अभी तक अगर बात की जाए तो लगभग जो है 15 से भी ऊपर का रन रेट यहाँ पर चल रहा है, और रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो जहाँ पर 12 तक चल रहा था, 12 से ऊपर के रिक्वायर्ड रन रेट चल रही थी, वो अब 10 के काफ़ी करीब। लेकिन हाँ, ये बड़ा इसको बढ़ाया हुआ दिया जा सकता है, लेकिन अब उसको आपको डॉट गेंद में तब्दील करना पड़ेगा। बट ये देखिए, एक डॉट गेंद उसके बाद एक 6 रन, तो फिर तो मुश्किल है आपस एम बचना फिर उनसे। देखिए ऐसे बाउंड्री अगर जाता रहेगा तो जैसे आपने बताया बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा यहाँ पे सोविक को। बट आपने एक और चीज़ जिक्र किया था कि एक ही ओवर में आपने अगर बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज जो होता है उसको दे देंगे तो आप मुश्किल में ही सीधा आ जाएंगे एंड आई थिंक वही होता हुआ नज़र आ चुका है। यहाँ पे 3 बाउंड्रीज जा चुका है इस ओवर में एंड उसके बाद जाके ये ओवर ख़त्म हो चुका है एंड दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड ओवर। 34 रन एंड फॉर जस्ट अ लॉस ऑफ 1 विकेट। बट सोविक देख खुश नहीं रहेंगे क्योंकि देखिए जो नीडेड रन्स है और जो बॉल्स का फासला है बहुत कम आ चुका है यहाँ पे। कहीं ना कहीं सिर्फ 26 रन्स में 18 बॉल्स के साथ उनको हासिल करना पड़ेगा एंड मुकेश अगर मिनिमम 2 से 3 बाउंड्री हर एक ओवर में लेते हुए नजर आएंगे तो सोविक देख तो आई थिंक हार सकता है इस राउंड ऑफ 32 को। जी हाँ, हर वो एक जो उनका एक बोल सकते हैं ना कमजोर खड़ी जो यहाँ पर मुझे देखने को मिल पा रही है, वही चीज़ डी फाइन लैग उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, हर बार वही गेंद आएगी तो अंजाम भी वही देखने को मिलेगा। एंड अब मुझे लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं अब उम्मीदें कम सी होती नज़र आ रही है, अगर इस ओवर में अगर ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 रन खाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज मुझे लग नहीं रहा यहाँ पर उनके चांसेस। बट कुछ इसी प्रकार की गेंदबाजी की आवश्यकता है यहाँ पर, आप जितना इंसर्ट करोगे, जितना आप डॉट गेंद करवाएंगे, इतना भी कुछ बात बन पाएगी यहाँ पर। जी हाँ, देखिए अगर आप डॉट में वो बॉल को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो तो प्लेयर को थोड़ा ज़रूर हर्ट कीजिए एंड कहीं ना कहीं इंजूर हो सकता है प्लेयर। बट यहाँ पे बॉल से दूर होके खड़े थे बैट्समैन, शॉट कनेक्ट करेंगे बट फील्डर भी तैनात थे इमीडिएटली बाउंड्री के पास। जैसे ये बॉल आया ऐसे लग रहा था कि वो बॉल मैग्नेट जैसे, जैसे वो शॉट कनेक्ट किया सीधा फील्डर के हाथ बहुत आसानी से वो पहुंच गया था, विकेट गिरा देंगे। एंड ऐसे जो विकेट्स होता है, ऐसे जो बॉल रोकने वाली जो डॉट्स होता है वो बहुत क्रूशियल होता है अगर सोविक को जीतना है। 6 तो यहाँ पे जा चुका है, उसके बाद डॉट एंड विकेट भी आ चुका है, यहाँ पे दूसरा बॉल आएगा एंड कहीं ना कहीं फर्स्ट बाउंस का करार दिया जाएगा। 4th बॉल, अभी भी 2 बॉल बाकी है इस ओवर में गेम्स। हाँ जी हाँ, उसमें कोई दरा नहीं है, लेकिन अभी अगर हम बात करें ना, कुछ भी बोल सकते, ये ओवर अच्छा गया अगर हम पर्सपेक्टिव से बात करें इनकी, क्योंकि 4 गेंदों में मात्र 6 रन है, लेकिन इस बार वो बॉल रन रोका गया यहाँ पर, मुझे कैंसिल करा गया, लेकिन वो इसलिए क्योंकि शायद हमें उस समय फ्रेम हमें नजर नहीं आया था, लेकिन वो इसलिए था क्योंकि 6 रन वो मतलब काफी कमाल का पुल शॉट था, एक तरह मतलब हुक शॉट था एक तरीके से। एग्जैक्टली, और देखिए फासला था 26 एंड 18, अभी पहुंच चुका है 14 रन विद ऑन 13 बॉल्स, जस्ट 13 बॉल्स।
एक दो आई वुड से बॉल्स में आपका ज्यादा कुछ होने नहीं वाला है, आप ही खुद मुश्किल में आ सकते हैं। एंड आई थिंक वही सोविक की तरफ से हो रहा है। जरूर ओवर का खत्म करेंगे, बट ओवर का खत्म करेंगे तो अभी भी दो और ओवर बाकी है, ऐसे नहीं है कि पूरा इनिंग्स खत्म हो चुका है। तो आई थिंक सोविक दे और भी ज्यादा कंट्रोल दिखाना पड़ेगा, बाउंड्री बिल्कुल नहीं देना है यहाँ पे, एंड उसके ऊपर डॉट्स के ऊपर तकदील जरूर। शुरुआत तो एटलीस्ट डॉट में करेंगे इस चौथे ओवर का, बहुत इंपॉर्टेंट ओवर रहने वाला है यहाँ पर। अगर इस ओवर में अच्छी खासी और गेंद, देखिए दो शुरुआती गेंद दोनों में ही एक तरीके से कुछ सफलता नहीं मिली यहाँ पर बल्लेबाज को। उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पर थर्ड मैन की तरफ यहाँ पर शॉट मारे, बट नहीं इस बार वो गेंद उनको ही फॉलो करा। लेकिन जवाब देखिए सौविक दे तो बिल्कुल हक्के बक्के रह गए वहाँ पर मुकेश के शॉट से, और अब शायद जो रन रेट है वो 6 से भी नीचे जाती हुई नजर आएगी। आप देखिए जी हाँ 6 से भी नीचे आ चुकी, क्योंकि 8 रन चाहिए मात्र और 1.5 ओवर अभी भी क्षेत्र शेष है यहाँ पर, 1.3 ओवर। देखिए 1.3, बट मैं इसी ओवर का बात करूंगा, अभी भी 3 बॉल है एंड 2 रन यहाँ पे ऑलरेडी ले चुके हैं। 6 और रन बनाना है अगर जीतना है यहाँ पे मुकेश को, और उसके साथ ही यहाँ पे एक फर्स्ट बाउंस का वार्निंग। सोविक यहाँ पे प्रेशर में आते हुए नजर आ रहा है। दो और यहाँ पे गेंद बचेगी इस चौथी ओवर में, एंड उसके बाद एक पूरा ओवर है एंड रन इतना ज्यादा नहीं है जो आप खो सकते हो। 6 सिर्फ रन है, आपको सोच समझ के डालना पड़ेगा। एंड ओके यॉर्कर का यहाँ पे कॉल आता है, आई मीन आई थिंक इतनी देर के बाद ये पहला यॉर्कर होने वाला है, एंड इसको देखिए एक बेहतरीन शॉट यहाँ पे, बट आई थिंक फील्डर तैयार थे जिसकी वजह से रोकने में कामयाब। कहीं ना कहीं यहाँ पे बाउंड्री जाने के लिए मौका था, गेम जो एक बेहतरीन टाइम शॉट था, बट फील्डिंग का प्लेसमेंट भी सोविक से कुछ कम नहीं है। देखिए उन अब उनके पास अब यही बच रखा है कि हर गेंद को बस वो एक फुल टॉस या फिर एक डालने की कोशिश करेंगे वो यहाँ पर यॉर्कर की, लेकिन सफलता नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पर फुटवर्क अगर आप देखेंगे यहाँ पर बल्लेबाज का, तो वो तब्दील वो यॉर्कर को फुल टॉस में तब्दील कर रहे हैं हर बार, वो यॉर्कर होने नहीं दे रहे यहाँ पर, ये एक बड़ा दिक्कत है। लेकिन अभी के अगर आप देखेंगे आखिरी उम्मीद लेकर आए हैं यहाँ पर स्पिनिंग डिपार्टमेंट में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग बिल्कुल सुनील नारायण को बुलाया गया है यहाँ पर। 2 रन अगर आ गए तो टाई हो जाएगा, 3 रन मतलब वो हो सकता है कि इसी ओवर में खत्म, पहली गेंद में भी खत्म कर सकते हैं यहाँ पर गेम। जी हाँ देखिए शुरुआत कभी कभी बार यहाँ पे डॉट में हुआ है मुकेश का, बहुत बार बाउंड्री के बाहर हुआ है, तो मौका ढूंढ रहे होंगे, बट स्पिनर आते ही आई थिंक उसका पूरा फायदा उठाते हैं, थोड़ा यहाँ पे जरूर घाव खाते हैं। आई थिंक ऐसे बॉल डालना ही पड़ेगा, मजबूरन यहाँ पे ऐसे बॉल डालना पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं मुकेश मौका वाइड नहीं कमाना चाहते, बट ये तो वाइड होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर लेग साइड गया था ये बॉल। मुकेश फायदा उठा रहे यहाँ पे हर एक चीज का, हर एक बॉलिंग जो यहाँ पे प्रेशर में आ चुके सोविक की तरफ से, बट क्या यही पे खत्म करेंगे या और भी ज्यादा आगे जाएगा ये मैच, मुझे नहीं लग रहा है। यहाँ पे एक बेहतरीन शॉट करेंगे, इस बार फील्डर नहीं रहना चाहिए, बाउंड्री के साथ बाउंड्री के बाहर ये मैच को खत्म करेंगे, एक बेहतरीन चौका एंड दैट शुड बी एंड। 8 विकेट के साथ यहाँ पे जीत जाएंगे मुकेश, कहीं ना कहीं कंट्रोल यहाँ पे करने के लिए मौका ढूंढ रहे थे सोविक, आखिरी ओवर तक लेके आए थे इस मैच को, बट आखिरी ओवर में सिर्फ 3 रन चाहिए था, 3 रन और 6 बॉल थे, तो इट वॉज बाउंड टू हैपन, बट स्टिल देखिए कहीं ना कहीं 3 बॉल तक उन्होंने रोका जरूर, बट तीसरे बॉल में एक चौका, मैच का अंत। बिल्कुल सैम हम ये बोल सकते हैं शॉर्ट इन समराइज वे में कि पहले जब वो बल्लेबाजी करने आए थे तो वो खुश नहीं थे उस टारगेट से जिन्होंने यहाँ पर दिया था। 59 रन उन्होंने जो बनाए थे यहाँ पर, और भी रन बनाए जा सकते हैं लग रहा था, मैं आपने जैसे बोला था कि 65-60 से ऊपर वो कर सकते हैं, मुझे लगा था कि 70 का आंकड़ा वो छू सकते हैं यहाँ पर, अगर वो 70 का आंकड़ा छुए होते तो शायद अभी ये गेम उनके नाम जा सकता था, बट मुकेश ने जिस दिलेरी के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी की है, देखिए कुछ ऐसा दौर भी आया था जहाँ पर मुश्किल लग रही थी उनके लिए भी, जैसे हमने देखा था वहाँ पर वो तीसरा ओवर आता है जहाँ पर 4 गेंदे 4 में से बस एक बाउंड्री और 3 डॉट्स, लेकिन उसके बाद 5वीं गेंद में फिर से वो बाउंड्री, तो ये चीज रही, यही एक मेजर रीजन रहा, क्योंकि जो रन है ना वो निरंतर बनते रहे, अगर कहीं पर भी रुकावट आ जाती तो शायद यहाँ पर मुकेश के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती। जी हाँ मिनिमम वो यहाँ पे हर ओवर में 2 बाउंड्रीज लेके जा रहे थे, वेदर इट्स अ सिक्सर वेदर इट्स अ 4 डज नॉट मैटर, लेके जरूर जा रहे थे। आई थिंक कहीं ना कहीं वही करना चाहिए था यहाँ पे
बात करेंगे सोविक के बारे में। तो आखिरी दो ओवर में थोड़ा फंबल हो गया, वो थोड़ा आई थिंक हाँ प्रेशर यस में आ सही गया बात। ट्रिगेट के वजह से, टारगेट के वजह से। हम जब भी बात करते हैं, एक डिसेंट टारगेट अच्छा रहता है बट इट्स नॉट ऑलवेज डिफेंडेबल, जिसके वजह से मुकेश उसका बेहतरीन फायदा उठाते हुए, चेस करते हुए नजर आए इन 62 फॉर द लॉस ऑफ ओनली टू, 8 विकेट के साथ जीतते हुए नजर आएंगे। देखिए 4 और अभी भी बॉल बाकी था, तो कहीं ना कहीं सोविक दे अगर थोड़ा पहले ही सोच समझ के और थोड़ा रन, इवन आखिरी ओवर में, उन्होंने आखिरी ओवर में आई थिंक 3 डॉट बॉल्स खोया था सोविक ने, एंड आई थिंक एक ही उनका बाउंड्री आया था आखिरी ओवर में, तो उसके वजह से इतना ज्यादा कमाल नहीं कर पाए सोविक। 60 का जो आंकड़ा है या उससे पार भी जाने के लिए मौका नहीं मिला, एंड डिसेंट टारगेट ऑलवेज अ 50-50 चांस, कोई भी जीत सकता है। एंड मुकेश अपने बल्लेबाजी में एक बेहतरीन आई वुड से कमाल दिखाते हुए नजर आए। एंड देखिए सोविक दे भी यहाँ पे एक एक ऐसे सिचुएशन में आ चुके हैं। देखिए हम बात कर रहे थे ना, जब भी जो भी टॉस जीतता था वो जब भी गेंदबाजी चूज कर रहे थे, हर वक्त जीतते हुए नजर आ रहे थे, बट इस बार वो हुआ नहीं है। आज के दिन में एटलीस्ट जो भी यहाँ पे टॉस आ रहा है ना, मेजोरिटी उनके तरफ ही ये जीत हासिल हुआ है, जीत आया है उनके ही नाम। जी हाँ, लेकिन गाइस यहाँ पर बताना जरूर चाहूंगा, जितने भी दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं, तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि इतना प्राइस पूल के लिए खेल रहे हैं, किसके लिए जंग चल रही है। तो आपके सामने देख सकते हैं 20 लाख रुपए का ये प्राइस पूल है एएमडी क्रिकेट चैंपियनशिप का, जहां पर अभी आप देख रहे थे नेशनल प्लेऑफ्स। अभी तो एक डे वन में बोल सकता हूँ नेशनल प्लेऑफ्स का राउंड ऑफ 32 का। इसके बाद यहाँ से जितने भी खिलाड़ी जीत दर्ज करेंगे राउंड ऑफ 16 में यहाँ पर जाएंगे, तो आपके सामने यहाँ पर प्राइस पूल डिस्ट्रीब्यूशन काफी शानदार है। 10 लाख अगर आप जीतते हैं, सेकंड अगर रनर अप आप रहते तो 5 लाख आप लेके जाएंगे, देन उसके बाद 2 लाख है, देन उसके बाद हम बात करें 1 लाख अगर आप चौथे पायदान में आते हैं, 5वें से 8वें में 30,000 रुपये, और 9वें से 16वें पायदान में अगर आप रहते हो 10,000 रुपये आप ईच हर खिलाड़ी को यहाँ पर मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हर खिलाड़ी जो राउंड ऑफ 32 में खेल रहा है, जो आज हमने 4 मैचेस देखे हैं, उनका बस टारगेट है कि हम राउंड ऑफ 16 में तो एटलीस्ट एटलीस्ट पहुंचे और वो 10,000 सुनिश्चित करें, और जब एक बार पहुंच जाएंगे फिर वो टारगेट रहेगा वहां पर हैशटैग बनाने का। जी हाँ, देखिए बहुत शानदार तरीके से आज के दिन में 4 मुकाबले देखने के लिए मौका मिला, एंड उसमें से 4 खिलाड़ी जैसे आपने बताया, 10,000 तो मिनिमम अपने आपके लिए गारंटी की है, बट जैसे कल भी इतना ही चार शानदार मुकाबले 4 और मैच देखने के लिए मौका मिलेगा। मैं तो तैयार हूँ गेम्स, क्योंकि ऐसे ही बहुत क्लोज का टक्कर देखने के लिए मौका मिलेगा। दोनों साइड से क्या यहाँ पे बल्लेबाजी आएगा, टॉस कौन जीतेगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएगा। एंड दर्शक भी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो सपोर्ट भी दिखा रहे हैं ना, बहुत आई वुड से पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहा है, एंड इतना जो यहाँ पे मजे उठा रहे हैं ना सब लोग यहाँ पे, उसका जी इंतजार मैं जरूर करूंगा कल के दिन के लिए भी। बिल्कुल। तो गाइस आज यहाँ पर होता है हमारा दिन, पहला दिन समाप्त इस राउंड ऑफ 32 का। कल आपसे मुलाकात होगी, राउंड ऑफ 32 ही रहेगा, वो 4 मुकाबले कौन से रहेंगे कल आपको अपडेट कर दिए जाएंगे। वैसे तो आपको पता ही है, हम ऑलरेडी शेड्यूल आपको दिखा ही चुके थे, बट मेक श्योर आप यहाँ पर जब भी आप आए स्ट्रीम में लाइक शेयर जरूर करें, कास्टिंग पसंद आए तो जरूर हमें भी सपोर्ट दिखा सकते हैं, इंस्टाग्राम लिंक आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो इसी नोट के साथ हम लेते हैं यहाँ पर अलविदा, और मिलेंगे कल गाइज आपको ठीक 12:30 बजे के अराउंड। तो टेक केयर, बाय, गुड नाइट, सी या।